यस पीपल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनू गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे सब लोग होप्स so, लो बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दू मैं भी बहुत अच्छा हूँ तो फाइस आज हम रिवाइज करने वाले आपका मोस्ट अवेटेड टॉपिक जिसका नाम है नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन एंड एनआरआई टैक्सेशन तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक में सबसे पहला पार्ट आता है रेसिडेंशियल स्टेटस कि सर किसी भी पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों निकालना जरूरी है बिकॉज गाइस क्या होता है अगर कोई भी पर्सन रेजिडेंट बन जाता है ना तो उसके लिए पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स लगता है मीन ग्लोबल इनकम पे टैक्स लगता है बट अगर कोई नॉन रेजिडेंट है तो सिर्फ इंडिया से जो इनकम होगी उसी पर टैक्स लगेगा अब रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले अगर अपन इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल के केस में सेक्शन सिक्स वन बोलती है दो बेसिक कंडीशन है पहला बेसिक कंडीशन है स्टे इन इंडिया फॉर वन एटी टू डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर दैट इज इन करंट ईयर और स्टे इन इंडिया फॉर डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड थ्री सिक्सटी फाइव डेज और मोर इन लास्ट फोर प्रीवियस ईयर तो देखिए दो बेसिक कंडीशन है एक तो क्या है स्टे इन इंडिया फॉर वन एटी टू डेज मोर इन प्रीवियस ईयर और स्टे इन इंडिया फॉर सिक्सटी डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड थ्री सिक्सटी फाइव डेज और मोर इन द लास्ट फोर प्रीवियस ईयर गाइस ये जो दो बेसिक बेसिक कंडीशन कंडीशन है से अगर एक भी सेटिस्फाइड हो जाती है तो आप बन जाते हो रेजिडेंट अदरवाइज आप बन जाते हो नॉन रेजिडेंट एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड की तो तो रेजिडेंट अदरवाइज आप बन गए नॉन रेजिडेंट अब अगर रेजिडेंट बन गए तो आपको चेक करना पड़ेगा कि वो इंडिविजुअल रेजिडेंट एंड ऑर्डनरीली रेजिडेंट है या फिर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डनरीली रेजिडेंट है तो वो कैसे चेक करेंगे यहां पे दो एडिशनल कंडीशन दे रखी है तो देखिए अगर एटलीस्ट वन बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई और उसके बाद दो एडिशनल कंडीशन है कौन कौन सी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर टू प्रीवियस ईयर और मोर इन द लास्ट प्रीवियस ईयर मीन लास्ट के टेन प्रीवियस ईयर में किसी भी टू प्रीवियस ईयर या उससे ज्यादा इंडिया का वो बंदा रेजिडेंट रहा हो एंड स्टे इन इंडिया फॉर सेवन थर्टी डेज और मोर इन द लास्ट सेवन प्रीवियस ईयर अब एक बात समझना ये अगर दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है ट तो, तो देखिये वापस से बोल रहा हूं अगर यह दो बेसिक कंडीशन में से एक भी सेटिस्फाइड हो गई तो आप रेजिडेंट बन गए अदरवाइज नॉन रेजिडेंट एंड गाइज अगर मान लो आप रेजिडेंट बन गए तो आपको चेक करना पड़ेगा आर एंड ओ आर हो या फिर आर बट एनओ आर ओ उसके लिए दो एडिशनल कंडीशन है रेजिडेंट इन इंडिया फॉर टू प्रीवियस ईयर और मोर इन द लास्ट टेन प्रीवियस ईयर एंड स्टे इन इंडिया फॉर सेवन थर्टी डेज और मोर इन द लास्ट सेवन प्रीवियस ईयर ये दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है अलोंग विद एटलीस्ट वन बेसिक कंडीशन तो उस पर्टिकुलर केस में आप आर एंड ओ हो जाओगे अदरवाइज आप आर बट एनओ हो जाओगे अब एक चीज समझना लॉ मेकर्स बोलते हैं तीन ऐसे केसेस है जिसमें आपको ये सेकेंड बेसिक कंडीशन देखने की जरूरत ही नहीं है मिस ये जो सेकेंड बेसिक कंडीशन है ना इस पे आप काटा मार दीजिए इसको देखने की जरूरत नहीं सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन देखो फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो रेजिडेंट अदरवाइज सीधा नॉन रेजिडेंट सर ऐसे कौन कौन से तीन केस है पहला केस ये है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है जो भारत का नागरिक है लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर करंट प्रीवियस ईयर फॉर एन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया मींस इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया मींस इंडिया के बाहर जॉब के लिए बिजनेस के लिए प्रोफेशन के लिए इंडिया छोड़ के इस साल में जा रहा है तो उसके लिए सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं देखना दूसरा इंडियन सिटीजन बीइंग द क्रू मेंबर ऑफ द इंडियन शिप लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मीन कोई इंडियन सिटीजन है जो कि किसी क्रू मेंबर है इंडियन शिप का क्रू मेंबर है और वो इंडिया छोड़ के करंट ईयर में जा रहा है तो उसके लिए बेटा सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं देखनी एंड थर्ड पॉइंट कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन यहां पे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन का मतलब होता है कोई भी पर्सन उसके पेरेंट्स में से कोई या ग्रैंड पेरेंट में से कोई अगर अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ है अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब होता है इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश तीनों मिला के जब आपका 1947 से पहले तो एक ही था दैट इज कॉल्ड अनडिवाइडेड इंडिया तो अगर पेरेंट्स में से कोई या ग्रैंड पेरेंट में से कोई अगर अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुआ है बर्थ हुआ है उसको बोलेंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन तो गाइज अगर कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन जो इंडिया के बाहर कोई बिजनेस करता है प्रोफेशन करता है एम्प्लॉयमेंट करता है लेकिन इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है इंडिया में अगर वो विजिट के लिए आ रहा है एंड उसका टोटल इनकम जो है इंडिया से जो इनकम है इंडियन इनकम से ज्यादा नहीं है कहां तो नहीं, तो कहा -कहा नहीं देखनी तीन जगह इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया और इंडियन सिटीजन लीव इंडिया एज अ क्रू द इंडियन शिप एंड तीसरा इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन जो इंडिया के बाहर है लेकिन इंडिया में आ रहा है विजिट के लिए एंड उसकी जो इंडियन सोर्स से इनकम है इंडियन सोर्स का मतलब आप अदर देन फॉरेन सोर्स ले लीजिए फॉरेन सोर्स को छोड़ के जो इंडियन सोर्सेज से इनकम है वो इंडियन सोर्सेज से इनकम अगर, अगर अप टू फिफ्टीन लाख रुपीज है तो गाइज यहां पर आपको ये सेकेंड बेसिक कंडीशन नहीं देखनी लेकिन आपका डाउट ये रहेगा कि सर आप बोल रहे हैं कि इंडियन सिटिजन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ जो इंडिया आ रहा है विजिट कर रहा है और उसकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स का इनकम अगर वो अप टू 15 लाख है तो तो आपको सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं देखना लेकिन 15 लाख लेक से ज्यादा हो, हो गया तो अगर फिफ्टीन लैक्स से ज्यादा हो गया तो लॉ मेकर्स बोलते हैं अगर फिफ्टीन लैख से ज्यादा हो गया तो आपको यह सेकेंड बेसिक कंडीशन देखना पड़ेगा लेकिन सेकेंड बेसिक कंडीशन में 60 डेज की जगह आपको 120 डेज लेना पड़ेगा कितना लेना पड़ेगा 60 डेज की जगह आपको 120 डेज लेना पड़ेगा सिर्फ इतना फर्क आ जाएगा तो अगर कोई इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया के बाहर है वो इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है एंड उसका इंडियन सोर्स से जो इनकम है अदर देन फॉरन सोर्स का इनकम अगर वो फिफ्टीन लेख से ज्यादा है तो आपको क्या करना है ये सेकेंड बेसिक कंडीशन देखना है एंड सेकेंड बेसिक कंडीशन में यहां पे 60 डेज की जगह आपका 120 डेज हो जाएगा तो सेकंड बेसिक कंडीशन हो जाएगा स्टे इन इंडिया फॉर 120 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन द लास्ट फोर प्रीवियस ईयर ऐसा आपका ये सेकंड बेसिक कंडीशन हो जाएगा समझा कि नहीं समझा समझा अब एक और चीज समझना अगर कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन है जो इंडिया के बाहर है वो इंडिया विजिट कर रहा है उसका इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो बेटा ये सेकेंड बेसिक कंडीशन देखना है अब एक बात समझना अगर उस पर्सन के केस में फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ एंड सेकेंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो वो रेजिडेंट बन गया लेकिन गाइज फिर उसके केस में आपको एडिशनल कंडीशन नहीं देखना है मीनस वो सीधा रेजिडेंट बन जाएगा बट रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डनरीली रेजिडेंट बनेगा क्या बनेगा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डनरीली रेजिडेंट तो देखो इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन कम्स इन इंडिया फॉर अ विजिट और उसका अगर 15 लाख तक का इनकम है तो तो सेकंड बेसिक कंडीशन देखना ही नहीं 15 से ज्यादा है तो सेकंड बेसिक कंडीशन देखना है बट वहां पे 60 डेज की जगह 120 डेज हो जाएगा एंड गाइस अगर ये सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो वो बंदा सीधा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डनरीली रेजिडेंट बन जाएगा क्या बनेगा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डनरी रेजिडेंट अब एक और चीज समझना लॉ मेकर्स बोलते हैं कि जो क्रू मेंबर होते हैं अगर कोई इंडियन सिटीजन है और जो क्रू मेंबर है इंडियन शिप का लेकिन फॉरेन बाउंड शिप है फॉरेन बाउंड शिप का मतलब क्या होता है ऐसी शिप जिसका डेस्टिनेशन जो है वो फॉरेन रहता है जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मुंबई से एक शिप रवाना हो रही है और वो मुंबई से शिप है वो यूएसए जा रही है और और यूएसए जाके वापस आएगी दैट इज योर फॉरेन बाउंड शिप जिसका डेस्टिनेशन इंडिया के बाहर होता है फिर वापस आती है तो वहां पे जब नंबर ऑफ डेज काउंट करोगे ना उसके लिए तो एक चीज ध्यान रखना एक उनके लिए कंटिन्यू डिस्चार्ज सर्टिफिकेट रहता है और कंटिन्यू डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में जिस दिन उसने शिप को ज्वाइन किया उस दिन से लेके और जिस दिन उसने शिप को लेफ्ट आउट किया साइन ऑफ किया वो दोनों दिन और उसके बीच के जितने भी दिन रहेंगे वो माना जाएगा स्टे आउटसाइड इंडिया क्या माना जाएगा स्टे आउटसाइड इंडिया मतलब ये माना जाएगा कि ये इंडिया के बाहर ही था वापस बोल रहा हूं कि अगर कोई भी इंडियन सिटीजन है जो कि क्रू मेंबर है फॉरेन बाउंड शिप का फॉरेन बाउंड शिप का मतलब होता है ऐसा शिप जिसका ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया इंडिया और और डेस्टिनेशन इज आउटसाइड वाइस मतलब कुल मिला के अगर मान लो हो सकता है ओरिजिन बाहर से हो और इंडिया में आ रहा है या इंडिया से जा रहा है लेकिन बाहर जा रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि उसके लिए एक सर्टिफिकेट होता है जिसको कंटिन्यू डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बोलते हैं उसमें क्या होता है कि वो शिप को ज्वाइन करता है और जब वो शिप को छोड़ के वापस साइन ऑफ करके आता है तो ध्यान रखना जिस दिन उसने शिप को ज्वाइन किया और जिस दिन उसने शिप को साइन ऑफ कर दिया वो दोनों दिन एंड उसके बीच का जितना भी टाइम रहेगा वो स्टे आउटसाइड इंडिया माना जाएगा क्या माना जाएगा स्टे आउटसाइड इंडिया अब एक चीज समझना एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज द डीम्ड रेजिडेंट ये डीम्ड रेजिडेंट का क्या बोलता है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है जो गाय सिक्स वन के हिसाब से रेजिडेंट नहीं बनता सिक्स वन के हिसाब से मीन वहां पर जो दो बेसिक कंडीशन है ये वाली इन दोनों बेसिक कंडीशन में से एक भी कंडीशन वो सेटिस्फाइड नहीं करता तो के हिसाब से तो वो रेजिडेंट नहीं है लेकिन गाइस अगर कोई इंडियन सिटीजन है जिसका टोटल इनकम इंडियन सोर्स का इनकम है वो 15 से ज्यादा है इंडियन सोर्स का इनकम फिफ्टीन लैस से ज्यादा है सोर्स की इनकम को छोड़ दीजिए जो इंडियन सोर्स से इनकम है या तो इंडिया में इनकम हुआ है या फिर ऐसा कोई इनकम जो बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है प्रोफेशन वॉर सेटअप इन इंडिया वो वाला इनकम है वो कंसिडर करने का इंडियन सोर्स के इनकम है अब एक बात समझना अगर कोई भी ऐसा इंडियन सिटीजन है भारत का नागरिक है जिसकी टोटल इनकम है वो फिफ्टीन लैक्स से ज्यादा है इंडियन सोर्स का इनकम एंड वो किसी और कंट्री में लाइबल टू पे टैक्स नहीं है किसी और कंट्री में लाइबल टू पे टैक्स नहीं है तो उसको इंडिया का हम डीम्ड रेजिडेंट मान लेंगे लेकिन हमेशा उसको रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट मानेंगे क्या मानेंगे रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट एग्जांपल के लिए जैसे टेक्निकल गुरुजी है टेक्निकल गुरुजी क्या करता है दुबई में ही रहता है अब वो बंदा है इंडियन सिटीजन अब इंडियन सिटीजन है दुबई में रहता है और दुबई में कोई टैक्स वगैरह कहीं लगता ही नहीं है अब एक बात समझना अगर उसका इंडिया से इनकम जो है वो फिफ्टीन लैख से ज्यादा है और वो इंडियन सिटीजन है इंडिया का इनकम 15 लाख से ज्यादा है एंड ही तो उस पर्टिकुलर केस में गाइज वो बंदा इंडिया का डीम्ड रेजिडेंट माना जाएगा बट रेजिडेंट में कभी भी वो ऑर्डनरीली रेजिडेंट नहीं बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा आपका नॉट ऑर्डनरीली रेजिडेंट मिस आर बट एनओ आर है वो बन जाएगा चलिए उसके बाद सर का का कैसे देखेंगे? तो का देखने के के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि वो के जो भी है है वो कहां से हो रहा है Normally, का होता है है? तो उसका कंट्रोल कहां से हो रहा है? अगर कंट्रोल होली और पार्टली इन इंडिया है तो तो वो एच रेजिडेंट बन गया लेकिन अगर मान लो होली आउटसाइड इंडिया है तो वो एच नॉन रेजिडेंट बन गया तो अगर होली और पार्टली इंडिया से कंट्रोल होता है तो तो वो रेजिडेंट बन जाएगा और अगर होली आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेजिडेंट लेकिन एक चीज ध्यान रखना अगर मान लो एच कोई भी रेजिडेंट बन गया तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वो एच यू एफ रेजिडेंट एंड ऑर्डनरीली रेजिडेंट है या फिर आरब है तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा करता क्या करता वो दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड करता है यानी सिक्स सिक्स की तो ये जो एडिशनल कंडीशन है सिक्स सिक्स की अगर करता ये दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड कर लेता है तो उस पर्टिकुलर केस में एच यूएफ विल बी ट्रीटेड एज अ रेजिडेंट एंड ऑर्डनरीली रेजिडेंट अदरवाइज एच यूएफ विल बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डनरीली रेजिडेंट उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं सर एक बात बताइए जो भी पार्टनरशिप फर्म है एओपी बीवाई लोकल ऑथोरिटी आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन उनका रेजिडेंशियल स्टेटस भी डिपेंड करेगा आपके कंट्रोल एंड मैनेजमेंट्स पे कि उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां से हो रहा है अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होटली और पार्टली इन इंडिया है तो वो आपका रेजिडेंट बन जाएगा अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा तो वापस बोल रहा हूं देखिए अगर कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म है एओपी बीवाई है लोकल अथॉरिटी है आर्टिफिशियल जोरिटिकल पर्सन है अगर उनका कंट्रोल और मैनेजमेंट है वो अगर होली और पार्टली इन इंडिया है तो वो रेजिडेंट अदरवाइज क्या बन जाएगा नॉन रेजिडेंट ठीक है अगर मान लो होली आउटसाइड इंडिया तो नॉन रेजिडेंट अब एक और चीज समझना ये जो आर रहता है ना एंड आर बट एनओ आर है ये सिर्फ एंड सिर्फ इंडिविजुअल एच में होता है बाकी पार्टनरशिप फर्म एओपीबीआई लोकल ऑथोरिटी आर्टिफिशियल जुडिडिकल पर्सन कंपनी वहां पे ऐसा नहीं होता आर एंड ओ आर आर ब टेनोअर ऐसा वो कॉन्सेप्ट सिर्फ इंडिविजुअल एंड एच एफ में है बाकी के केस में क्या होता है सीधा आइदर रेजिडेंट रहेगा या नॉन रेजिडेंट रहेगा वहां पे वो ओ आर एंड आर ब टेनोआर वगैरह वो नहीं रहता चलिए अब अपन चालू करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट और यहां से आपके एग्जाम में आने के क्वेश्चन के चांसेस बहुत है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी सर कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालेंगे तो कंपनी में दो तरह की कंपनी हो सकती है एक तुम्हारी इंडियन कंपनी और एक तुम्हारी अदर कंपनी या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं फॉरन कंपनी देखो इंडियन कंपनी जो होती है ना वो ऑलवेज रेजिडेंट है इंडियन कंपनी का मतलब आपकी रिलायंस है टाटा है फिर बीबी वर्चुअल्स है जितनी भी आप कंपनियां देखते हो इंडिया में दैट इज कॉल्ड इंडियन कंपनी तो इंडियन कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे देखेंगे तो लॉ मेकर्स बोलते हैं अगर फॉरेन कंपनी का पोयम इंडिया में है तो वो इंडिया की रेजिडेंट बन जाएगी पोयम का मतलब होता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कंट्रोल प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कंट्रोल का मतलब होता है कि उस कंपनी के की मैनेजरियल डिसीजन कहां से लिए जा रहे हैं अगर कोई फॉरेन कंपनी है उस फॉरेन कंपनी के की मैनेजर डिसीजन कहां से लिए जा रहे हैं अगर की मैनेजरियल वो इंडिया से लिए जा रहे हैं तो वो रेजिडेंट बन जाएगी अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगी एग्जाम्पल के लिए मान लो एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है अब सिंगापुर बेस्ड कंपनी है नॉर्मली इंडियन कंपनी इज रेजिडेंट अब वो सिंगापुर बेस्ड कंपनी में फॉरेन कंपनी है तो आपको देखना पड़ेगा कि वो सिंगापुर में रजिस्टर्ड कंपनी है उसके की मैनेजरियल डिसीजन कहां से लिए जा रहे हैं अगर वो इंडिया से लिए जा रहे हैं तो उसका पोयम इंडिया में हो जाएगा और वो इंडिया की रेजिडेंट बन जाएगी

अब एक चीज समझना जो फॉरेन कंपनी होती है मैं बोल रहा हूं फॉरेन कंपनी का पोयम अगर इंडिया में है तो वो इंडिया की रेसिडेंट बन जाएगी लेकिन सर कैसे पता चलेगा फॉरेन कंपनी का इंडिया में है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा तो उसके लिए गाइस एक गाइडलाइंस निकाली हुई है सीबीडीटी ने और सीबीडीटी ने वो गाइडलाइंस निकाली थी 2017 में थ्रू द सर्कुलर नंबर सिक्स एंड सर्कुलर नंबर एट ऑफ 2017 और ये यह पोयम का गाइडलाइंस आपको तभी एप्लीकेबल होगा जब आपका टर्नओवर है वो 50 करोड़ से ज्यादा है अगर टर्नओवर 50 करोड़ से कम है तो फिर ये गाइडलाइंस वगैरह देखने की जरूरत ही नहीं है करके ठीक है अगर टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है तो आपको ये गाइडलाइंस है ये फॉलो करना पड़ेगा कि फॉरेन कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालना है ध्यान देना एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आने का चांस है और आएगा छह मार्क का क्वेश्चन सीधा एग्जाम में तो देखिए सबसे पहले अब अपन बात कर रहे हैं फॉरन कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालना है तो मान लो एक फॉरेन कंपनी है जिसका नाम है एस्को सिंगापुर बेस्ड कंपनी है उसको एस्को ले लेता हूं करके ठीक है सिंगापुर बेस्ड कंपनी एस्को जो कि सिंगापुर में रजिस्टर्ड है तो फॉरेन कंपनी है अब उसका इंडिया में पोयम है या नहीं तो उसके लिए क्या करना है लॉ मेकर्स बोलते पहले आप देखो कि अगर मान लो दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो उसका पोयम इंडिया में माना जाएगा दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो उसका पोयम जो है वो इंडिया के बाहर माना जाएगा मैंने जो लाइन बोली थी वापस चेंज कर रहा हूं ध्यान देना करके ठीक है अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो उसका पोयम इंडिया के बाहर माना जाएगा और पोयम इंडिया के बाहर है मतलब वो इंडिया के लिए क्या बन जाएगी नॉन रेजिडेंट सर आप बोलोगे कौन कौन सी दो कंडीशन पहली कंडीशन ये है कि उसका मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग है वो इंडिया के बाहर होना चाहिए पहली कंडीशन मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग इंडिया के बाहर होना चाहिए जैसे मान लो एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है और सिंगापुर बेस्ड कंपनी जो है उसकी मान लो पूरे साल में मिला के पांच बोर्ड मीटिंग हुई जिसमें दो इंडिया में हुई दो सिंगापुर में हुई और एक दुबई में हुई

50% ऑफ द टोटल इनकम मींस उसका जो पैसिव इनकम है वो 50% ऑफ टोटल इनकम से ज्यादा नहीं होना चाहिए मींस वो कंपनी का जो टोटल इनकम रहेगा उसमें पैसिव इनकम जो है वो 50% है उससे कम होना चाहिए अब आप मुझे बोलोगे पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है देखो पैसिव इनकम में दो तरह की इनकम पहला तो अगर मान लो वो कंपनी का जो परचेज हो रहा है एंड जो सेल हो रहा है परचेज एंड सेल हो रहा है गुड्स का वो टू एंड फ्रॉम असोसिएट एंटरप्राइज है असोसिएट एंटरप्राइज जो ट्रांसफर प्राइसिंग में दे रखा है मतलब गुड्स को परचेज भी असोसिएट एंटरप्राइज से कर रहे हैं और सेल भी असोसिएट एंटरप्राइज से कर रहे हैं तो उससे जो भी इनकम होगा वो पैसे इनकम होगा अगर एक चीज समझना अगर परचेज किया वो आउटसाइडर से किया सेल एसोसिएट एंटरप्राइज को किया तो वो एक्टिव इनकम है या फिर जो परचेस किया वो एसोसिएट से किया और सेल तो वो है। तो पैसिव इनकम जहां भी से हो है एंड सेल भी को हो है, तो वो है। guys, दूसरा रखना, अगर बिजनेस की इनकम को छोड़ के बाकी सब तुम्हारी पैसे को छोड़ के बाकी पैसे जैसे हाउस प्रॉपर्टी रेंटल इनकम है वो तुम्हारी पैसे उसके बाद जो कैपिटल गेन है वो तुम्हारा पैसिव इनकम है अदर में इनकम कौन कौन सी आती है इंटरेस्ट है वो तुम्हारा पैसिव इनकम है रॉयल्टी है वो तुम्हारा पैसिव इनकम है डिविडेंट है वो तुम्हारा पैसिव इनकम है तो गाइज यहाँ पे पैसिव इनकम कौन सी होगी दो तरह की इनकम को पैसिव बोलेंगे जहां परचेज एंड सेल दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज को हो रहा है एंड दूसरा जो बिजनेस को छोड़ के जो इनकम होती है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पैसिव इनकम है कैपिटल गेन है पैसिव इनकम है डिविडेंड रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट है वो पैसिव इनकम है लेकिन ध्यान रखना अगर कोई भी बैंकिंग कंपनी है या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो उसके लिए इंटरेस्ट का इनकम एक्टिव इनकम हो जाएगा अगर कोई बैंकिंग कंपनी है या फिर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो उसके लिए जो इंटरेस्ट का इनकम होता है वो क्या हो जाएगा? Yes. अब एक और समझना। तो एबीआई टेस्ट फुलफिल हो तो होगा जब आपकी टोटल इनकम पैसिव इनकमी परसेंट या उससे कम होनी चाहिए दूसरी कंडीशन की जितनी भी टोटल अट है उसमें से लेस देनिफ्टी परसेंट असैट इंडिया में होनी चाहिए उस कंपनी के जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉय है उसमें से लेस देन लेसेंट एम्प्लॉय इंडिया में होने चाहिए और इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए एंड गाइस जो इंडिया में एम्प्लॉय का खर्चा होगा वो टोटल पेरोल एक्सपेंडिचर में फिफ्टी परसेंट से कम होना चाहिए टोटल पेरोल एक्सपेंडिचर में फिफ्टी परसेंट से कम होना चाहिए तो गाइज अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो अपन बोलेंगे एबीआई टेस्ट फुलफिल हो गया वापस बोल रहा हूं देखिए मैंने बोला अपन बात कर रहे हैं फॉरेन कंपनी की एग्जांपल के लिए ले रहे हैं सिंगापुर बेस एक कंपनी है जिसका कुछ नाम दे देते हैं एसको ठीक है एसको एस सिंगापुर बेस्ड कंपनी अब ये सिंगापुर बेस्ड कंपनी है ये इंडिया की रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है वो पोयम पे डिसाइड करेगा अब एक चीज समझना इनका गाइडलाइंस ये बोलता है कि अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो पोयम इंडिया के बाहर और पोयम इंडिया के बाहर मतलब वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगी कौन सी दो कंडीशन पहली कंडीशन मेजॉरिटी बोर्ड मीटिंग इंडिया के बाहर होनी चाहिए एंड दूसरी कंडीशन आपका एबीओ टेस्ट फुलफिल होना चाहिए और एबीओ टेस्ट किसको बोलेंगे पता है एबीओ टेस्ट कब फुलफिल होगा जब चार कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए पहली कंडीशन इन योर टोटल इनकम पैसिव इनकम शुड बी फिफ्टी और लेस सेकेंड कंडीशन यह है कि लेस देन फिफ्टी परसेंट इंडिया में सिचुएटेड होनी चाहिए जितने टोटल एम्प्लॉय है उसमें से लेस देन 50 परसेंट इंडिया में सिचुएटेड और रेजिडेंट होने चाहिए एंड गाइस जो भी इंडियन एम्प्लॉय है उनका जो पेरोल का खर्चा है वो टोटल पेरोल एक्सपेंडिचर में आपका 50 परसेंट से कम होना चाहिए अब आप बोलोगे पैसिव इनकम का मतलब क्या जहां पे परचेस एंड सेल दोनों एसोसिएट को होता है एंड गाइज दूसरा बिजनेस हेड को छोड़ के जो रेंटल इनकम है या कैपिटल गेन है या रॉयल्टी है तुम्हारा करके डिविडेंट है कैपिटल गेन है रॉयल्टी है इंटरेस्ट है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा सीधा पैसिव इनकम लेकिन अगर आपका पी एफ आई है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंकिंग कंपनी है तो उस केस में इंटरेस्ट इनकम है वो तुम्हारी एक्टिव इनकम मानी जाएगी अब क्वेश्चन आता है कि सर आप बोल रहे हो इनकम जो लेनी है वो इनकम कौन से लॉ के हिसाब से लेंगे तो देखो इनकम के लिए क्या करना है आपको क्या करना है टैक्स लॉ लेना है जिस कंट्री में इनकॉर्पोरेट हुई है वहां के टैक्स लॉ के हिसाब से इनकम कितनी है बोलो और उसमें देखो पैसिव इनकम कितनी है जैसे मान लो सिंगापुर बेस्ड कंपनी है तो सिंगापुरियन टैक्स लॉ जो रहेगा उसके हिसाब से जो इनकम रहती है वो लेनी है लेकिन मान लो सिंगापुर में कोई टैक्स लॉ ही नहीं है सिंगापुर में कोई भी टैक्स लॉ नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस में वहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन से लॉ के हिसाब से बनाई है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से इनकम ले लीजिए अब एक बात समझिए असेट का वैल्यू कैसे लेना है क्योंकि असेट्स में क्या होता है कि टोटल असेट में लेस देन 50 परसेंट इंडिया में होनी चाहिए तो बेटा असट्स की वैल्यू हम कैसे लेंगे

तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय में ध्यान रखना आप एक काम करिए ओपनिंग में नंबर कितना था एंड आपका क्लोजिंग में नंबर कितना था उसका आप एवरेज ले लीजिए देखिए ओपनिंग में स्टार्टिंग में नंबर कितना था क्लोजिंग में आपका नंबर कितना है उसका एवरेज ले लीजिए और देख लीजिए इंडिया में कितना एम्प्लॉय है अगर लेस देन 50 परसेंट इंडिया में तो उस पर्टिकुलर केस में अगर लेस देन 50 परसेंट है वो आपका इंडिया में है लेस देन 50 परसेंट आपका इंडिया में है लेस देन 50 परसेंट आपका इंडिया में है तो उस पर्टिकुलर केस में वो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी लेकिन इसमें ध्यान रखना जब आप एम्प्लॉय लेते हो तो एम्प्लॉय में आपको ऐसे एम्प्लॉय भी कंसिडर करने हैं जो डायरेक्टली आपने एम्प्लॉय नहीं किए जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर वगैरह है लेकिन वो काम वही करते हैं जो आपके डायरेक्ट एम्प्लॉय करते हैं जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हमारी कंपनी में फॉरन की कंपनी है फॉर एन एक्जाम्पल फॉरेन की कंपनी में उन्होंने टोटल एम्प्लॉय हंड्रेड है उसमें से ट्वेंटी एम्प्लॉय ऐसे जो एजेंसी वाले हैं मीनस कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है लेकिन काम वो वैसे ही कर रहे हैं जैसे नॉर्मल तुम्हारे एम्प्लॉय कर रहे हैं तो उन एम्प्लॉय को भी आपको यहां पे कंसिडर करना पड़ेगा पेरोल एक्सपेंडिचर में कितना लेंगे कि जो भी आपका एम्प्लॉय बेनिफिट जितना भी होता है सैलरी वेजेस बोनस ऑल अदर एम्प्लॉय जो कंपनसेशन है वो आपको सब लेना पड़ेगा इंक्लूडिंग द रिलेटेड पेंशन सोशल कॉस्ट बोर्न बाय एम्प्लॉय वो सब लेना पड़ेगा अब एक और चीज समझना। मैंने आपको क्या बोला कि अगर दो कंडीशन तो इंडिया के बाहर आपका मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग इंडिया के बाहर हो, हो, हो रही है लेकिन तो पोएम इंडिया में माना जाएगा कब अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना उसके पास डिसीजन लेने का पावर ही नहीं है मिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एकदम पंगू हो चुका है उसके पास कोई पावर है ही नहीं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास में अगर कोई भी पावर नहीं है बोर्ड इज नॉट एक्सरसाइजिंग द पावर बोर्ड के पास कोई पावर ही नहीं है डिसीजन लेने का और पावर किसके पास है कोई इंडिया में बैठा पर्सन है वो डिसीजन ले रहा है तो गाइस, उसका पोयम फिर है वो इंडिया में माना जाएगा क्या माना जाएगा इंडिया में तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास कोई पावर नहीं है एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन नहीं ले पा रहे मेजोरिटी डिसीजन अगर कोई पर्सन है जो इंडिया में लोकेटेड है वो ले रहा है या इंडिया की होल्डिंग कंपनी ले रही है तो उस पर्टिकुलर केस में उसका पोयम इंडिया में माना जाएगा भले वो एबीआई टेस्ट फुलफिल हो गया मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग इंडिया के बाहर है तो भी अब एक चीज समझना है लेकिन बहुत बार क्या होता है कि अगर मान लो इंडिया में होल्डिंग कंपनी है एंड फॉरन में सब्सिडरी कंपनी है तो डिसीजन होल्डिंग कंपनी नहीं ले रही लेकिन बहुत बार क्या होता है जो ग्रुप कंपनीज होती है ना सब्सिडरी कंपनी क्या करती है जो होल्डिंग कंपनी ने बोला है वो चीजें फॉलो करती है एग्जाम्पल के लिए जैसे जो पेरोल का फंक्शन होता है अकाउंटिंग फंक्शन होता है एच फंक्शन होता है आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर है नेटवर्क प्लेटफॉर्म है सप्लाई चेन है रूटीन बैंकिंग ऑपरेशन प्रोसीजर वगैरह वगैरह ये जो होल्डिंग कंपनी ने बोल रखा होता है वैसा का वैसा सब्सिडरी फॉलो करती है तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर सब्सिडरी ऐसा सिर्फ ये जो फॉलो कर रही है ग्लोबल पॉलिसी का तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये माना जाएगा होल्डिंग कंपनी डिसीजन ले रही है नहीं इसमें ऐसा नहीं माना जाएगा बट उन्होंने आगे जाके बोला कि अगर आप कुछ ऐसा चिटिंग कर रहे हो तो फिर हमारे पास में गार है और हम गार लगा सकते हैं ठीक है चलिए अब एक और चीज समझता ये जो एबीआई टेस्ट आप करते हो ना एबीआई टेस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा चार कंडीशन क्या आपकी इनकम में पैसे इनकम फिफ्टी से ज्यादा नहीं होना चाहिए लेस देन फिफ्टी परसेंट इंडिया में होनी चाहिए लेस देन फिफ्टी परसेंट एम्प्लॉय इंडिया में होनी चाहिए और इंडियन एम्प्लॉय का जो पेरोल का एक्सपेंडिचर है टोटल पेरोल एक्सपेंडिचर में लेस देन फिफ्टी होना चाहिए सर इसमें जो डेटा लेना है वो कौन से ईयर का लेना है जैसे इनकम है तो वो कौन से ईयर की लेनी है करंट ईयर की ले लेकिन गैस यहां पे इन्होंने बोला कि आपको जो भी डेटा लेना है वो आपको करंट ईयर का एंड पिछले दो साल का एवरेज डेटा लेना है जैसे इनकम जब लोगे तो आप करंट ईयर की तो लोगे ही आपको पिछले दो साल की इनकम भी कंसिडर करनी है और उसका एवरेज लेके और फिर आपको ये चीजें चेक करनी है अब एग्जामिनर ऐसा नहीं पूछता एग्जाम में जो क्वेश्चन आए अभी तक वो उसमें यही पूछा है कि भैया आपको इस साल की इनकम और मान लो ये सब एवरेज ही है ऐसा माना जाएगा या पहले बिजनेस ही नहीं था वैसा बोल के उन्होंने बताया है अब एक बात समझना मैं बोल रहा हूं तीन साल का आपको क्या करना है एवरेज लेना है अब आप मुझे ये पूछोगे कि सर तीन साल का एवरेज लेना है लेकिन तीन साल कैसे जैसे अपना प्रीवियस ईयर 23, 24 है तो 23, 24 प्रीवियस ईयर उसके बाद 22, 23 एंड 21, 22 उन बाद साल का आपको एवरेज लेना है लेकिन यहां पे एक और चीज ध्यान देना अगर मान लो वो कंपनी का का वहां का अकाउंटिंग ईयर अलग है और अपना अलग है जैसे फॉर एन एग्जाम्पल वहां पे कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं और हमारे यहां पे तो अपन प्रीवियस ईयर फॉलो करते हैं अप्रैल टू मार्च वहां जेन टू दिसंबर फॉलो करते हैं तो क्या होगा तो लॉ मेकर्स बोलते हैं तीन साल कौन से लेने हैं आपको यह देखना है कि आपके प्रीवियस ईयर में उनका कौन सा अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हुआ है तो आपके प्रीवियस ईयर में उनका अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हुआ होगा 2023 अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हुआ होगा क्योंकि हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है हमारा प्रीवियस ईयर 2324 है मान लो वो कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे तो मैं बताऊं 2023 वाला कैलेंडर ईयर है वो आपका कंप्लीट हुआ इस साल में तो इस साल में 2023 वाला कैलेंडर ईयर है वो आपका कंप्लीट हुआ तो आपको क्या करना है 2023 का कैलेंडर ईयर उसके पहले 2022 का कैलेंडर ईयर एंड 2021 के कैलेंडर ईयर का डेटा लेके और आपको उसका एवरेज करना है यू गॉट माय पॉइंट और और नॉट यस अब एक चीज समझना मैंने आपको बोला कि अगर मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग इंडिया के बाहर है एबीआई टेस्ट फुलफिल हो गया तो, तो पोएम इंडिया के बाहर है वो कंपनी नॉन रेजिडेंट बन गई लेकिन अगर मान लो एबीआई टेस्ट फुलफिल नहीं हुआ तो क्या उसको इंडिया का रेजिडेंट मान लेंगे आंसर इज नो अगर टेस्ट नहीं हुआ तो फिर आपका टू स्टेज प्रोसेस रहेगा आपको यह देखना पड़ेगा सबसे पहले कि सर, उस से रिलेटेड कौन से कौन ऐसे लोग हैं जो लिए रहे हैं एंड वो डिसीजन कहां से लिए जा रहे हैं और, रहे है। है रहे हैं और, रहे है। और एक चीज ध्यान रखना जहां से डिसीजन लिए जा रहे हैं? वो जगह ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू डिसीजन जहां इंप्लीमेंट हो रहे हैं इंप्लीमेंट कहां हो रहा है वो इन है वो डिसीजन कहां से लिए जा रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है अब आप बोलोगे ये कैसे देखेंगे तो उसके लिए उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दे रखे अब देखिए ये एग्जाम्पल कोई एग्जाम में आने वाले है नहीं करके मोस्टली तो नहीं आता है बट देखो एग्जाम्पल क्या है कि अगर मान लो बोर्ड ऑफ एक्सरसाइज है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो डिसीजन लेता है तो आपको ये देखना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्ट बोर्ड ऑफ बीओडी जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो डिसीजन कहां से ले रहा है अगर मान लो डिसीजन लेने का पावर सीनियर मैनेजमेंट को दे रखा है MD, को दे रखा है, तो आपको यह देखना पड़ेगा कि वो एम डी मान लो किसी एग्जीक्यूटिव कमिटी को दे रखा है तो वो एग्जीक्यूटिव कमिटी कहां पे लोकेटेड है कहां से वो डिसीजन ले रही है वो जगह पोएम बन जाएगी अगर मान लो कोई सर्कुलर रेजोल्यूशन या राउंड रोबिन वोटिंग से डिसीजन लिया जा रहा है तो आपको यह देखना पड़ेगा कि उसमें से जो person, जो मेन पर्सन डिसीजन डिसीजन लास्ट में लेगा वो कहां पर लोकेटेड है वहां पर पोएम बन जाएगा एक और चीज समझना कुछ मैटर ऐसे होते हैं जिसमें शेयर होल्डर डिसीजन लेते हैं उससे आपको कोई लेना है नहीं है कोई मैटर ऐसे होते हैं जो शेयर होल्डर के लिए रिलेवेंट है वो आपके लिए पोएम डिटरमिनेशन के लिए इलेवेंट है Miss, कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो शेयर होल्डर मीटिंग में लिए जाते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में ये तुम्हारे लिए डिसीजन के लिए नॉट रिलेवेंट अब एक और चीज समझना अगर कोई सीनियर पर्सन लोकेटेड एज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है और वो डिसीजन लेता है तो जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो पोएम माना जाएगा लेकिन बहुत बार अगर डिसेंट्रलाइज ऑफिस है बहुत सारी कंट्रीज में ऑफिस है तो उसमें क्या देखना पड़ेगा आपको यह देखना पड़ेगा कि सीनियर मैनेजर्स कहां रहते हैं एंड अगर सीनियर मैनेजर कहीं भी ट्रेवल करते हैं तो ट्रेवल करने के बाद वापस कहां पर आते हैं भाई लौट के तो आप हमेशा अपने घर पे ही आओगे तो अगर सीनियर मैनेजर मैनेजर कहीं पे ट्रेवल करते हैं तो वो लौट के कौन सी कंट्री में आते हैं वो कंट्री आपका पोएम बन जाएगी एंड गाइस यहाँ पे सीनियर मैनेजर मान लो कहीं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से काम कर रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हाइएस्ट लेवल का बंदा कहाँ पे है जो एम है या फाइनेंशियल डायरेक्टर है या सीईओ है वो अल्टीमेटली कहां है और वहां से जो डिसीजन लिए जा रहे हैं उस पर्टिकुलर केस में वो जगह है वो पोएम बन जाएगी अब एक और चीज समझना यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि पोएम गाइडलाइंस जो है ना ये आपको तभी लगेगी जब आपका टर्नओवर जो है लेस है की जरूरत ही नहीं है ठीक है अगर मान लो फिफ्टी करोड़ या लेस है तो आपको यह लगाना है अगर फिफ्टी करोड़ सॉरी फिफ्टी करोड़ या लेस है तो पोएम गाइडलाइंस नहीं लगेगी वो उस पर्टिकुलर केस में वो कंपनी जो है वो सीधी नॉन रेजिडेंट बन जाएगी तो अगर कोई सिंगापुर बेस्ड कंपनी है और उसका टर्नओवर है वो 50 करोड़ से ज्यादा है तो तो आपको पोएम गाइडलाइंस देखना है अगर 50 करोड़ या उससे कम है तो उस पर्टिकुलर केस में सीधा क्या मान लो उसको नॉन रेजिडेंट अब एक बात समझना एक कॉन्सेप्ट आता है ट्रांजिशन मैकेनिज्म ऑफ द कंपनी अब यह ट्रांजिशन मैकेनिज्म है यह क्या होगा यह समझने की कोशिश करते हैं जैसे एक बात समझते हैं कि मान लो एक सिंगापुर में एक कंपनी है जिसका नाम है अपन ले लेते हैं सिंगापुर बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है एफको फॉरेन कंपनी है सिंगापुर बेस्ड कंपनी है अब एक बात समझना पहले ये कंपनी नॉन रेजिडेंट हुआ करती थी लेकिन मान लो इस साल में, अपना जो प्रीवियस यर, है कोई भी पर्सन तो, तो उसके लिए पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स लगता है पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स लगता है लेकिन सर इंडिया में जब हम टैक्स लगाने जाएंगे तो पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स लगाएंगे लेकिन सर मान लो उस कंपनी ने कोई पिछले साल कोई लॉस इंकर किया था तो क्या वो लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं या नहीं सर कोई है क्या उसको सेट ऑफ कर सकते हैं या नहीं सर इंडिया में पहले तो टैक्स ही नहीं लगता था अब इंडिया में टैक्स लग रहा है उस कंपनी को तो सर उसकी जो ओपनिंग डब्ल्यू डी बी असेंट की क्या लेंगे तो ऐसे बहुत सारे डाउट आते हैं तो उसके लिए उन्होंने एक सेक्शन बनाई वन वन फाइव जे एच जिसको आप ट्रांजिशन मैकेनिज्म बोल सकते हैं सेक्शन तब लगती है जब कोई भी फॉरेन कंपनी ऐसी है जो पहली बार पोएम रेजिडेंट बन रही है पहले वो नॉन रेजिडेंट थी तो सिर्फ इंडिया की इनकम पे टैक्स लगता था फॉरेन की इनकम को हम नहीं छेड़ते थे लेकिन अब वो रेजिडेंट बन गई और कंपनी अगर रेजिडेंट बन जाती है तो पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स लगेगा तो सर एक बात बताइए उसके लिए क्या होगा कैसे होगा ट्रांजिशन मैकेनिज्म क्या होगा तो उसके लिए गाइस हमारी गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाल रखा है दैट इज नोटिफिकेशन नंबर ट्वेंटी नाइन टू थाउजेंड एटीन जो कि ट्वेंटी सेकंड जून टू थाउजेंड एटीन को आया था एंड ये फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड एप्लीकेबल है जब से एप्लीकेबल है अब एक चीज समझना सबसे पहली चीज ये इस पूरे नोटिफिकेशन को हम एक एग्जाम्पल करने की कोशिश करेंगे कि मान लो एक एक एफ को करके फॉरेन कंपनी है जो कि सिंगापुर बेस्ड कंपनी है और अभी पहली बार वो इंडिया की रेजिडेंट बनी है इस साल में दैट इज फाइनेशियल ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर में तो सर इस साल में क्या होगा अब अपन उसका ओपनिंग डब्ल्यू डी भी क्या ले तो ओपनिंग डब्ल्यू के लिए आपको देखना है कि क्या वो कंपनी सिंगापुर में टैक्स भरती है मिस सिंगापुर टैक्स लॉ के हिसाब से एससी है या नहीं अगर सिंगापुर टैक्स लॉ के हिसाब से एससी है तो क्या वहां पे डेप्रीशिएशन अलाउ होता है या नहीं अगर वहां डेप्रीशिएशन अलाउ होता है तो बेटा डेप्रीशियन अलाउ होता है तो आप एक काम करिए जो वहाँ पे WDV रहेगी एज ऑन 2023 को सिंगापुर टैक्स लॉ के हिसाब से जो WDV है वो as it is WDV ले लीजिए लेकिन गाइस अगर वो कंपनी है वो सिंगापुर टैक्स लॉ की तो है लेकिन वहां पर कोई फंडा ही नहीं है तो आप एक काम करिए वहां तो भी आप शन वगैरह लेस करने के बाद जो भी डब्ल्यू आती है वो डब्ल्यू इज आप इंडिया में ले लीजिए अब एक चीज समझना अगर वो कंपनी सिंगापुर टैक्स लॉ के हिसाब से एस है ही नहीं तो तो आप एक काम करिए कि वहां पे जो सिंगापुर लॉ के हिसाब से जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से जो रिटर्न डाउन वैल्यू रहेगी जो ओपनिंग डब्ल्यू रहेगी वो एज इट इज आप इंडिया में ले लीजिए तो देखिए पहला पॉइंट क्या बोलता है कि अगर वो कंपनी ऐसी है जो पहली बार इस साल में रेजिडेंट बन गई तो उसका ओपनिंग डब्ल्यूडीवी क्या ले तो सबसे पहली चीज क्यों क्या वहां की वो टैक्स एसएससी है अगर टैक्स एसएससी है तो डब्ल्यूडीवी ले, ले लीजिए एज पर टैक्स लॉ अगर टैक्स एसएससी नहीं है तो डब्ल्यूडीवी ले, ले लीजिए एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अब एक और चीज समझना जो तुम्हारा पुराना ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है अनएप डेप्रिसिएशन है क्या वो भी इंडिया में अब लोगे आंसर इज यस

मैंने बोला कि पुराना जो है है या फॉरवर्ड वो कैसे लेंगे तो लॉस एंड एंडियन के लिए अगर वहां की वो टैक्स है तो वहां के टैक्स लॉ के हिसाब से कितना ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कैरी लॉसवर्ड लॉसेज में अगर वहां पे नहीं है तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से जो भी एंड भीज है वो ले लीजिए लेकिन इसमें एक और चीज समझना सर क्वेश्चन ही आता है कि इंडिया में अब वो लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे बट इंडिया में यू नो दैट कैरी फॉरवर्ड करने का टाइम होता है वो एट ईयर होता है तो सर मान लो तीन साल ऑलरेडी और, जा चुके हैं तो इंडिया में क्या रिमेनिंग पीरियड्स के लिए कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑप करेंगे या फ्रेश एट ईयर मिल जाएंगे राइट आंसर इज रिमेनिंग पीरियड के लिए इंडिया में आपको क्या करना पड़ेगा जो भी रिमेनिंग पीरियड रहेगा वो रिमेनिंग पीरियड के लिए ही आपका सेट ऑप कैरी फॉरवर्ड होगा अब एक और चीज समझना पुराने जो लॉसेज है वहां के वो लॉसेस आप इंडिया में सेट ऑप कर सकते हो मीन इंडिया में जब रेजिडेंट बन गए सेट ऑप कर सकते हो लेकिन आप सिर्फ उसी इनकम के सामने वो लॉसेस सेट ऑप कर सकते हो जो इनकम अभी पोयम रेजिडेंट बनने की वजह से टैक्सेबल हो रही है देखो कुछ इनकम ऐसी होती है जो ऐसे भी टैक्सेबल होती है भले आप रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो जैसे जो इंडियन इनकम होती है तो नॉन रेजिडेंट के लिए इंडियन इनकम तो ऐसे भी टैक्सेबल होती है लेकिन गाइज अब रेजिडेंट बनने से ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो रही है तो उसमें आप इंडिया की इनकम को छोड़ दीजिए मीन फॉरेन की जो इनकम अब टैक्सेबल हो रही है रेजिडेंट बनने से उसके सामने ही वो पुराने वाले लॉसेस और अनएब्सॉर्ब एप्रिशिएशन को आप सेट ऑफ कर सकते हो उसके अलावा आप नहीं कर सकते तो मैंने क्या बोला देखो वापस बोल रहा हूं कि जो भी तुम्हारे बाहर के अनएबजॉर्ब एप्रिशिएशन एंड तुम्हारे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है वो अब इंडिया में आप ले सकते हो रिमेनिंग पीरियड तक आप उसको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो लेकिन गाइस यहां पे ध्यान रखना ऐसी इनकम इनकम के सामने ही वो सेट ऑफ कर सकते हो जो हो जो अभी टैक्सेबल रही है ड्यू टू द पोएम रेसिडेंसी अब एक और चीज समझना सर कैसे पता चलेगा जहां वहां पे मान लो कोई भी जो अकाउंटिंग पीरियड है वो अलग है और यहां पर अकाउंटिंग पीरियड अलग है तो हम लॉसेज और को कैसे लेंगे तो देखो लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं एक काम करो

वहां पे जो कैलेंडर ईयर वहां पे जो ईयर चालू हुआ होगा वहां से लेके और जिस ईयर में ये रेजिडेंट बनी उस ईयर के पहले तो उस ईयर के पहले में आपको थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार तेबिस तक आपको अपने अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे तो देखिए समझने की कोशिश करना वापस बोल रहा हूं मैं कि अगर कोई भी कंपनी है वो कंपनी जो है वो आपकी लाइक like, इस बार पहली बार रेजिडेंट बन गई प्रीवियस ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर में एंड गाइज वहां पर कैलेंडर ईयर फॉलो होता है तो एक बात बताइए इस ईयर में रेजिडेंट बनी तो इस ईयर से पहले उनका कौन सा अकाउंटिंग ईयर चालू हुआ था वहां से लेके एंड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तक आप एक काम करिए अकाउंट्स बना दीजिए अब एक बात बताइए यहां पे थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तक बनाइए इसका मतलब थ्री मंथ यू हैव टू प्रिपेयर योर बुक्स ऑफ अकाउंट में पी एंड एल बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा तीन महीने का और अब आगे से क्या करना पड़ेगा हर साल ट्वेल्थ ट्वेल्व मंथ का बनाना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर वाइज अप्रैल टू मार्च है वो करना पड़ेगा लेकिन सर एक बात बताइए कैसे करें हम लोग जैसे आपने बोला कि हम एट इयर्स तक ही लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करते तो वो एट ईयर कैसे काउंट करेंगे तो वहां पर कैलेंडर ईयर फॉलो होता है तो टू थाउजेंड एटीन का लॉस है तो सर कैसे काउंट करेंगे वो तो बोलते एक काम करो 2018 का लॉस है तो 2019 जो है वो आपका फर्स्ट ईयर होगा कैरी फॉरवर्ड का उसके बाद 2020 है वो आपका सेकेंड ईयर होगा 2021, 22, 21 ये थ्री ईयर होगा ये फोर हो ईयर होगा 22 अब एक बात बताओ 23 जो है वो तो आपका इस साल आ गया ना इसमें तो प्रीवियस ईयर भी मर्ज हो रहा है तो सर एक बात बताओ यहां पे क्या करना पड़ेगा क्योंकि आप सोचिए यहां पे आपका फर्स्ट ईयर आपने लॉस हुआ था टू में तो 2019 पहले साल कैरी फॉरवर्ड किया इसके बाद 2020 दूसरा साल 2021 तीसरा साल 2022 चौथा साल अब सर एक बात बताइए हमारे लिए 2023 तो ये प्रीवियस ईयर है लेकिन उसमें वो 3 महीने भी है तो लॉ मेकर बोलते हैं एक काम करो अगर ऐसा हो जाए तो आप एक काम करो जैसे 23 में आपके 23 जो है 23 उसमें आपके 3 मंथ ही तो आ रहे हैं बिकॉज़ उसके बाद में तो आपका करंट प्रीवियस ईयर चालू हो गया ना

या उससे ज्यादा है सिक्स मंथ या उससे ज्यादा है तो उसको एक सेपरेटली अकाउंटिंग ईयर ट्रीट होगा फॉर द पर्पज ऑफ सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज देखिए इस एग्जाम्पल में ये आपका लेस देन सिक्स मंथ है तो आप एक काम करिए इसको पिछले वाले ईयर के साथ मर्ज कर लीजिए तो पिछले वाले ईयर में आपका क्या होगा पिछले वाला ईयर कैसे रहेगा फर्स्ट जनवरी 2022 से लेके एंड थर्टी मार्च 2023 तो ये 15 मंथ का एक अकाउंटिंग ईयर रहेगा ये 15 मंथ का एक अकाउंटिंग ईयर रहेगा तो सेट एंड कैरी फॉरवर्ड के लिए ये देखो वन ईयर सेट कैरी फॉरवर्ड किया टू ईयर थ्री ईयर फोर ईयर ये इसमें मर्ज कर दिया अब अपना करंट प्रीवियस ईयर है वो फिफ्थ ईयर रहेगा करंट प्रीवियस ईयर है वो फिफ्थ ईयर रहेगा उसके बाद अगला सिक्स ईयर उसके अगले सेवन ईयर और लास्ट है वो एट ईयर तक आप बिजनेस के लॉसिस है वो आप सेट ऑफ कर सकते हैं होप सो यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ओके बट अगर मान लो ये सिक्स मंथ या उससे ज्यादा होता है ये वाला पीरियड तो उसको एक अलग सेपरेट अकाउंटिंग ईयर है वो अपन कंसिडर करते चलिए आपको यहां पे एक्साम्पल दे रखे आपको चाहिए तो पढ़ लीजिए नहीं पढ़ोगे तो भी यहां पे चल जाएगा जैसा मैंने समझाया उतना याद रखिए अब एक और चीज समझना सर अगर कोई फॉरिन कंपनी है वो इंडिया की रेजिडेंट बन गई तो टीडीएस के प्रोविजन कैसे लगेंगे बिकॉज हो सकता है टीडीएस टॉपिक में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आप रेजिडेंट को पे करोगे तो ये टीडीएस की रेट है एंड अगर आप फॉरेन कंपनी को पे करोगे तो ये टीडीएस की रेट है अब इस पर तो दोनों ही लग रहे हैं क्योंकि रेजिडेंट भी है और यहां पे फॉरेन कंपनी भी है तो फिर कौन सा प्रोविजन लेने का अगर ऐसा हो जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा जो फॉरेन कंपनी के लिए प्रोविजन है वो ही कंसिडर करने है तो टीडीएस के ऐसे प्रोविजन हो सकते हैं जहां पे वो रेजिडेंट को पे कर रहे हैं तो भी वहां लग रहा है और फॉरेन कंपनी को पे कर रहे हैं तो अलग रेट से लग रहा है तो सर कौन सा फॉलो करे तो यहां पे एक बात समझता हूं उन्होंने बोला कि जो फॉरेन कंपनी पे लगेगा वो वाला प्रोविजन है वो आपको कंसीडर करना है अब एक और चीज समझता जब ये फॉरेन कंपनी इंडिया की रेजिडेंट बन गई तो पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स लगेगा तो पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स लगेगा तो इन्होंने फॉरेन में भी तो टैक्स भरा होगा अब फॉरेन में जो टैक्स भरा होगा उसका क्या क्रेडिट ले सकते हैं आंसर इज यस सीधी सी बात है क्योंकि दो दो जगह टैक्सेबल हो रहा है इंडिया में पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स लग रहा है सिंगापुर में भी आपने टैक्स भरा होगा तो डोंट वरी आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं एज पर सेक्शन नाइनटी और नाइनटी जो कि डी टॉपिक में हमने पढ़ा था अब एक और चीज समझता है ये नोटिफिकेशन नहीं लगेगा कब अगर मान लो फॉरेन कंपनी की कोई ऐसी इनकम है

जो है वो सिर्फ रेजिडेंट के लिए लगते हैं तो क्या वो प्रोविजन लगेंगे, लगेंगे? क्योंकि जब बन, बन जाती है पोयम पूरे की पे लगेगा, लेकिन टैक्स रेट क्या रहेगी टैक्स रेट तो फॉरेन कंपनी के लिए बोला था ना 40 परसेंट डोमेस्टिक कंपनी के लिए आपका 30 परसेंट ट्वेंटी परसेंट होता है फॉरन कंपनी के लिए फोर्टी तो देखो पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल होगी इंडिया में और टैक्स रेट है वो फोर्टी की रेट से लग जाएगा चलिए अब एक और चीज समझना

तो इंडियन इनकम किसको बोलेंगे ऐसी इनकम जो इंडिया में या तो हुई है या डीम टू बी हुई है या इंडिया में अक्रू हुई है या डीम टू बी अक्रू हुई है उसको अपन इंडियन इनकम बोलेंगे तो देखो पहला या तो कोई इनकम इंडिया में अक्रू हुई है अक्रू का मतलब जनरेट कहा है उसका सोर्स क्या है अगर सोर्स इंडिया में है तो वो इंडियन इनकम है या फिर वो इनकम रिसीव्ड इंडिया में हुई है मतलब वो पैसा मिला कहा अगर वो इंडिया में मिला है तो वो इंडियन इनकम है तो या तो रिसीव्ड इंडिया में हुई या अक्रू इंडिया में हुई वो इंडियन इनकम बाकी जितनी भी इनकम है वो फॉरेन इनकम तो फॉरेन इनकम कौन सी हुई जो इंडिया के बाहर अक्रू हुई है इंडिया के बाहर ही रिसीव हुई है दैट इज कॉल्ड फॉरेन इनकम अब एक चीज समझना कौन कौन से पर्सन के लिए कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर कोई रेजिडेंट एंड ऑर्डनरीली रेजिडेंट है उसके लिए इंडियन इनकम है वो टैक्सेबल है मतलब इंडियन इनकम देखो तीनों के लिए टैक्सेबल है आर एंड ओ आर के लिए भी टैक्सेबल है आर बट एनओ आर के लिए भी टैक्सेबल है और एनआर के लिए भी टैक्सेबल है लेकिन अगर कोई फॉरेन की इनकम है मिस इंडिया के बाहरी अक्रू हो रही है बाहरी रिसीव हो रही है लेकिन वो फॉरेन बिजनेस अगर कंट्रोल इंडिया से होता है इफ फॉरेन बिजनेस इज फ्रॉम इंडिया और फॉरेन प्रोफेशन वॉज सेटअप इन इंडिया है तो फॉरेन इनकम लेकिन गाइस ये आर एंड ओ आर के लिए टैक्सेबल है आर बट एन ओ आर के लिए भी टैक्सेबल है बट एनआर के लिए टैक्सेबल नहीं है एंड गाइस जो अदर फॉरेन इनकम हुई वो आर एंड ओ आर के लिए टैक्सेबल है आर बट एनओआर के लिए टैक्सेबल नहीं है एंड एनआर के लिए भी टैक्सेबल नहीं है अभी तक आपको समझ में नहीं आया अब आपको समझ में आएगा एक बात समझो जो आर एंड ओ आर रहता है ना आप देखो उसके लिए पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल है इंडियन इनकम टैक्सेबल फॉरेन इनकम दैट इज फ्रॉम फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया या फिर अदर फॉरेन इनकम है वो सब टैक्सेबल है आर एंड ओ आर के लिए के लिए कौन सी टैक्सेबल है एक तो इंडियन इनकम टैक्सेबल है और फॉरेन का इनकम वही वाला टैक्सेबल है जो बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया या प्रोफेशन सेटअप सेट इन इंडिया वही टैक्सेबल है बाकी फॉरन इनकम टैक्सेबल नहीं है एंड एनआर के लिए गाइस ओनली इंडियन इनकम इज टैक्सेबल NR के लिए ओनली इंडियन इनकम इज टैक्सेबल अदर जो फॉरेन इनकम है दैट इज फॉरेन इनकम इज नॉट टैक्सेबल फॉर नॉन रेजिडेंट अब एक बात समझना ये तो तब होता है आर आर जब इंडिविजुअल है लेकिन बाकी के केस में अगर आप रेजिडेंट हो तो पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल है अगर आप नॉन रेजिडेंट हो तो सिर्फ इंडिया की इनकम टैक्सेबल है फॉरेन की इनकम टैक्सेबल नहीं होगी यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस अब एक और चीज समझना मैंने बोला अक्रू अक्रू का मतलब जनरेट कहां हुई है करके ठीक है अक्रूड का मतलब होता है कि जनरेट कहां पे हुई है अगर जनरेट इंडिया में हुई है तो वो इंडियन इनकम है। अब पैसा मिला बाहर और उसके बार उसको इंडिया में रेमिट किया, किया पैसा भेजा तो क्या वो रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा आंसर इज नो अगर पैसा मिला बाहर है और उसको इंडिया में बाद में रेमिट किया जाता है रेमिटेंस इंडिया में हो रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में रेमिटेंस इज नॉट ट्रीटेड एज रिसिव इन इंडिया जो रेमिटेंस है वो रेमिटेंस रिसीव इन इंडिया नहीं है पहली बार पैसा कहां मिला वो आपको देखना पड़ेगा चलिए उसके बाद में एक सेक्शन आती है दैट इज इनकम टू बी इन इंडिया कुछ इनकम ऐसी होती है जो ये मान लिया जाएगा कि रिसीव इन इंडिया हुई है भले वो आपको रिसीव हुई नहीं है मतलब आपको रिसीव नहीं हुई बट मान लिया जाएगा आपको रिसीव हो गई है पहला अगर आपके एम्प्लॉयर ने ट्वेल्व से ज्यादा आरपीएफ में कॉन्ट्रीब्यूशन किया तो एम्प्लॉयर ने 12 परसेंट से ज्यादा आरपीएफ में कॉन्ट्रीब्यूशन किया वो तो आरपीएफ फंड में गया आप बोलोगे हमको तो मिला ही नहीं है करके ठीक है अरे भाई मिला नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता बट वो आपको बेनिफिट तो मिला है तो वो आपके लिए टेक्सीबल हो जाएगा दूसरा आरपीएफ पे जो इंटरेस्ट है वो हर साल नाइन तक मिलता है वो एक्समट है नाइन से ऊपर वाला इंटरेस्ट अगर मान लो अक्रूड हो रहा है अक्यूलेटेड हो रहा है तो वो मान लिया जाएगा आपको रिसिव हो गया और आपके लिए टेक्सीबल होगा और उसके बाद अगर एम्प्लॉयर ने एनपीएस में कॉन्ट्रीब्यूशन किया आपको पैसा नहीं मिला वो तो एनपीएस में गया तो भी मान लिया जाएगा एम्प्लॉय को रिसीव

नेक्स्ट सेक्शन आपकी जो आती है दैट इज द सेक्शन नंबर नाइन दैट इज इनकम डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया अब ये इनकम ऐसी है जो आपको लगेगा यार ये तो इंडिया में अक्रू अराइज नहीं हुई बट मान ली जाएगी इंडिया से अक्रू और अराइज हुई है और ये टैक्सेबल हो जाएगी ठीक है तो देखिए सबसे पहली पॉइंट ये बोलती है कि थ्रू और फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया अब आप बोलोगे बिजनेस कनेक्शन क्या होता है सर हमने किस्मत कनेक्शन तो पढ़ा था ये बिजनेस कनेक्शन क्या होता है तो ये पॉइंट क्या होता है समझने की कोशिश करना लॉ मेकर्स बोलते हैं कि जैसे मान लो कोई नॉन रेजिडेंट है इंडिया के बाहर कोई नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है इंडिया के बाहर और उसने क्या किया बताए इंडिया में किसी पर्सन को एज अ एजेंट अपॉइंट किया इंडिया में किसी पर्सन को एज अ एजेंट अपॉइंट किया एग्जाम्पल के लिए इंडिया में एक बंदा है जिसका नाम है राजा एज अ राजा को एजेंट अपॉइंट किया और राजा क्या करता है बताए है चुली, चुली का मतलब होता है लगातार राजा हैबिचुअली उस नॉन रेजिडेंट के लिए इंडिया में या तो कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करता है उसके बिहा पे या फिर प्रिंसिपल रोल प्ले करता है इन द कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ दैट नॉन रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट के लिए वो इंडिया में गुड्स को स्टोर करता है और जैसे जैसे नॉन रेजिडेंट बोलता है उसके अकॉर्डिंगली वो डिलीवरी करता है या फिर वो नॉन रेजिडेंट के लिए इंडिया में क्या करता है मेनली और होल्ली ऑर्डर सिक्योर करता है ये तीनों में से एक भी चीज हो गई तो उस नॉन रेजिडेंट का इंडिया में टैक्सेबल तो हो जाएगी अब आप मुझे बोलोगे तो बिजनेस कर रहा है तो क्या बिजनेस की इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है नहीं गाइस एक चीज ध्यान रखना देखिए दो कॉन्सेप्ट होते हैं अगर कोई नॉन रेजिडेंट की इंडिया से इनकम हो रही है क्या वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा आपको हमेशा ध्यान रखना जिस कंट्री के साथ हमारा डी है आप देखोगे मोस्ट ऑफ कंट्री के साथ डी है तो डीटीडब में कभी भी बिजनेस कनेक्शन कॉन्सेप्ट नहीं देखा जाता वहां पे कॉन्सेप्ट देखा जाता है पी दैट इज परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट

सबसे पहले अगर कोई भी पर्सन है जो इंडिया में काम कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे काम करता है क्या काम करता है या तो उसके पास में ऑथोरिटी है क्या करता है कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट करता है कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड करता है या फिर प्रिंसिपल रोल प्ले करना है करता है इन द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या गाइस वो क्या कर रहा है नॉन रेजिडेंट के लिए अगर कोई स्टॉक मेंटेन करता है और नॉन रेजिडेंट के अकॉर्डिंगली वो उसमें इंडिया में उसकी डिलीवरी करता है या नॉन रेजिडेंट के लिए वो क्या करता है मेनली एंड होल्ली ऑर्डर सिक्योर करता है यहां पे देखिए नॉन रेजिडेंट के लिए वो मेनली एंड होल्ली है वो नॉन रेजिडेंट के लिए ऑर्डर सिक्योर करता है तो उस पर्टिकुलर केस में उसका बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा अब एक बात समझना एक एग्जाम्पल आता है समझने की कोशिश करना इंडिया में एक बंदा है राज राज क्या करता है एक नॉन रेजिडेंट है जिसका नाम है लोबो लोबो के लिए वो क्या करता है मेनली ऑर्डर सिक्योर करता है तो लोबो का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन बन गया स यहां पे जो ऑर्डर सिक्योर वाला ये लास्ट पॉइंट है लास्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है मेनली और होली होना चाहिए गाइज यहां ऊपर कहीं पे मेनली होली नहीं लिखा ऊपर वाले दो पॉइंट में नहीं लिखा मींस इंडिया में जो स्टॉक मेंटेन करता है उसके हिसाब से डिलीवर करता है उसमें नहीं लिखा लेकिन लास्ट वाला पॉइंट जो है दैट इज सिक्योर ऑर्डर इन इंडिया मेनली और होली फॉर नॉन रेजिडेंट यहां पर मेनली और होली वर्ड यूज हुआ है अब एक चीज समझना जैसे इंडिया में एक बंदा है जिसका नाम है राज राज क्या करता है लोबो के लिए इंडिया में मेनली ऑर्डर सिक्योर करता है होली जो है वो लोबो के लिए करता है लेकिन वो कभी कभी क्या करता है किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट के लिए भी कर सकता है कर लेता है जिसका नाम है होबो पहले लोबो लोबो के लिए मेनली ऑर्डर सिक्योर करता है लेकिन कभी कभी वो होबो के लिए भी कर लेता है तो उसने क्या किया कुछ ऑर्डर होबो के लिए सिक्योर किए तो क्वेश्चन ये आता है कि देखो सर लोबो के लिए मेनली कर रहा है तो लोबो का तो बिजनेस कनेक्शन बन गया लेकिन क्या होबो का बिजनेस कनेक्शन बनेगा या नहीं बनेगा होबो का बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा बट गाइज अगर तीन केसेस है वहां पर बिजनेस कनेक्शन होबो का भी बन जाएगा कब पहला अगर लोबो है वो होबो को कंट्रोल करता है या होबो है वो लोबो को कंट्रोल करता है या कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जो दोनों को कंट्रोल करता है इज अ कॉमन पर्सन जैसे किम जॉन करके है वो क्या करता है दोनों होबो और लोबो दोनों को कंट्रोल करता है तो उस पर्टिकुलर केस में यहां पे होबो का भी इंडिया में बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा अब एक और चीज समझना इन्होंने दो साल पहले एक और पॉइंट डाला कि अगर मान लो इंडिया में एसपी है दैट इज सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है किसी नॉन रेजिडेंट का तो यह मान लिया जाएगा बिजनेस कनेक्शन है अब आप बोलोगे सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस क्या होता है कि अगर नॉन रेजिडेंट क्या करता है इंडिया में कोई भी गुड्स का सर्विस का या प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन करता है जो नॉन रेजिडेंट ने किसी भी पर्सन जो इंडिया में है उसके आ, साथ में किया है एंड गाइस पूरे साल में मिला के वो ट्रांजेक्शन की वैल्यू अगर टू करोड़ से ज्यादा है तो उसका बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा वापस से पढ़ेंगे यहां पे क्या कर रहा है कोई भी नॉन रेजिडेंट है तो देखो इन ऑफ एनी गुड सर्विस और प्रॉपर्टी आउट बाय द नॉन रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट कर रहा है विद एनी पर्सन पर्सन इन इंडिया इंडिया में में कोई है है उसके साथ में कर रहा इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ द डाउनलोड ऑफ डेटा सॉफ्टवेयर वगैरह और पूरे साल में मिलाकर जो ट्रांजेक्शन की एग्रीगेट वैल्यू है वो टू करोड़ से ज्यादा है तो उसका बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा अब एक बात समझना इस पॉइंट के हिसाब से तो आप एक बात समझिए कोई भी फॉरन का एक्सपोर्टर है वो इंडिया में गुड सेल करता है और वो टू करोड़ से ज्यादा क्या है इंडिया में बिजनेस कनेक्शन बन गया आंसर इज यस बन गया लेकिन गाइस एक बात बताओ बिजनेस कनेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है वो प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा नहीं देखा जाता क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में हर कंट्री के साथ डी टी डब्ल है और डी टी डब्ल तो वहां पर पी का कॉन्सेप्ट आता है बिजनेस कनेक्शन का नहीं आता दूसरा क्या करता है अगर मान लो कोई फॉरन की एप्लीकेशन है जैसे पबजी वगैरह इंडिया में आप देखते हो तो अगर कोई भी ऐसी एप्लीकेशन है जो सोलिसिटिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटी और इन इन विद द यूजर 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 इंडिया इंडिया एंड उसके में एटलीस्ट लाख या उससे ज्यादा है तो उस पर्टिकुलर केस में उसका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा तो देखिए यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस और यह बोलता है कि अगर नॉन रेजिडेंट का इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है तो भी बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा और बिजनेस कनेक्शन से जो उसको इनकम होगी उस पर इंडिया में टैक्स लगेगा

की वजह से जो इनकम हो रही है उस पे ही इंडिया में टैक्स लगेगा उसके पूरे वर्ल्ड की इनकम पे हम इंडिया में टैक्स नहीं लेंगे अब एक और चीज समझना एक और एक्सप्लेनेशन डाली गई कुछ साल पहले 2020 में और वो एक्सप्लेनेशन ये बोलती है कि अगर मान लो कोई नॉन रेजिडेंट है वो क्या करता है किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को फॉर एन एग्जांपल उसने एडवर्टाइजमेंट सेल किया एडवर्टाइजमेंट का इनकम हुआ और वो एडवर्टाइजमेंट अगर इंडिया में कस्टमर जो इंडिया का कस्टमर है उसको टारगेट कर रहा है इंडिया में जो रह रहा कस्टमर है उसको टारगेट कर रहा है या वो एडवर्टाइजमेंट इंडिया के आईपी एड्रेस से एक्सेस हो रहा है तो उससे जो इनकम होगी वो भी आपकी बिजनेस कनेक्शन की इनकम मानी जाएगी और वो ऐसा माना जाएगा कि वो ऑपरेशन इंडिया में किया जा रहा है उससे इनकम हुआ या फिर मान लो कोई भी ऐसा डेटा सेल हो रहा है बाहर इंडिया के बाहर डेटा सेल कर रहे हैं लेकिन वो डेटा जो कलेक्ट किया था वो डेटा इंडियन आईपी एड्रेस से कलेक्ट किया था या इंडिया में पर्सन रेजिडेंट है उससे कलेक्ट किया था या फिर कोई गुड्स या सर्विस है उस डेटा को यूज करते हुए कोई गुड्स या सर्विस बेच रहे उससे जो इनकम होगी वो इनकम भी आपकी एंट्रीब्यूटेड टू ऑपरेशन कैरिड आउट इन इंडिया माना जाएगा तो देखिए अगर बिजनेस कनेक्शन होता है तो बिजनेस कनेक्शन के केस में जो इंडियन ऑपरेशन से इनकम होगा वो टैक्सेबल होगा लेकिन गाइस यहां पे इन्होंने तीन पॉइंट स्पेसिफिकली बोली कि अगर फॉर एन एग्जांपल कोई मान लो नॉन रेजिडेंट है फॉर एन एग्जांपल यूएसए में उसने क्या किया कोई एडवर्टाइजमेंट का सेल किया बट एडवर्टाइजमेंट जो सेल किया वो एडवर्टाइजमेंट टारगेट कर रहा है इंडियन कस्टमर को या इंडियन आईपी एड्रेस उससे वो एडवर्टाइजमेंट है वो देखा जा रहा है या फिर मान लो कोई उस डेटा को यूज करते हुए गुड सेल हो रहा है तो वो जो उससे जो इनकम होगी ना वो इनकम भी आपकी इंडियन इनकम मानी जाएगी अब एक समझना अगर कोई पर्सन ऐसा है इंडिया में जो कि इंडिपेंडेंट एजेंट है

एक पर्सन को रखा वो क्या कर रहा है इंडिया में गुड्स को परचेस करके और वो एक्सपोर्ट कर देता है इंडिया में गुड्स को परचेस करके और एक्सपोर्ट कर देता है तो बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा दूसरा अगर इंडिया में कोई भी क्या करते न्यूज को कलेक्ट करते न्यूज और व्यूज को कलेक्ट करते और इंडिया के बाहर एक्सिबिट कर देते तो वो बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा तीसरा अगर मान लो इंडिया में कोई मूवी की शूटिंग के लिए आते हैं तो मूवी सिर्फ इंडिया में शूट हुई है उसके बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा लेकिन इसमें कंडीशन यह अगर मान लो मूवी शूटिंग के लिए कोई इंडिविजुअल है तो वो इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट होना चाहिए एज वेल एज नॉन इंडियन सिटीजन होना चाहिए उसके साथ साथ में अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो उसके जितने भी पार्टनर है वो नॉन रेजिडेंट एज वेल एज नॉन इंडियन सिटीजन होने चाहिए अगर वो कंपनी है तो उसके जितने भी शेयर होल्डर वो नॉन नॉन रेजिडेंट, इंडियन सिटीजन है वो होने चाहिए अब एक और चीज समझता लास्ट पॉइंट ये बोलता है कि अगर कोई भी कंपनी है और वो फॉरन कंपनी क्या करती है कि इंडिया के बाहर माइनिंग करती है डायमंड का लेकिन इंडिया में क्या करता है नोटिफाइड एरिया में वो डायमंड सिर्फ डिस्प्ले का एक्टिविटी करते हैं जैसे मान लो एक साउथ अफ्रीका की कंपनी है जो डायमंड का माइनिंग करती है वो कंपनी ने क्या किया इंडिया में आके कोई जो नोटि, नोटिफाइड एरियाज है जो स्पेसिफाइड जोन है जो स्पेशल जोन है वहां आके वो डायमंड का डिस्प्ले एक्टिविटी करते हैं तो सिर्फ अगर डिस्प्ले एक्टिविटी किया तो क्या ये बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा नहीं ये बिजनेस कनेक्शन नहीं बने करके ठीक है चलिए अब एक बात समझना यहां पर बिजनेस कनेक्शन में आपको कितना ध्यान रखना है एक तो ये चीज जो है वो ध्यान रखना क्या बिचुअली वो बंदा इंडिया में क्या कर रहा है या तो कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कर रहा है या प्रिंसिपल रोल प्ले कर रहा है दूसरा वो गुड्स को स्टॉक मेंटेन करता है उसका डिलीवरी करता है एंड मेनली और होली ऑर्डर सिक्योर करता है एक तो ये याद रखना है उसके बाद में आपको ये एसपी वाला याद रखना है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस अगर नॉन रेजिडेंट का इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस हुआ तो बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा नॉन रेजिडेंट कोई भी पर्सन इंडिया में रेजिडेंट इंडिया का पर्सन है पर्सन है जो कि आपका एनी पर्सन इन इंडिया उसके साथ में कोई भी ट्रांजेक्शन करता है और पूरे साल का मिला जो ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन अगर मान लो टू रुप से ज्यादा है तो बिजनेस कनेक्शन बनेगा यहां पे या फिर कोई एप्लीकेशन वेबसाइट वगैरह है उसके यूजर एटलीस्ट थ्री तो बिजनेस कनेक्शन बनेगा एंड गाइज उसके साथ साथ में आपको ये चार पॉइंट और याद रखने के कहा बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा एक तो कोई भी इंडिया में गुड्स को परचेज करते मूवी शूटिंग केस में बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा बट को यहां पर कुछ कंडीशंस भी है और अगर कोई फॉरन कंपनी है वो फॉरन कंपनी क्या करती है कि इंडिया में कोई नोटिफाइड एरिया है वहां पर डायमंड एक्टिविटी करती है तो वो बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा ठीक है चलिए

समझता अगर मान लो इंडिया में कोई कैपिटल असर्ट सिचुएटेडेड है

और एग्जाम में आपको छह मार्क के करीब का क्वेश्चन है वो यहां से भी आ सकता है इतना सा सिर्फ कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और इस बार के मॉक टेस्ट पेपर में अगर आप देखोगे का जो मॉक मॉक टेस्ट टेस्ट पेपर पेपर है पेपर में भी यहां से क्वेश्चन पूछा गया है मार्क का आई थिंक क्वेश्चन है वो यहां से आया है अब एक बात समझना मैंने आपको क्या बोला कि अगर कोई भी कैपिटल असेट है जो सिचुएटेड इन इंडिया है लोकेटेड इन इंडिया है उसका रजिस्ट्रेशन भले इंडिया में हो रहा है या बाहर हो रहा है आप अगर उसको ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर केस में इंडिया में टैक्स लगेगा अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक बात समझना जैसे इंडिया की एक कंपनी है ये मान लो इंडिया है और इंडिया की एक कंपनी है जिसका नाम है बीबी लिमिटेड नाम से ही पता चलता है ये इंडिया की कंपनी है जिसका नाम है सनी लिमिटेड सनी लिमिटेड फॉरेन में कंपनी है सनी लिमिटेड एग्जाम्पल के लिए मान लो यूएसए बेस एक कंपनी है सनी लिमिटेड अब सनी लिमिटेड है वो यूएस में कंपनी है इंडिया की कंपनी है बीबी लिमिटेड अब एक बात समझना होता क्या है आप लॉजिकली सोचिए ये जो सनी सनी लिमिटेड लिमिटेड है ना इस की एक और होल्डिंग कंपनी है जो कि फॉर एन एग्जांपल यूके में है जिसका नाम ले लेते हैं अपन किम लिमिटेड तो देखिए हुआ क्या किम लिमिटेड एक यूके का कंपनी है उसकी सब्सिडरी कंपनी है वो यूएसए में जिसका नाम है सनी लिमिटेड और सनी लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी इंडिया में है जिसका नाम है बीबी लिमिटेड लॉजिकली चीज सोचने ही, कोशिश करना अगर ये जो सनी लिमिटेड है तो इंडिया में लग जाएगा। अगर आप इंडियन के बेच रहे हो, इसका मतलब आप इंडियन असट बेच रहे हो और जब आप इंडियन असट बेच रहे हो तो इंडिया में टैक्स लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वाले केस में यही हुआ था आपको अगर पता रहेगा ग्रुप था उसने क्या किया नीदरलैंड की एक कंपनी वोडाफोन है उसको उन्होंने तो तो इंडियन कंपनी को बेचने के लिए ये लोग क्या करते हैं ये जो यूके का कंपनी है ये यूएसए की कंपनी को बेच देता है अब एक बात समझना जब एक यूके का कंपनी यूएसए की कंपनी को फॉर एन एग्जाम्पल एक नीदरलैंड की कंपनी को बेच देते हैं तो क्या उसपे इंडिया में टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा क्योंकि यहां तो फॉरन कंपनी के शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं इंडियन कंपनी के शेयर तो ट्रांसफर ही नहीं हो रहे तो यहां पे जो ये का कंपनी है Limited, किम ने ये को कोई दूसरी कंपनी है जिसका नाम है फॉर एन एग्जाम्पल के और उसने क्या किया ये किम लिमिटेड ने सनी लिमिटेड के शेयर को के आई एनसी हांगकॉन्ग की कंपनी को बेच दिया तो क्या इसमें इंडिया में टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा तो ऑब्वियसली नहीं लगेगा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया नहीं लगेगा क्योंकि आप समझिए एक यूके का कंपनी जो है वो यूएसए की कंपनी के शेयर है वो हॉन्गकॉन्ग की कंपनी को बेच रहा है उसमें इंडिया में टैक्स कैसे लगेगा इंडिया का सेट तो नहीं बिका लेकिन गाय ऐसे बहुत सारी कंपनियों ने टैक्स प्लानिंग कर ली थी इंडिया में एग्जाम्पल के लिए वोडाफोन है उसके साथ साथ में कैन एनर्जी करके है जिसका वेदांता के साथ में टाइप था तो हमारी गवर्नमेंट ने लॉ में अमेंडमेंट कर दिया और हमारी गवर्नमेंट ने लॉ में अमेंडमेंट करके बोला कि ऐसा कैसे ये तो आप मजे ले रहे हो लॉ के करके ठीक है सिर्फ आप लॉ को यूज कर रहे हैं और इंडिया में टैक्स नहीं भर रहे तो उन्होंने क्या किया एक अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट में क्या बोला कि ये फॉरेन कंपनी जो है यूएसए बेस्ड कंपनी जिसका नाम है सनी लिमिटेड ये सनी लिमिटेड के शेयर है वो डीम टू बी लोकेटेड इन इंडिया माने जाएंगे अगर सनी लिमिटेड अपने शेयर की वैल्यू डिराइव करता है इंडियन असेट से तो देखिए लॉ में अमेंडमेंट क्या किया कि ये जो सनी लिमिटेड एक फॉरेन कंपनी है वो फॉरेन कंपनी के शेयर डीम टू बी लोकेटेड इन इंडिया माने जाएंगे अगर ये फॉरेन कंपनी अपने क्या बोला लॉ में अमेंडमेंट क्या किया लॉ में बोला कि जो भी फॉरेन कंपनी है सनी लिमिटेड सनी लिमिटेड के शेयर डीम टू बी लोकेटेड इन इंडिया माने जाएंगे अगर ये अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं फ्रॉम सब्सटेंशियली वैल्यू डिराइव करते हैं इंडियन असैट तो यहीं पे इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन डाला और उस एक्सप्लेनेशन का नंबर है एक्सप्लेनेशन नंबर फाइव और इस एक्सप्लेनेशन में ये बोला कि अगर फॉरेन कंपनी के शेयर है वो अपनी वैल्यू इंडियन से डिराइव करते हैं तो फॉरेन कंपनी के शेयर डीम टू बी लोकेटेड इन इंडिया माने जाएंगे एंड फॉरन कंपनी के शेयर अगर आप बेचोगे तो उस पर इंडिया में टैक्स लग जाएगा लेकिन आपका क्वेश्चन आएगा कि सर कब माना जाएगा कि फॉरेन कंपनी के शेयर अपनी जो वैल्यू डिराइव कर रहे हैं वो सब्सटेंशियली फ्रॉम द इंडियन असेट कर रहे हैं अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए पहली कंडीशन कि जो भी फॉरेन कंपनी है उसके पास जो इंडियन शेयर है उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो टेन करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए मतलब ये जो फॉरेन कंपनी है जिसका एग्जांपल अपन ले रहे हैं सनी लिमिटेड वो सनी लिमिटेड के पास इंडियन कंपनी का जो असेट है उसकी जो वैल्यू है मीन इंडियन असेट है उसकी वैल्यू आपकी टेन करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए फेयर मार्केट वैल्यू वैल्यूट टेन करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए दैट इज द फर्स्ट कंडीशन एंड सेकेंड कंडीशन फॉरन कंपनी की जितनी भी टोटल असेट है उस असेट में एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट है वो इंडियन असेट होनी चाहिए अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो इस फॉरन कंपनी के शेयर ऐसा माना जाएगा डीम टू भी लोकेटेड इन इंडिया है एंड फॉरन कंपनी के शेयर अगर आप बेचोगे तो इंडिया में टैक्स लग जाएगा तो देखिए वापस बोल रहा हूं कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है जो अपने शेयर की वैल्यू सब्सटेंशियली है इंडियन असट से तो फॉरेन कंपनी के शेयर डीम टू बी लोकेटेड इन इंडिया माने जाएंगे एंड अगर आप फॉरेन कंपनी के शेयर बेचोगे तो उस पर इंडिया में टैक्स लग जाएगा लेकिन सर ऐसा कब माना जाएगा कि फॉरन कंपनी के शेयर है वो अपनी वैल्यू सब्सटेंशियली डिराइव फ्रॉम इंडियन असेट करते हैं अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है एक तो इस फॉरन कंपनी के पास में जो इंडियन कंपनी का असेट है उसकी जो वैल्यू है फेयर मार्केट वैल्यू टेन करोड़ से ज्यादा होना चाहिए एंड दूसरी कंडीशन यह जितनी भी टोटल इंडियन एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट या उससे, होनी चाहिए, 50 या उससे होनी चाहिए, अगर ये दोनों हो गई, तो उस पर्टिकुलर केस में अगर फॉरन कंपनी के शेयर है वो आपने बेचे तो उस पर इंडिया में टैक्स लग जाएगा लेकिन गाइज एक बात समझना फॉर एन एग्जाम्पल इस फॉरन कंपनी जो है इस फॉरन कंपनी के नाइनटी सेवन सनी शेयर है वो किम लिमिटेड के पास है एंड फॉर एन एग्जाम्पल एक बंदा है जिसके पास में थ्री परसेंट शेयर है जिसका नाम ले लेते हैं ओबामा

लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर मान लो इस फॉरेन कंपनी का कोई ऐसा शेयर होल्डर है जिसके पास पांच परसेंट से कम का शेयर होल्डिंग है मैं शेयर होल्डिंग उसके पास फाइव परसेंट से ज्यादा का नहीं रहा लास्ट के ट्वेल्व मंथ में फाइव परसेंट से ज्यादा का शेयर होल्डिंग नहीं रहा एंड गाइज उसके पास कोई भी मैनेजमेंट का पावर नहीं है उसके पास कोई भी मैनेजमेंट का पावर नहीं है उसके पास कोई भी लाइक like, कंट्रोल का पावर नहीं है लास्ट के ट्वेल्व मंथ में एज एज वेल द उसके पास 5 से ज्यादा का शेयर होल्डिंग नहीं है तो वो अगर उस फॉरेन कंपनी के शेयर बेचेगा तो तो इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा तो इस एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो किम लिमिटेड ने सनी लिमिटेड के शेयर बेचे क्योंकि नाइनटी होल्डिंग है तो इंडिया में टैक्स लगेगा लेकिन गैज ओबामा जिसके पास तीन का शेयर होल्डिंग है वो अगर इंडियन कंपनी के शेयर बेचेगा तो उस पर इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा अब एक और चीज समझना नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि सर आप जो बोल रहे हैं कि अगर ये इंडियन कंपनी है वो सॉरी ये जो इंडियन कंपनी है और इसकी होल्डिंग कंपनी है फॉरेन कंपनी अगर फॉरेन कंपनी अपने शेयर की वैल्यू डिराइव कर रही है इंडियन असेट से तो उस पर्टिकुलर केस में भैया ये जो फॉरेन कंपनी के शेयर बेचोगे उस पर इंडिया में टैक्स लगेगा लेकिन सर एक बात बताइए दो कंडीशन आपने बताई पहली कंडीशन एफ एम जो है वो इंडियन असेट की टेन करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए फॉरन कंपनी के पास एंड फॉरन कंपनी की जो टोटल असेट है उसमें एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट या उससे ज्यादा की असेट है वो इंडियन असेट होनी चाहिए अब क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए कौन सी डेट को देखा जाएगा

अब एक बात समझना यहां पे बैलेंस शीट डेट जो लास्ट बैलेंस शीट डेट है वो वैल्यूएशन डेट है लेकिन गाइज इसका एक एक्सेप्शन है एक एक्सेप्शन क्या है कि जो लास्ट बैलेंस शीट डेट थी लास्ट बैलेंस शीट डेट एंड गाइज जो शेयर की ट्रांसफर की डेट है जिस डेट को सनी लिमिटेड के शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं दैट इज ट्रांसफर डेट लास्ट बैलेंस शीट डेट को इसकी असट की बुक वैल्यू जो है एंड ट्रांसफर की डेट को जो बुक वैल्यू है अगर ट्रांसफर की डेट को जो बुक वैल्यू है वो 15 परसेंट या उससे ज्यादा है तो उस पर्टिकुलर केस में जिस डेट को शेयर ट्रांसफर किए वो ट्रांसफर की डेट है वो, वो वैल्यूएशन डेट मानी जाएगी नॉर्मली तो मैंने क्या बोला आपको वैल्यूएशन डेट कौन सा लेने का जो फॉरेन कंपनी है सनी लिमिटेड उसकी लास्ट बैलेंस शीट की डेट है वो वैल्यूएशन डेट है बट गाइस लास्ट बैलेंस शीट डेट एंड जब शेयर ट्रांसफर किए फॉरेन कंपनी की ट्रांसफर ऑफ शेयर डेट अगर ट्रांसफर जिस दिन शेयर किए उस दिन अगर लास्ट बैलेंस शीट डेट के कंपेयर में बुक वैल्यू ऑफ है वो किएकेंट या उससे ज्यादा है तो उस पर्टिकुलर केस में जिस डेट को ट्रांसफर किया था ना वो ट्रांसफर की डेट है वो आपकी वैल्यूएशन डेट हो जाएगी यहां पे मैंने एग्जांपल दिया एग्जाम्पल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अब एक और चीज समझना जब भी आप एफ ऑफ असैट लेते हो क्योंकि मैंने क्या बोला कि इंडियन कंपनी का जो इंडियन असेट है वो उसके पास मोर देन टेन करोड़ होना चाहिए तो टेन करोड़ से ज्यादा होना चाहिए तो एफ एम वी ऑफ इंडियन असेट लेते टाइम ध्यान रखना यहां पर लाइबिलिटीज को लेस नहीं करना लाइबिलिटीज को आपको लेस नहीं करना आपको एफ एम वी ऑफ द असेट लेना है ऑन द वैल्यूशन डेट विदाउट रिडक्शन ऑफ द लाइबिलिटी अब अकाउंटिंग ईयर क्या रहेगा उसके लिए तो अकाउंटिंग ईयर अगर मान लो फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं तो फाइनेंशियल है वो अकाउंटिंग ईयर है लेकिन अगर मान लो वो लोग कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं तो जो भी वो कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं वही आपका अकाउंटिंग ईयर होगा करके ठीक है अब एक और चीज समझना ऐसा भी हो सकता है कि जैसे फॉर एन एग्जांपल ये जो सनी लिमिटेड है वो सनी लिमिटेड जो इंडियन असेट होल्ड करती है

अब रिटायरमेंट थाईलैंड में बिता रहा है वहां पे उसको पेंशन मिल रहा है लेकिन उसने सर्विस इंडिया में रेंडर की थी तो उस पर्टिकुलर केस में ये डीम टू बी अक्रूड और इन इंडिया माना जाएगा एक और चीज समझना अगर कोई भी गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट सैलरी दे रही है जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को जो कि इंडियन सिटीजन है और वो इंडिया के बाहर सर्विस रेंटेड कर रहा है एग्जांपल के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं अपने जो इंडिया के आईआरएस आईएफएस ऑफिसर रहते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस के आपको पता है फॉरेन में में इंडियन रहते हैं जैसे यूएसए में एक बंदा है जिसका नाम है कार्तिक वो यूएसए में इंडियन एम्बेसी में काम करता है पूरे साल वहीं पर रहता है उसको सर्विस उसको जो सैलरी मिलती है वो कौन देती है इंडियन गवर्नमेंट देती है तो इंडियन गवर्नमेंट उसको सैलरी दे रही है वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा और वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा लेकिन गाइज अगर उसको कोई भी परक्यूज और अलाउंस मिलता है, वो पूरा है। तो जो जो भी हमारी इंडियन में, में जो लोग बैठे हैं, हमारे के है, उनको जो भी सैलरी इंडियन गवर्नमेंट देती है वो हो और वो होगी और इन इंडिया माना जाएगा। एंड टैक्सेबल हो जाएगा उसके बाद ध्यान रखना इंडियन कंपनी से किसी को भी डिविडेंड मिलता है वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा तो इंडियन कंपनी से किसी को भी डिविडेंड मिलता है अगर इंडियन कंपनी से मिला है तो वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा एंड वो टैक्सेबल हो जाएगा अब एक और चीज समझना एक पॉइंट ये बोलता है कि अगर मान लो इंडिया के बाहर इंडिया के बाहर अगर किसी रेजिडेंट पर्सन ने किसी नॉन रेजिडेंट पर्सन को मनी गिफ्ट किया इंडिया के बाहर या फिर रेजिडेंट पर्सन ने किसी आरबट एनओआर को मनी गिफ्ट किया इंडिया के बाहर तो वो वाला गिफ्ट जो है, वो नहीं था ये 2023 से डाला है, तो मैंने क्या बोला अगर कोई रेजिडेंट पर्सन है उसने इंडिया के बाहर जाके किसी नॉन रेजिडेंट को मनी गिफ्ट किया तो नॉन रेजिडेंट बोलेगा मेरे लिए तो अक्रूड भी इंडिया के बाहर हुआ है और रिसिव भी इंडिया के बाहर हुआ है तो मैं इंडिया में टैक्स क्यों भरू इन्होंने बोला बाबू ऐसा नहीं है आपको टैक्स भरना पड़ेगा

फाइव, इसको समझना पड़ेगा अच्छे से आपका ध्यान इधर होना चाहिए ये इंटरेस्ट वाला फंडा बड़ा क्लियर है किसी को लोन दिया तो जो लोन दिया उससे इंटरेस्ट मिलेगा तो अगर उन्होंने नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी ने किसी को लोन दिया बाहर वालों के पास पैसा बहुत है लोन दिया और ये लोन किसको दिया तो या तो लोन दिया इंडियन गवर्नमेंट को किसको दिया गवर्नमेंट को यहां पे सिर्फ गवर्नमेंट वर्ड लिखा हुआ है तो गवर्नमेंट का मतलब बेटा यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों आ जाएगा बिकॉज दे हैव यूज द वर्ड ओनली गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों आ जाएगा करके ठीक है तो देखिए मैंने क्या बोला कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी है उन्होंने क्या किया लोन दिया और लोन किसको दिया गवर्नमेंट को दिया तो गवर्नमेंट से जो भी इनको इंटरेस्ट मिलेगा ना वो गाइज इंटरेस्ट डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा और वो इंडिया में टैक्सेबल होगा तो किसी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी ने क्या किया फंड दिया पैसा दिया वो पैसा किसको दिया गवर्नमेंट को दिया और गवर्नमेंट ने अगर उस पर इंटरेस्ट दिया तो वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा अब एक और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अगर ये नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी है इसने क्या किया लोन जो दिया वो इंडिया के किसी रेजिडेंट पर्सन को दिया इंडिया के किसी रेजिडेंट पर्सन को दिया एंड गाइस इंडिया के किसी रेजिडेंट पर्सन को दिया तो वो भी डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा वो जो रेजिडेंट पर्सन को दिया तो उससे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है एक्सेप्शन क्या है कि अगर इस रेजिडेंट पर्सन ने वो जो लोन का पैसा है वो इंडिया के बाहर किसी बिजनेस या प्रोफेशन में लगाया या इंडिया के बाहर किसी सोर्स का इनकम कमाने के लिए लगाया तो उस पर्टिकुलर केस में इस नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी के हाथ में वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा एक एग्जांपल लेते हैं एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं एक बात समझना एक नॉन रेजिडेंट है जिसका नाम है मिस्टर ट्रंप एक नॉन रेजिडेंट है जिसका नाम है मिस्टर ट्रंप ट्रंप के पास बहुत पैसा है ट्रंप ने क्या किया पैसा उधार दिया हमारी गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट से ट्रंप को इंटरेस्ट मिलता है वो डीम टू बी अक्रूड और इंडिया माना जाएगा इंडिया में हो जाएगा हो दूसरा ट्रंप ने पैसा दिया मान लो मिस्टर बीबी को मेरे को पैसा दिया तो गाइज ट्रंप ने अगर मेरे को पैसा दिया मिस्टर बीबी को तो जो भी मैं ट्रंप को इंटरेस्ट पे करूंगा वो उसके लिए डीम टू बी अक्रूड और इन इंडिया माना जाएगा लेकिन गाइज अगर मैंने वो पैसा इंडिया के बाहर के किसी बिजनेस या प्रोफेशन में लगाया या इंडिया के बाहर कोई इनकम का सोर्स कमाने के लिए लगाया तो जो इंटरेस्ट मैं ट्रंप को दूंगा वो उसके लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा तो देखिए यहां पे क्या बोला हुआ है कि रेजिडेंट पर्सन से किसी को नॉन रेजिडेंट वगैरह को इंटरेस्ट मिलता है वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया है लेकिन एक्सेप्शन क्या है व्हेन मनी बोरोड एंड यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम आउटसाइड इंडिया और फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया तो वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा तीसरा अगर इस नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी ने ये जो लोन दिया वो किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को दिया गए समझना किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को दिया एंड इस नॉन रेजिडेंट ने वो जो पैसा है वो किसी इंडिया के बिजनेस या प्रोफेशन में यूज किया तो जो भी इंटरेस्ट देंगे इस नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को वो डीम टू तो बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा वापस बोल रहा हूं कि ये नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी ने किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को लोन दिया और उस दूसरे लोन in यूज हुआ है किसी इंडिया के बिजनेस या प्रोफेशन में इंडिया के बिजनेस और प्रोफेशन कैरीड ऑन बाय दिस तो उस पर्टिकुलर केस में डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा एग्जांपल लेते हैं। जैसे ट्रंप है ये बंदा आपका यूएसए का है अब इसने क्या किया एक रशिया का बंदा है जिसका नाम है पुतिन अब पुतिन जो है वो रशिया का बंदा है अब देखो ट्रंप यूएसए का बंदा उसने पुतिन रशिया के बंदे को लोन दिया तो जो रशिया का बंदा पुतिन है वो जब इंटरेस्ट देगा किसको ट्रंप को तो क्या ट्रंप के लिए इंडिया में टैक्सेबल होगा या नहीं तो लॉ ये बोलते हैं कि अगर ये ट्रंप है इसने लोन दिया था रशिया के बंदे पुतिन को अगर पुतिन ने उसको इंडिया के बिजनेस या प्रोफेशन में लगाया पुतिन इंडिया में बिजनेस प्रोफेशन कर रहा है और उसमें अगर उस पैसे को लगाया तो जो भी इंटरेस्ट ट्रंप को मिलेगा दैट विल बी डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया अदरवाइज ये टू बी अक्रूड और इन इंडिया नहीं माना जाएगा तो देखिए तीन चीजें हुई सबसे पहले अगर कोई नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी गवर्नमेंट को लोन देती है उससे जो इंटरेस्ट मिलता है वो डीम टू बी अक्रूड और अड्ड इन इंडिया माना जाएगा किसी रेजिडेंट पर्सन से मिलता है डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर उस रेजिडेंट

अगर ये जो ट्रंप है ट्रंप ने लोन दिया पुतिन को, और पुतिन ने इंडिया में किया, तो, तो ट्रंप के लिए इंटरेस्ट तो इंडिया है लेकिन मान लो शेयर मार्केट में लगाया तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना बिजनेस एंड प्रोफेशन तो उस पर्टिकुलर केस में जो भी इंटरेस्ट मिलेगा ट्रंप को वो तो और इन इंडिया नहीं माना जाएगा यू गॉट माई पॉइंट नॉट यस अब एक और चीज समझना सर जैसे एक फॉरेन की बैंक है जैसे फॉरेन की बैंक का एग्जाम्पल लेते हैं जैसे एच है एच जो है वो हांगकॉन्ग में है और इंडिया की जो उसकी एच की ब्रांच है जिसका नाम है एच ब्रांच मुंबई एग्जाम्पल के लिए मुंबई में एच बैंक की एक ब्रांच है और बेटा यहाँ एच एस बी सी है वो हांगकॉन्ग में उनकी मेन कंपनी है अब क्या होता है कि जो इंडिया की ब्रांच है उन्होंने जो लोन दिया उस पर जो इंटरेस्ट कमाएंगे वो इंटरेस्ट तो टैक्सेबल होगा ही इंडिया में भाई सीधी सी बात है एक बात बताओ मुंबई का ब्रांच है मुंबई का एच का ब्रांच है वो लोगों को लोन देगा फंडिंग देगा उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा अब उन हुआ एस बी सी ब्रांच जो है ब्रांच ने अपने हेड 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 ऑफिस 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 को इंटरेस्ट दिया तो ये बोलता है ये बोलता है कि भाई हमको किसी अदर पर्सन से थोड़ी इंटरेस्ट मिल रहा है हमको तो हमारी ब्रांच से इंटरेस्ट मिल रहा है तो ब्रांच और हम तो एक ही है क्या ऐसा एक माना जाएगा आंसर इज नो यहां पे एक एक्सप्लेनेशन है और वो ये बोलता है कि जब भी आपकी ब्रांच है वो हेड ऑफिस को इंटरेस्ट पे कर रही है मनी बोरो पे तो ये माना जाएगा कि किसन है और एच एस बीसी हॉंग के लिए ये डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया इंडिया माना जाएगा guys, ये इंडिया जाएगा एंड में टैक्सेबल हो इंटरेस्ट जो एच एसबीसी हॉंग को मिल रहा है किससे एच एसबीसी ब्रांच इन इंडिया से अब आपका डाउट ये आया सर किस देखो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाता है कौन कौन से केसेस में वो तो हमने देखा लेकिन सर इंटरेस्ट पे टैक्स रेट क्या रहती है अगर कोई नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को कोई इंटरेस्ट मिलता है तो उस इंटरेस्ट पे टैक्स रेट क्या है गाइस वो इंटरेस्ट पे टैक्स रेट देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा सीधा वन ए पे तो मैं आपको लेके जा रहा हूं 115A पे आ जाइए सब लोग आपकी बुक में 115A दे रखा वन वन फाइव ए दे रखा है इंटरेस्ट रॉयल्टी एफ की बात करता है बाय द नॉन रेजिडेंट कंपनी अभी सिर्फ अपन इंटरेस्ट की बात करेंगे तो गाइज अगर मान लो किसी नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी को इंटरेस्ट मिलता है तो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को इंटरेस्ट मिलता है वो कौन कौन से केसेस में टैक्सेबल होगा वो मैं आपको सेक्शन 915 में बता चुका हूं अब क्वेश्चन आता है है टैक्स रेट क्या रहेगी तो देखो आपको कैसे याद रखना है? कि अगर नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को इंटरेस्ट मिलता है किसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड से इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड ये क्या होता है एक फंड होता है जो बहुत पहले से चला रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड तो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी ने अगर लैंडिंग किया वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड को किया और इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड से कोई भी इंटरेस्ट मिलेगा इस नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को तो ये टैक्सेबल हो जाएगा अंडर सेक्शन एंड गाइस यहां पे टैक्स की रेट रहेगी 5 परसेंट एंड उस पर टीडीएस काटना पड़ेगा अंडर सेक्शन फोर एल बी एट द रेट फाइव परसेंट दूसरा दूसरा क्या बोलते हैं कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है फॉरन कंपनी है उसने फंडिंग किया फंडिंग किसको किया देखना अगर फॉरेन करेंसी लोन लिया जा रहा है इंडियन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट ने कोई इंडियन कंपनी है जितनी भी इंडियन कंपनी आप जानते हो या बिजनेस ट्रस्ट है उसने लोन लिया है फॉरेन करेंसी लोन और फॉरेन करेंसी लोन किससे लिया है समझना करके ठीक है किसी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी से लिया है एंड गाइस इसका लोन का अग्रीमेंट हुआ है बिटवीन फर्स्ट जुलाई टू से लेके थर्टियथ जून टू तक अग्रीमेंट हुआ है इसके बीच में अग्रीमेंट बन गया या फिर बाई वे ऑफ द लॉन्ग टर्म बॉन्ड इश्यू टिल थर्टीएथ जून टू तक उन्होंने लॉन्ग टर्म बॉन्ड इशू किए हैं या फिर रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इश्यू किए हैं अप टू थाउजेंड जून 2023 तक तो जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी का हाथ में टैक्सेबल होगा एट द रेट फाइव परसेंट एंड उस पर टीडीएस काटना पड़ेगा अंडर सेक्शन वन नाइनटी फोर एलसी एट द रेट फाइव परसेंट वापस बोल रहा हूं समझने की कोशिश करना गाइज नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है इसने पैसा किसको दिया पहला तो अगर इसको पैसा दिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड को उससे इंटरेस्ट मिल रहा है टैक्सेबल होगा फाइव परसेंट से टीडीएस काटना पड़ेगा फाइव परसेंट से अब एक बात समझना इस नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी ने पैसा किसको दिया किसी भी या तो इंडियन कंपनी को दिया है ध्यान देना इंडियन कंपनी को या बिजनेस ट्रस्ट को दिया बिजनेस ट्रस्ट मीन रेट और इनवेट को दिया है अगर नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी ने पैसा दिया है या तो इंडियन कंपनी को या फिर बिजनेस ट्रस्ट को दिया बट पैसा कैसे दिया है या तो फॉरेन करेंसी लोन दिया है फॉरेन करेंसी लोन दिया है और उसका अग्रीमेंट साइन हो गया है टिल थर्टीएथ जून टू तक या फिर उन्होंने क्या किया लॉन्ग टर्म बॉन्ड इश्यू किए इंडियन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट ने लॉन्ग टर्म बॉन्ड इश्यू किए हैं जो थर्टीएथ जून टू तक कर दिया है या फिर उन्होंने रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशू किए हैं जो कि थर्टीए जून 2023 तक कर लिए हैं इंडियन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट में तो अब एक बात समझना, इनसे अगर नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को इंटरेस्ट मिलेगा दैट विल बी टैक्सेबल एट द रेट फाइव परसेंट एंड गाइज उस पर टीडीएस कटेगा एट द रेट फाइव अंडर सेक्शन वन नाइनटी बट इसमें दो एक्सेप्शनल केसेस है पहला तो गाइस एक एक्जेपन हुआ करती है अंडर सेक्शन टेन फोर सी ये टेन फोर सी एग्जामेशन क्या बोलती है मैं आपको टेन फोर सी पे पहले लेके चलता हूं और देखिए टेन फोर सी की क्या बोलती है आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी ने पैसा डाला और पैसा कहां डाला देखना नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी ने इंटरेस्ट पेबल इंटरेस्ट पे कर रही है नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी को कौन कर रहा है इंडियन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बोरोड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया बाय वे ऑफ रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ड्यूरिंग द पीरियड बिगनिंग फ्रॉम द टिल मार्च सेन तो गाइज ए वाले जो बॉन्ड इशू हुए थे इस पर्टिकुलर पीरियड में और उस पर नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी को जिंदगी में कभी भी इंटरेस्ट मिलेगा ना वो पूरा एग्जेम टे उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा तो देखो नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी ने किसी भी इंडियन कंपनी के या बिजनेस ट्रस्ट के रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड लिएटेड इशू कब हुए थे तो मोदी जी के बर्थडे से लेकर टू थाउजेंड एटीन में और टिल थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन के बीच में अगर आरडीबी इशू किया है किसी इंडियन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट ने नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी को तो उस पर इंटरेस्ट इन, जो मिलेगा जिंदगी भर वो इंटरेस्ट एक्समड जिंदगी भर वो इंटरेस्ट है अगर वो बॉन्ड्स जो इशू हुआ है आरडीबी वो इस पर्टिकुलर पीरियड में इशू हुआ है नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को अब एक और चीज समझना यहां पे एक और एंटिक चीज आएगी तो देखिए यहां पे अगर मैं आपको वापस बोलना चाहूं कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी ने इंडियन कंपनी से इंटरेस्ट मिल रहा है या बिजनेस ट्रस्ट से मिल रहा है किस चीज पे मिल रहा है या तो फॉरेन करेंसी लोन दिया था जिसका अग्रीमेंट इस डेट तक साइन हो गया था या फिर उन्होंने लॉन्ग टर्म बॉन्ड इशू किए थे इस डेट तक या फिर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशू किए थे इस डेट तक बट बेटा इसका एक एक्सेप्शन जो मैं आपको वहां मोदी जी के बर्थडे से लेके और 31 मार्च 2019 तक मैंने पढ़ाया वो इंटरेस्ट पूरा एक्जेम होगा हमेशा के लिए एग्जाम होगा अगर उस पर्टिकुलर पीरियड में आरडीबी इशू किया है लेकिन बाकी वाला इंटरेस्ट है तो टैक्स रेट फाइव रहेगी टी की रेट भी फाइव रहेगी बट गाइज यहां पे एक और अमेंडमेंट है दैट इज नोट नंबर फोर नोट नंबर फोर क्या बोलता है कि अगर कोई भी कंपनी है जिसने लॉन्ग टर्म बॉन्ड इशू किया है या रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू किया है किसी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को जो कि फर्स्ट अप्रैल 2020 से लेके और थर्टीएथ जून 2023 तक इशू कर दिया है और वो जो बॉन्ड्स है ना वो सिर्फ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज जो आईएफएससी में लोकेटेड है गांधीनगर गुजरात गिफ्ट सिटी में वहां पे लोकेटेड रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो गाइस वहां पे 5 परसेंट की जगह 4 परसेंट का टैक्स रेट रहेगा एंड गाइस यहां पे जो आपका टीडीएस का रेट है वो भी फोर रहेगा तो वापस बोल रहा हूं समझने की कोशिश करना मैंने क्या बोला नॉर्मली नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को अगर इंडियन कंपनी से या फिर बिजनेस ट्रस्ट से इंटरेस्ट मिलता है ऑन द फॉरेन करेंसी लोन और रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स तो जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है फाइव की रेट से टीडीएस भी फाइव बट इसका एक एक्सेप्शन में वहां पढ़ाया जो कि पूरा एक्सेंट होगा टेन सी में दूसरा एक्सेप्शन ये बोलता है कि अगर मान लो यहां पर जो इंडियन कंपनी है एंड बिजनेस ट्रस्ट है उन्होंने कोई भी रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स या लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इशू किया है फर्स्ट अप्रैल 2020 से लेकर जून 2023 तक एंड वो बॉन्ड लिस्टेड कहा है में, जो अपना गिफ्ट सिटी है वहां के रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो 5% की जगह रेट 4% होगा एंड गाइस अगर मान लो फर्स्ट जुलाई 2023 के बाद में इश्यू किया है तो गाइस यहां पे रेट चेंज होके नाइन परसेंट कर दिया है अब यहां पे टीडीएस का रेट भी नाइन परसेंट रहेगा एज वेल एज द टैक्स रेट भी नाइन परसेंट रहेगा तो अगर एग्जाम में अगर एमसीक्यू आ जाए क्या अगर कोई भी इंडियन कंपनी है या फिर कोई बिजनेस ट्रस्ट है उसने रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशू किया लॉन्ग टर्म किया नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी को और वो फर्स्ट जुलाई तो सब जगह यही था डेट तो तक इशू हो गया तो, तो आपका टैक्स रेट है, है वो फाइव परसेंट फोर परसेंट रहेगा लेकिन अगर उसके बाद में इशू किया है वहीं पर लिस्टेड है तो वहां पर आपका नाइन की रेट से टैक्स रेट रहेगा एंड आपका टीडीएस का रेट भी नाइन

या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया था और वो इन्वेस्ट कर दिया था टिल थर्टियत जून टू तक और इन रेस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय इन द पेपल डेट सिक्योरिटी बिटवीन फर्स्ट लेके और थाउजेंड जून 2023 तक अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया था तो उनको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उस पर फाइव परसेंट की टैक्स रेट रहेगी एंड उस पर टीडीएस काटना पड़ेगा अंडर सेक्शन फोर एल एट द रेट फाइव वापस बोल रहा हूं देखो अगर कोई भी एफ आई आई है फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फिर क्यू एफ आई है उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था इन द रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ऑफ इंडियन कंपनी या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में या फिर तुम्हारा म्यूनसिपल डेट सिक्योरिटी ये जो इंडिया में जितनी भी है ना इनको बोला ये डेट सिक्योरिटी इशू कर सकती है किसको FII को QFI को तो उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा ना वो इंटरेस्ट टैक्सेबल हो रहा है 5 की रेट से और उस उसमें टीडीएस भी घटेगा फाइव परसेंट की रेट से उसके बाद लास्ट पॉइंट ये तो आपको पता है आपको पता है हमने एक बिजनेस ट्रस्ट करके टॉपिक पढ़ा था और बिजनेस ट्रस्ट वाले टॉपिक में हमने बोला था एक होता है बिजनेस ट्रस्ट एक होता है उसका इन्वेस्टर दैट इज यूनिट होल्डर और एक होता है एसपीवी तो यूनिट होल्डर इन्वेस्ट करता था बिजनेस ट्रस्ट में बिजनेस ट्रस्ट इन्वेस्ट करता था एसपीवी में आपको पता है एसपीवी से जो इंटरेस्ट बिजनेस बिजनेस ट्रस्ट ट्रस्ट को को मिलता 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 था मिलता था था पास पास ऑन स्टेटस स्टेटस वो थ्रू और बिजनेस ट्रस्ट वो इंटरेस्ट किसको देता था यूनिट होल्डर अगर यूनिट होल्डर नॉन रेजिडेंट है यूनिट होल्डर नॉन रेजिडेंट है और उसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो फाइव से टैक्सेबल होगा और उस पर टीडीएस भी फाइव से कटेगा अंडर सेक्शन वन नाइन एंड गाइस अगर वो डिविडेंट डिट तो के केस में जो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है है उसको अगर मिल रहा है, तो डिविडेंट टेन परसेंट की रेट से टैक्सेबल होगा ये आप बिजनेस ट्रस्ट टॉपिक पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा अब उसके अलावा ये जो यहां पर एबीसीडी जो पॉइंट मैंने आपको पढ़ाए एक ही बात करता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड से इंटरेस्ट मिल रहा है बी की बात कर रहा हूं अगर इंडियन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट से किस पे या तो जो लोन लिया है, इस पर्टिकुलर पीरियड में लोन अग्रीमेंट बना है या फिर रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड या लॉन्ग टर्म जो बॉन्ड्स है वो इस डेट तो इसके केस में या फिर एफ आई को जो इंटरेस्ट मिलता है उन इन तीनों को अगर मैं छोड़ दू और इसको जो बिजनेस ट्रस्ट वाला छोड़ दू तो उसके बाद जो भी फॉरन करेंसी लोन दिया जाता है और फॉरेन करेंसी लोन दिया है वो गवर्नमेंट को दिया है या किसी इंडियन कंसर्न को दिया है फॉरेन करेंसी में तो उस पर टैक्स रेट ट्वेंटी परसेंट रहेगा एंडी एस का रेट भी ट्वेंटी परसेंट रहेगा तो टैक्स रेट इज ट्वेंटी परसेंट एंड टीडीएस का रेट है वो TDS का रेट रेट भी आपका 20 की से रहेगा होप सो so, आपको क्लियर हो गया यहां पे इंटरेस्ट के बारे में चलिए अब अगर आपका इंटरेस्ट के बारे में क्लियर हो गया तो अब अपन चलते हैं रॉयल्टी एंड एफटीएस के बारे में सबसे पहली चीज सर रॉयल्टी क्या होता है तो रॉयल्टी की अगर मैं बात करूं तो रॉयल्टी का मतलब आपको कोई भी पैसा मिल रहा है कोई भी लमसम पैसा भी मिल सकता है लेकिन जो कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो रहा है वो रॉयल्टी नहीं है जब आप किसी को कोई पेटेंट कॉपीराइट पूरा बेच देते हो आपका कोई भी रिवोकेबल राइट right नहीं है आपने पूरा ट्रांसफर कर दिया और पैसा अगर कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो जाता है तो बेटा वो रॉयल्टी में कवर नहीं होगा क्योंकि पॉइंट नंबर टू क्या बोलता है इफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज ऑलरेडी टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन देन इट इज नॉट कवर्ड इन द रॉयल्टी तो रॉयल्टी में आएगा क्या आपने अगर मान लो किसी को कोई भी ट्रांसफर किया ऑल या एनी राइट राइट किस चीज का जैसे लाइसेंस दिया आपने या तो पेटेंट का राइट right किसी को ट्रांसफर किया है इन्वेंशन मॉडल डिजाइन सीक्रेट फॉर्मूला प्रोसेस ट्रेडमार्क और सिमिलर प्रॉपर्टी में इनटेजिबल किसी को ट्रांसफर किया एंड उसका अगर आपको पैसा मिलेगा तो दैट इज कॉल योर रॉयल्टी दूसरी चीज अगर मान लो उसको इन्फॉर्मेशन दी कि ये जो पेटेंट आपको दिया है या इन्वेंशन दिया है मॉडल दिया है ये कैसे वर्किंग होगा ये यूज कैसे आप कर सकते हो उसके लिए अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसको इन्फॉर्मेशन दी और उसके लिए जो पैसा मिला वो भी रॉयल्टी में जाएगा या फिर आगे वाले को आप ये बताते हो कि जो भी आपको पेटेंट है इन्वेंशन इंटेंजिबल उसका यूज कैसे करना है देखो आप उसको सिखाते हो एक तो इन्फॉर्मेशन आपने की जो इन्फॉर्मेशन से पता चलेगा अगर मान लो दूसरा आप उसको यूज ऑफ पेटेंट वो कैसे करना है करके ठीक है वो आप बताते हो या फिर आप क्या करते हो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन देते हो जो कि टेक्निकल इंडस्ट्रियल कमर्शियल या साइंटिफिक नॉलेज एक्सपीरियंस स्किल वाली इन्फॉर्मेशन है तो उसका जो पैसा मिलेगा वो भी रॉयल्टी में जाएगा या फिर आपने कोई भी इंडस्ट्रियल कमर्शियल या साइंटिफिक इक्विपमेंट यूज करने के लिए दिया इक्विपमेंट में आप मशीन वगैरह यूज करने के लिए दे रहे हो और उसका जो रेंट मिलता है वो रेंट भी यहां पे रॉयल्टी माना जाता है करके ठीक है या फिर आप क्या करते हो ट्रांसफर ऑफ ऑल या एनी राइट right. से रिलेटेड कॉपी है लिटरेसी आर्टिस्टिक साइंटिफिक वर्क इंक्लूडिंग फिल्म वीडियो इन कनेक्शन विद द टेलीविजन और टैप्स और यूज इन कनेक्शन विद द रेडियो ब्रॉडकास्टिंग आप जो है वो मान लो कोई मूवी का राइट वगैरह देते हो तो उस पर्टिकुलर केस में भी ये रॉयल्टी में आएगा एंड गाइज रेंडरिंग एनी टाइप ऑफ द सर्विस जो अब क्लॉज में दे रखा है उससे रिलेटेड कोई सर्विस भी रेंडर करते हो तो वो तुम्हारे रॉयल्टी में आ जाएगा अब क्वेश्चन यह आता है कि मान लो कोई नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी को रॉयल्टी का पैसा मिलता है तो वो इंडिया में डीम टू बी राइज इन इंडिया कब माना जाएगा ध्यान देना हा? जैसे मान लो एग्जाम्पल ले रहा हूं एक नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है एग्जाम्पल के लिए अपन ले लेते ले हैं जिसका नाम है मिस्टर ओबामा ओबामा है वो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है अब उसने क्या किया बताए उसने मान लो फॉर एन एग्जाम्पल गवर्नमेंट को कोई सर्विस दी और गवर्नमेंट से उसको रॉयल्टी मिलती है वो डीम टू तो बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी दूसरा अगर उसको किसी रेजिडेंट पर्सन से कोई भी पैसा मिलता है रेजिडेंट पर्सन से पैसा मिलता है रेजिडेंट पर्सन को कोजिबल वगैरह दिया था और उसके लिए कोई पैसा मिल रहा है किसको नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी को तो वो डीम टू बी अक्रूड और इन इंडिया in माना जाएगा लेकिन उसका एक एक्सेप्शन एक्सेप्शन है exception क्या है क्या कि अगर इस रेजिडेंट पर्सन ने उस सर्विस को इंडिया के बाहर के किसी बिजनेस या प्रोफेशन में यूज किया है या इंडिया के बाहर किसी सोर्स का इनकम कमाने के लिए यूज किया है तो उस पर्टिकुलर केस में ये रॉयल्टी एफटीएस टी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी के हाथ में डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी पॉइंट ये बोलता है कि अगर ये नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है इसने क्या किया किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी को कोई भी उन्होंने सर्विस दी और ये नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है उसने क्या किया उस सर्विस को इंडिया के किसी बिजनेस या प्रोफेशन में यूज किया है या इंडिया के किसी सोर्स का इनकम कमाने के लिए यूज किया है तो जो भी रॉयल्टी इसको मिलेगा नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को वो डीम टू बी अक्रूड और इन इंडिया माना जाएगा एग्जाम्पल से लेते हैं जैसे ओबामा ओबामा ने मान लो इंडियन गवर्नमेंट को कोई सर्विस दी और उससे कोई भी पैसा मिलता है रॉयल्टी का डीम टू बी राइज इन इंडिया ओबामा ने क्या किया मिस्टर बीबी को मतलब मैं रेसिडेंट पर्सन हूं मेरे को कोई सर्विस दिया और गाइज उसका जो पैसा मिलता है वो डीम टू बी अक्रूड और इन इंडिया इन माना जाएगा ओबामा के हाथ में लेकिन ओबामा जो है उसने मुझे कोई सर्विस दिया मैं उसका रॉयल्टी दे रहा हूं बट मैंने वो जो सर्विस लिया है वो इंडिया के किसी बाहर के बिजनेस में इंडिया के बाहर के किसी बिजनेस या प्रोफेशन में या इंडिया के बाहर कोई अर्निंग करने के लिए मैंने यूज किया तो वो फिर ओबामा के हाथ में डीम टू बी अक्रूड और इन इंडिया नहीं माना जाएगा अब एक बात समझना ओबामा ने सर्विस दिया वो पुतिन को दिया

अब एक बात समझता हूं वो सॉफ्टवेयर एज इट इज अगर हम आगे बेचते हैं इंडिया में एज इट इज वो सॉफ्टवेयर आगे इंडिया में बेचते हैं तो आगे वाला पर्सन हमको सॉफ्टवेयर के लिए पैसा पे करेगा तो वो भी हमारा वन जे में टीडीएस काटेगा लेकिन यहां सीबीटी का एक नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन में बोला है कि भैया अगर मैं वो सॉफ्टवेयर एज इट इज आगे बेच रहा हूं एज सच आगे बेच रहा हूं उसमें कोई मॉडिफिकेशन ऑल्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो आगे वाले को टीडीएस काटने की जरूरत नहीं मैं उसको एक डिक्लेरेशन दूंगा कि मैंने जब आगे से यह सॉफ्टवेयर खरीदा था तो मैं ऑलरेडी उस पर टीडीएस वन में काट चुका हूं तो तू मेरा टीडीएस मत काट आगे वाले को मेरा टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है आपको समझ में आया कि नहीं आया अब एक और चीज समझना सर ये रॉयल्टी एफ आपने बता तो दिया बट रॉयल्टी एफ टी कैसे होता है टैक्स रेट क्या होती है रॉयल्टी एफ पे तो टैक्स रेट के लिए मैं एक काम करता हूं आपको लेके चलता हूं वापस एक बार कहां पे पता है मैं आपको लेके चलता हूं वापस 115 ए पे और 115 क्योंकि देखो मैं आपको साथ में कनेक्ट करा के पढ़ा रहा हूं ना तो आपको अच्छा लग रहा होगा करके ठीक है चलिए वन वन फाइव ए पे चलते हैं अब वन वन फाइव ए क्या बोलती है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को अगर रॉयल्टी मिलता है फीस फॉर टेक्निकल सर्विस मिलता है तो वो कैसे टैक्सेबल होगा अब एक चीज समझना आपको इसमें दो चीजें देखनी पड़ेगी आपको सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि उस नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी का इंडिया में पी है या नहीं है देखिए अगर कोई नॉन रेजिडेंट एंड फॉरेन कंपनी है एंड गाइस इस नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को समझना हाँ यह नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है और इनका इंडिया में पी है मींस पी इन in इंडिया इंडिया में पी है तो क्या होगा एंड अगर इंडिया में पी नहीं है इंडिया in में पी नहीं है तो क्या होगा देखो सबसे पहली चीज अगर इंडिया में पी है तो एक सेक्शन लग जाएगी फोर्टी फोर डी ए करके एंड इंडिया में पी नहीं है तो एक सेक्शन लगेगी वन वन फाइव ए करके अब एक चीज समझना इंडिया में पी है तो रॉयल्टी जो टैक्सेबल होगी ना वो नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल होगी मीनस रॉयल्टी इनकम के लिए वो पी क्या करेगी अपना पी एनडल बनाएगी और इस पी के डेबिट साइड में जितने भी खर्चे वो डाल दीजिए क्रेडिट साइड में टैक्स भरना पड़ेगा अगर मान लो इंडिविजुअल एच वगैरह परसेंट तो हाइएस्ट और अगर फॉरन कंपनी है तो फोर्टी की रेट से टैक्स भरना पड़ेगा ये सेक्शन फोर्टी और डीए मैंने कहा दे रखी है आपको पीजीबीपी में दे रखी अब आपको पीजीबीपी में ले जाना है तो मैं आपको ले जाके बता सकता हूं तो पीजीबीपी में अगर आप जाओगे तो पीजीबीपी में मैंने कहा दे रखा है अगर आपको याद रहेगा तो ये देखो पीजीबीपी में सेक्शन फोर्टी फोर डी और सेक्शन फोर्टी फोर डी क्या बोलती है कि अगर रॉयल्टी और टेक्निकल फीस जो एफ टी एस है वो नॉन रेजिडेंट को मिलता है तो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को अगर ये रॉयल्टी एफ टी एस का पैसा मिलता है एंड रॉयल्टी और एफ टी एस जो मिलता है इन परसुएंस ऑफ अग्रीमेंट आफ्टर सो एंड सो डेट गाइस उनका बिजनेस है और बिजनेस इंडिया में पीई e. के थ्रू कर रहे हैं इंडिया में पीई e. है या फिर प्रोफेशन है तो उनका फिक्स प्लेस है वो इंडिया में है, इंडिया में में है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है तो जो भी रॉयल्टी एफटीएस का पैसा है वो इंडिया में नॉर्मल रेट से टैक्सेबल होगा अंडर दीजीबीपी फोर्टी परसेंट थर्टी परसेंट की रेट से टैक्सेबल होगा लेकिन दो खर्चे अलाउ नहीं होंगे कौन सा अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जो होली और एक्सक्लूसिवली इंडियन बिजनेस के लिए नहीं है इंडियन पीई से रिलेटेड खर्चा नहीं है लेकिन रियम्बर्समेंट ऑफुअल एक्सपेंडिचर है तो अलाउ हो जाएगा तो देखो आपको ध्या, हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कोई भी रॉयल्टी एपटेस्ट मिलता है नॉन रेसिडेंट फॉरन कंपनी को आपको देखना पड़ेगा उसका इंडिया में पीई है या नहीं अगर पी है तो पीई का पीएनडल बनाइए क्रेडिट साइड में जो भी इनकम रहती है वो लीजिए डेबिट साइड में जितने भी खर्चे वो ले लीजिए नेट प्रॉफिट टैक्स जो नॉर्मल टैक्स रेट है 30%, 40%, उससे टैक्स लगा दीजिए। लेकिन गाइस अंडर सेक्शन अगर उसका इंडिया में पी नहीं है तो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी का इंडिया में पी नहीं है नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी का और उसको रॉयल्टी एफटीएस का पैसा मिलता है या तो किसी गवर्नमेंट से मिलता है या फिर किसी इंडियन कंसर्न से मिलता है और उसने जो अग्रीमेंट एंटर किया है इंडियन कंसर्न के साथ में वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस अग्रीमेंट को अप्रूव किया है तो रॉयल्टी एफटीएस का पैसा मिलेगा वो ग्रॉस रॉयल्टी एफटीएस गाइस लास्ट ईयर तक यहां पे टैक्स रेट 10 परसेंट थी नाउ दिस टैक्स रेट इज अ 20 परसेंट सो प्लीज रिमेंबर दिस टैक्स रेट इज अ 20 परसेंट

पॉइंट ऐसा बोलता है कि अगर किसी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को यहां पे इंटरेस्ट मिलता है या डिविडेंड मिलता है या रॉयल्टी एफटीएस मिलता है एंड अगर उस पे ऑलरेडी टीडीएस कट चुका है इंडिया में अगर उस पे ऑलरेडी टीडीएस कट चुका है तो उस पर्टिकुलर केस में आगे वाले को अपना रिटर्न फाइल करने की भी जरूरत नहीं है

फॉरेन का फंड है और उसका फंड मैनेजर इंडिया में है जो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड है फॉरेन का फंड है फॉरेन की कंट्री का फंड है और उसका फंड मैनेजर इंडिया में है तो क्वेश्चन ये आता है कि फंड मैनेजर अगर इंडिया में है तो फंड मैनेजर का इंडिया में होना क्या वो बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा आंसर इज नो अगर फंड मैनेजर इंडिया में है तो फंड मैनेजर का इंडिया में होना विल नॉट बी ट्रीटेड एज बिजनेस कनेक्शन वो बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा अब एक बात समझना इस सेक्शन को आप छोड़ भी सकते हैं बिकॉज़ इससे रिलेटेड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आज तक आया नहीं और एक्सपेक्टेड भी नहीं है बिकॉज यहाँ बहुत सारी कंडीशन है ये सब कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए तभी उसका बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा फंड मैनेजर की डेफिनेशन क्या है फंड की डेफिनेशन क्या है तो ये डेफिनेशन वाली सेक्शन है यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशन दे रखी है और अगर आप ये डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा मीस इतनी सारी कंडीशन है वो कंडीशन अगर आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि भैया कब कब वो इन्वेस्टमेंट एलिजिबल फंड माना जाएगा एंड कब जो है वो फंड मैनेजर माना जाएगा और फंड मैनेजर का इंडिया में होना इंडिया में फंड मैनेजर सिर्फ फंड मैनेज कर रहा है उसकी वजह से वो बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा चलिए नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एक्जेम्शन आती है और ये एक्जेम्पन किस किस को मिलेगी कैसे मिलेगी वो अपन समझते हैं तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं देखो यहां पे कुछ एलिजिबल एस दे रखा है और उनकी कुछ इनकम ऐसी होती है जो एक्जेम्ट होगी जैसा मैंने एक वो बताया मोदी जी के बर्थडे वाला तो मोदी जी के बर्थडे से लेकर और इस डेट के बीच में अगर कोई भी इंडियन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट ने अगर आरडीबी इशू किया है और वो नॉन रेजिडेंट ने अगर किया है तो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो पूरा है, है, इंडिया के बाहर का रेजिडेंट है अंडर फेमा के हिसाब से दैट पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया फेमा के हिसाब से एंड फेमा ने उसको बोला है एनआरआई तो अकाउंट से आरबीआई के अप्रूवल से वो क्या करता है कि अगर मान लो एनआरआई NRI, अकाउंट NRI है वो मेंटेन करता है एनआरआई अकाउंट का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट एक चीज समझता नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट क्या होता है कि ऐसा अकाउंट जिसमें आपकी फॉरेन की इनकम है जो एनआरआई लोग होते हैं उनकी जितनी भी फॉरेन करेंसी में इनकम होती है वो उसमें जमा होती है वो एनआर अकाउंट होता है और एनआर अकाउंट पे कोई भी इंटरेस्ट मिलेगा ना वो इंटरेस्ट पूरा एक्जेम्ट है तो एनआरई अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट आपका पूरा एक्जेम्प्ट हो जाएगा चलिए उसके बाद में ये टेन है वो अभी मैं आपको थोड़ी देर के बाद में समझाता हूं जहां पर उसका रेफरेंस आएगा वहां पर समझाऊंगा उससे पहले तीन छोटी छोटी सेक्शन और है वो मैं आपको समझा देता हूँ सबसे पहली सेक्शन होती है टेन फोर्टी एट बोलती है कि अगर कोई भी फॉरन कंपनी है उंट ऑफ सेल ऑफ क्रूड ऑल इट शुड नॉट बी एंगेज इन एनी अदर एक्टिविटी इन इंडिया अब एक बात समझना अगर कोई फॉरन कपनी है और फॉर कंपनी जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको पता है, एक UAE का company है जो क्रूड ऑयल बेचता है और उस कंपनी को बोला कि आप एक काम करिए आप इंडिया में क्रूड ऑयल बेचिए और पैसा आप इंडिया में आके लीजिए पैसा जो है वो आप इंडिया में आके अगर इंडियन करेंसी में आप पैसा लेते हैं

तो उसी से अगर कोई भी पर्सन को रेजिडेंट इन इंडिया को सेल करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में जो भी इनकम होगी फॉरन कंपनी को वो भी पूरी एक्जेम हो जाएगी टैक्सेबल नहीं होगी तो देखिए अगर कोई फॉरन कंपनी है और अकाउंट ऑफ द स्टोरेज ऑफ क्रूड ऑयल वो इंडिया में क्रूड ऑयल को स्टोरेज कर रहे हैं इन फैसिलिटी इन इंडिया एंड सेल ऑफ क्रूड ऑयल देयर फ्रॉम तो देखिए इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ द स्टोरेज ऑफ द क्रूड ऑयल इन अ फैसिलिटी इन इंडिया एंड सेल ऑफ क्रूड ऑयल देयर फ्रॉम एनी रेजिडेंट पर्सन इन इंडिया तो फॉरन कंपनी एंड अग्रीमेंट शुड भी नोटिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट तो उस पर्टिकुलर केस में इनकम एक्ट है, उसके बाद में क्या, क्या बोलते है? कि अगर मान लो इंडिया में क्रूड ऑयल स्टोरेज किया था लेकिन वो गवर्नमेंट के साथ अग्रीमेंट था और गवर्नमेंट ने अग्रीमेंट बाद में टूट गया या अग्रीमेंट खत्म हो गया आफ्टर एक्सपायरी फाइव ईयर का अग्रीमेंट था अब फाइव ईयर का अग्रीमेंट था अग्रीमेंट खत्म हो गया उसके बाद में लेफ्ट ओवर अगर क्रूड ऑयल बचाए तो उसमें बहुत ज्यादा मान लो फॉर एन एक्साम्पल लैक्स ऑफ लीटर लेफ्ट ओवर स्टॉक है अब वो वो लेफ्ट ओवर स्टॉक अगर कंपनी बेचेगी तो क्या उस पर बोला नहीं उस उसपे भी टैक्स नहीं लगेगा तो टेन फोर्टी बोलती है कि अगर कोई भी कंपनी है जो लेफ्ट ओवर स्टॉक जिस दिन अग्रीमेंट खत्म हुआ उसके बाद में जितना स्टॉक बचा था वो स्टॉक भी अगर उन्होंने भेज दिया ना उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा वो है पूरा उसके बाद में तो पे एक बात समझिए मैंने आपको तीन चीजें बताई सबसे पहली सेक्शन क्या बोलती है कि अगर कोई फॉरन कंपनी है वो क्या करती है इंडिया में क्रूड ऑयल सेल करती है और उसका कंसिडरेशन इंडिया में इंडियन करेंसी

और जो भी उनका सर्विस देती है उसमें जो क्रूड ऑयल है उसको फिल करने का काम उसको रिफिलिंग का काम वगैरह है वो सब ये कंपनी करती है जिसका नाम है इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम लिमिटेड रिजर्व लिमिटेड अब एक बात समझना ये जो होली ओन सब्सिडी ऑफ द ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ये फॉरन गवर्नमेंट का कंपनी है अब यह कंपनी क्या करती है इस कंपनी को अगर इनकम होता है इनकम फ्रॉम द अरेंजमेंट ऑफ रेप्लेसमेंट ऑफ क्रूड ऑयल स्टोर्ड इन इट्स स्टोरेज फैसिलिटी इन परसुएस ऑफ डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहार तो ये क्या करती है स्टोरेज फैसिलिटी में रेप्लेनिशमेंट का काम करती है क्रूड ऑयल का नहीं लगेगा उसमें है कि आपका जैसे ही वो खाली हो जाता है, उसके तीन साल के अंदर अंदर है वो आपको रेप्लेसमेंट करना पड़ेगा करके ठीक है तो देखिए क्या लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दिस क्लॉज शेल नॉट अप्लाई टू एन अरेंजमेंट इफ क्रूड ऑयल इज नॉट स्टोरेज फैसिलिटी विद इन थ्री फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच अज रिमूव फ्रॉम फैसिलिटी फॉर द फर्स्ट टाइम तो ये चार

पहले इंडिया में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं था तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब इंडियन कंपनी के शेयर वगैरह नहीं खरीद सकते थे तो क्या करती थी जो फॉरेन के फंड थे वो म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू इंडिया में इन्वेस्ट करते थे तो ये सेक्शन क्या बोलती है कि अगर कोई भी ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ऐसा कोई भी फंड है इंस्टीट्यूशन है एसोसिएशन है जो इंडिया के बाहर है और उसने इंडिया में क्या किया किसी पब्लिक सेक्टर बैंक पीएफआई या म्यूचुअल फंड के साथ अरेंजमेंट करके उसके थ्रू इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया है तो गाइस अगर ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने क्या किया कोई म्यूचुअल फंड कंपनी या यूटीआई की यूनिट एक्वायर की तो उस पर जो भी इनकम होगा दैट विल बी टैक्सेबल एट द रेट टेन परसेंट अब आप बोलोगे कौन सा इनकम हो सकता है तो एक तो अगर मान लो उस उसपे जो इनकम होगा म्यूचुअल फंड यूटीआई पे जो इनकम मिलती है कैपिटल गेन नहीं इनकम मिलती है वो इनकम सिर्फ टेन परसेंट से टैक्सेबल होगी एंड गाइस उसको बेचने पे अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल एट द रेट टेन परसेंट तो आ, यहाँ पे वन वन फाइव ए बी क्या बोलती है जो ओफो है ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने म्यूचुअल फंड या यूटीआई का जो यूनिट खरीदा था उस यूनिट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ टैक्सेबल एट द रेट टेन परसेंट एंड उस पर कोई भी इनकम होती है दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल एट द रेट टेन परसेंट उसके बाद एक सेक्शन आती है सी वन वन फाइव

फसीबी बॉन्ड खरीदा या जीडीआर खरीदा उस पे अगर उसको इनकम इनकम कौन सी हो सकती है अगर कोई नॉन रेजिडेंट को इंडियन कंपनी का उसने कोई भी बॉन्ड्स खरीदा था फॉरन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड या जीडीआर खरीदा था और उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ टैक्सेबल एट द रेट टेन परसेंट एंड गाइज इंटरेस्ट डिविडेंड मिला वो भी टैक्सेबल हो जाएगा रेट टेन परसेंट अब एक तो तो चीज समझना यहां पे हुआ क्या कि जैसे मान लो उसने क्या किया किसी एक कंपनी का जो है वो जीडीआर या बॉन्ड खरीदा था वो कंपनी अमलगमेट हो गई और अमल के बाद जो नई कंपनी का बॉन्ड्स मिला तो क्या उस पर भी एक्जेम्पन का बेनिफिट मिलेगा यानी आंसर इज यस उस पे भी एक्जेम्पन का बेनिफिट मिल जाएगा एक और चीज समझना नॉन रेजिडेंट को अगर इंडियन कंपनी के बॉन्ड्स या जीडीआर जो इनकम मिला वो इनकम सिर्फ इंटरेस्ट और डिविडेंड मिल रहा है एंड उसकी और कोई इनकम नहीं है और इस पर अगर टीडीएस कट चुका है तो उसको इंडिया में रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है एक और सेक्शन है वन वन फाइव एसी अब वन फाइव बेसिकली नॉन रेजिडेंट के केस में नहीं लगती है रेजिडेंट के केस में लगती है मैंने सिर्फ यहां पे इसको सिक्वेंस को पूरा करने के लिए लिया है तो ये ये सेक्शन क्या बोलती है कि अगर मान लो कोई भी रेजिडेंट एम्प्लॉई है रेजिडेंट एम्प्लॉई और वो रेजिडेंट एम्प्लॉय किसी इंडियन कंपनी का है या उसकी सब्सिडरी कंपनी का और वो कंपनी है वो स्पेसिफाइड बिजनेस में है यहां पे स्पेसिफाइड बिजनेस का मतलब होता है कि जैसे आईटी सॉफ्टवेयर सर्विस है एंटरटेनमेंट सर्विस है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है एनी अदर मे बी नोटिफाइड अब एक बात समझता उसमें अगर उसको ई e मिलता है जैसे रेजिडेंट एम्प्लॉय है और उसको ईसॉप e में जीडीआर मिल गया ईसॉप e में अगर इंडियन कंपनी का जीडीआर मिल गया और उसको बेचा तो कैसे टैक्स लगेगा तो उसमें अगर एल हुआ तो टेन से टैक्सेबल होगा और डिविडेंड मिलता है जीडीआर पे वो भी टेन से टैक्सेबल हो जाएगा तो ये बेसिकली नॉन रेजिडेंट के लिए सेक्शन नहीं है ये सेक्शन है वो रेजिडेंट के लिए चलिए अब यहां पे ये ध्यान देना सेक्शन एडी वन वन ये बोलती है कि अगर कोई भी एफआईआई या स्पेसिफाइड फंड आप स्पेसिफाइड फंड को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना आप स्पेसिफाइड फंड को थोड़ी देर के लिए आप स्पेसिफाइड फंड को छोड़ दीजिए आप याद रखिए सिर्फ एफ आई आई फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंडियन शेयर मार्केट इज डिपेंड्स ऑन द एफ आई आई एफ आई आई जिस दिन पैसा डालते हैं शेयर मार्केट जाता है ऊपर एफ आई आई जिस दिन पैसा निकालते हैं अपन देखते हैं आज कितना पैसा निकाला हमारा पोर्टफोलियो है वो रेड में कैसे चला गया तो देखिए सेक्शन वन वन फाइव ए ये बोलती है कि जो भी एफ आई आई है उसको अगर इनकम होती है अब देखो एफ आई आई को अगर अपन ने वहां पर वन वन फाइव ए में भी तो देखा था देखिए यहां पे सी वाले पॉइंट में एफ एफ़आईआई ने अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट किया रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स या इंडियन कंपनी में या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में या फिर तुम्हारा डेट सिक्योरिटी में अगर उसमें इन्वेस्टमेंट किया इंडियन कंपनी का आरडीबी खरीदा मान लो इंडियन गवर्नमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया या फिर जो तुम्हारा म्यूनिपल डेट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा इंटरेस्ट इज टैक्सीबल एट द रेट फाइव परसेंट ये इंटरेस्ट की सेक्शन थी इंटरेस्ट इज टैक्सिबल एट द रेट फाइव परसेंट अंडर सेक्शन वन वन फाइव ए बट सर इंटरेस्ट के अलावा अगर सिक्योरिटी पे कोई इनकम होता है तो वो कैसे टैक्सेबल होगा तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि अगर एफ आई आई को अगर सिक्योरिटी पे कोई इंटरेस्ट सॉरी सिक्योरिटी पे कोई इनकम मिलता है

देखो वो वहां पे जो ऑलरेडी कवर हो गया उसको छोड़ गया भाई। यहाँ पे जो इंटरेस्ट एफ को मिलता था किस पे रूपी ऑफ द इंडियन कंपनी इसको छोड़ के इसको छोड़ के अगर कोई भी इनकम मिला इनकम का मतलब होता है इंटरेस्ट मिला या डिविडेंड मिला दैट विल बी टैक्सेबल एट द रेट ट्वेंटी परसेंट एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ देन इट इज टैक्सेबल एट द रेट थर्टी परसेंट आप इसको याद से याद रखिए कि अगर कोई एफ है आई एफ को क्या करता है इंडिया में अगर मान लो कोई सिक्योरिटी से इनकम होता है तो सिक्योरिटी से इनकम होता है तो दैट विल्वेंटी एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो थर्टी परसेंट लेकिन ध्यान रखना अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल बने वाला है तो वो फिफ्टीन परसेंट की रेट से टैक्सेबल होगा तो आप ऐसे याद रखेंगे कि अगर कोई एफ आई आई है फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उसको सिक्योरिटी में इनकम होती है तो सिक्योरिटी पे इनकम कैसे टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट थर्टी परसेंट टेन परसेंट फॉर लॉन्ग टर्मिटल गन ट्वेंटी परसेंट फॉर द इंटरेस्ट एंड डिविडेंड एंड थर्टी परसेंट फॉर द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर ट्रिप वन ए वाला है देन इट विल बी टैक्सेबल एट द रेट फिफ्टीन परसेंट अब एक और चीज समझना गाइज हमेशा ध्यान रखना इस सेक्शन में अगर मान लो आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मैं बोल रहा हूं 10 परसेंट से टैक्सेबल होगा लेकिन वो वन वन टू ए वाला है तो ऑब्वियसली वन लाख तक टैक्सेबल नहीं होगा वन लाख के ऊपर वाला 10 परसेंट से टैक्सेबल होगा उसके बाद में दूसरी चीज ध्यान रखना एफ के, के केस में जो भी ये कैपिटल गेन होगा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म एस टी हमेशा ध्यान रखना यहां पे कभी भी आपका जो ये डिविडेंट है एज वेल एज द आपका जो ये डिविडेंट है एज वेल एज आपका जो कैपिटल गेन होगा ये जो डिविडेंट है एज वेल एज जो कैपिटल गेन होगा गाइज इस पर सरचार्ज कभी भी ट्वेंटी फाइव परसेंट वाला एंड थर्टी सेवन परसेंट वाला नहीं लगेगा मिस यहां पे मैक्सिमम सरचार्ज जो रहेगा ना वो मैक्सिमम सरचार्ज आपका 15% परसेंट ही लग सकता है क्योंकि एफ आई आई वो एओपी बी के फॉर्म में रहते हैं और एओपी बीवाई के फॉर्म में रहेंगे यहां पे मैक्सिमम सरचार्ज है वो आपका 15% परसेंट ही लगेगा तो जो भी डिविडेंड मिला एज वेल एज द जो कैपिटल गेन है कोई भी कैपिटल गेन हो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कोई भी कैपिटल गेन है मैक्सिमम सरचार्ज है वो फिफ्टीन ही हो सकता है उससे ज्यादा सरचार्ज नहीं होगा अब यहां पे नेक्स्ट पॉइंट ये आता है सर ये तो बात कर दी आपने एफआईआई की हमको समझ में आ गया तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है दो बार ठीक है कंपाइलर में भी दो क्वेश्चन दे रखे एफआईआई से रिलेटेड बड़े बड़े क्वेश्चन दस 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 आते थे एफआईआई में ध्यान रखना क्या रेट मैंने बोली एफआईआई के केस में टेन ट्वेंटी थर्टी टेन परसेंट फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ट्वेंटी परसेंट फॉर द इनकम दट इज इंटरेस्ट एंड डिविडेंड एंड गैस थर्टी परसेंट फॉर द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल बने वाला है तो आपका फिफ्टीन अब एक बात समझता है एक फंड आता है स्पेसिफाइड फंड अब स्पेसिफाइड फंड आप क्या किसको बोलोगे पहली चीज तो मैं बता दू स्पेसिफाइड डेफिनेशन दे रखी है आपके सेक्शन टेन फोर डी में और ये टेन फोर डी में अभी मैं आपको लेके जाता हूं वहां पे स्पेसिफाइड फंड की डेफिनेशन दे रखी है स्पेसिफाइड फंड का मतलब होता है बेसिकली जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी थ्री वाला जो कि आईएफएससी में लोकेटेड है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी थ्री वाला जो कि आई में लोकेटेड है और उसके जितने भी शेयर होल्डर है वो शेयर होल्डर सब नॉन रेजिडेंट है मीन जितने भी यूनिट होल्डर है वो आपके नॉन रेजिडेंट है तो मैंने बोला कि आपका स्पेसिफाइड फंड किसको बोलेंगे कोई भी ऐसा अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड जो कैटेगरी थ्री वाला है और वो कैटेगरी थ्री वाला कहां पे लोकेटेड है आई में लोकेटेड है एंड उसके जितने भी यूनिट होल्डर है वो नॉन रेजिडेंट है एज वेल एज गाइज अगर मान लो कोई भी ऐसी बैंकिंग यूनिट है है की जो बैंक है, उसकी जो इन्वेस्टमेंट डिविजन जो है वो इन्वेस्टमेंट डिविजन अगर आई में है ऑप्शोर बैंकिंग यूनिट का इन्वेस्टमेंट डिविजन जो आई एफ एस सी में उसको भी बोला जाएगा स्पेसिफाइड फंड अभी मैं बताता हूं स्पेसिफाइड फंड किसको बोलेंगे तो गाइज स्पेसिफाइड फंड के केस में आपका जो टैक्स लगेगा वो टैक्स रेट होगी टेन परसेंट टेन परसेंट तो वो थर्टी परसेंट बट ट्रिपल वन ए वाला है तो वो फिफ्टीन परसेंट की रेट से टैक्सेबल हो जाएगा अगर ट्रिपल वन ए वाला है तो दैट विलसेंट यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस अब एक और चीज समझता

एंड विच हज ग्रांटेड द कटेगरी थ्री ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड का लाइसेंस एंड वह कहाटेड है आई एफ एस सी में लोकेटेड है एंड गाइज उसके जितने भी यूनिट है ना वो सब नॉन रेजिडेंट होल्ड करते हैं अदर देन स्पॉन्सर एंड मैनेजर स्पॉन्सर मैनेजर को छोड़ के बाकी जितने भी यूनिट्स है वो नॉन रेजिडेंट है वो होल्ड करते हैं लेकिन एक चीज समझना यहाँ पे कोई नॉन रेजिडेंट होल्ड करता था लेकिन वो रेजिडेंट बन गया और वो रेजिडेंट बन गया लेकिन उसके पास पांच परसेंट से ज्यादा का यूनिट नहीं है तो चलेगा लेकिन गाइज अगर वो रेजिडेंट बन गया यहाँ पे थ्री मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच प्रीवियस ईयर के एंड से तीन महीने के अंदर अंदर फिर अपनी यूनिट है वो उसको डायल्यूट करनी पड़ेगी इसको आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा देखो पहली कंडीशन क्या है स्पेसिफाइड स्पेसिफाइड फंड फंड किसको बोलेंगे Specified fund मतलब ऐसा कोई भी फंड जो कि ट्रस्ट कंपनी या एल के फॉर्म में है जिसके पास ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी थ्री का लाइसेंस है एंड तीसरा वो आईएफएससी में लोकेटेड है एंड गाइस उसके साथ साथ में उसके जितने भी यूनिट होल्डर है वो नॉन रेजिडेंट होने चाहिए

जो ओबीयू का इन्वेस्टमेंट डिवीजन है उसको भी अपन मानेंगे स्पेसिफाइड फंड तो बात हो गई स्पेसिफाइड फंड की अब एक स्पेसिफाइड फंड जो होता है स्पेसिफाइड फंड की वहां पे मैंने क्या बोला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो टेन परसेंट उसके बाद में इनकम हुआ इंटरेस्ट डिविडेंड तो टेन परसेंट एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो थर्टी परसेंट एंड ट्रिपल बने वाला है तो आपका फिफ्टीन परसेंट ये कहां दे रखा है में दे रखा है लेकिन सर यहां पर मैं एक बात बताऊं स्पेसिफाइड फंड की कुछ इनकम है

उसमें दे देखा म्यूचुअल फंड की यूनिट उसमें दे रखा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की यूनिट तो उसमें कुछ दे रखी है करके ठीक है गोल्ड रिसिट भी उसमें शायद ऐसा कुछ दे रखा है करके ठीक है है बुलियन बुलियन वाला तो एक एक बात समझना वहां पे लिस्ट दे रखी उस लिस्ट में ये दे रखा है कि ये ये असेट अगर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में उस स्पेसिफाइड फंड ने ट्रांसफर किया रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज आईएफएससी में लोकेटेड है और कंसिडरेशन फॉरेन करेंसी में मिल रहा है तो स्पेसिफाइड फंड को कोई भी टैक्स नहीं लगेगा उस कैपिटल गेन पे दूसरा गाइस अगर मान लो उसको कैपिटल गेन होता है स्पेसिफाइड फंड को किस पे ऑन द ट्रांसफर ऑफ एनी सिक्योरिटी किसी भी सिक्योरिटी को बेचा और उस पर कैपिटल गेन होता है अदर देन इंडियन कंपनी का इंडियन रेजिडेंट कंपनी का शेयर अगर इंडियन रेजिडेंट कंपनी का शेयर बेचा तो कैपिटल गेन हुआ तो टैक्सेबल होगा बट अदरवाइज कोई भी कैपिटल गेन हुआ अदर देन इंडियन कंपनी का शेयर जो इंडियन रेजिडेंट कंपनी है उसको छोड़ के किसी कंपनी का शेयर बेचा और उस उसपे सिक्योरिटी बेचा उस पर कैपिटल गेन हुआ वो पूरा है तो देखो दो चीजें एक्जेमट है एक तो जो स्पेसिफाइड फंड है स्पेसिफाइड फंड को कैपिटल गेन होता है ऐसी सिक्योरिटी पे जो सेक्शन 47 क्लॉज नंबर सेवन ए बी में दे रखी है जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन द आईएफएससी में ट्रांजैक्शन होता है कंसिडरेशन फॉरेन करेंसी में मिलता है वो पूरा एक्जेंट है कैपिटल गेन दूसरा कोई भी सिक्योरिटी बेचा उस सिक्योरिटी पे कैपिटल गेन होगा वो एक्जेम्ट है लेकिन अदर देन इंडियन रेजिडेंट कंपनी के शेयर को छोड़ के तीसरा अगर कुछ स्पेसिफाइड फंड को इनकम होती है इनकम कहां से होती है एनी इनकम फ्रॉम सिक्योरिटी इशूड बाय नॉन रेजिडेंट मतलब स्पेसिफाइड फंड जो कि आईएफएससी में लोकेटेड है उसने किसी फॉरेन कंपनी का सिक्योरिटी खरीदा होगा और उस पर जो इनकम हो रही है किसी नॉन रेजिडेंट जो है

और उसका कंसिडरेशन फॉरेन करेंसी में पेबल है या फिर उन्होंने कोई भी ऐसी सिक्योरिटी ट्रांसफर की जो नॉन रेजिडेंट ने इशू की थी वो सिक्योरिटी ट्रांसफर की उस पे कैपिटल गेन हुआ या फिर कोई भी नॉन रेजिडेंट ने इशू की थी ऐसी सिक्योरिटी पे इनकम हुआ वो एग्जम्प्ट है एंड गाइस अगर मान लो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट से पीजीबीपी का इनकम है वो इसके हाथ में स्पेसिफाइड फंड के हाथ में एग्जम्प्ट है अब एक बात समझता। आप स्पेसिफाइड फंड के यूनिट होल्डर है तो होल्डर है वो में रहेंगे। उन्होंने अगर की बेच तो स्पेसिफाइड की स्पेसिफाइड तो की यूनिट बेची वो हो जाएगा क्योंकि स्पेसिफाइड फंड टैक्स भर रहा है तो उन्होंने स्पेसिफाइड फंड की यूनिट अगर बेची यूनिट होल्डर ने वो पूरा टेन है अंडर सेक्शन बी सी करके ठीक है अब एक बात समझता अब मैं वापस लेकर चल रहा हूं आपको स्पेसिफाइड फंड मैं स्पेसिफाइड फंड पे सर इतना टाइम क्यों दे रहा हूं बिकॉज मैं आपको बताऊं अगर मान लो कभी एग्जाम में आ गया ना तो आपको क्लैरिटी बैठनी चाहिए अब देखो एफआईआई वाला तो बड़ा सिंपल था हो गया अब स्पेसिफाइड स्पेसिफाइड फंड फंड की मैं बात कर रहा हूं fund, अगर एग्जामिनर ने कभी पूछ लिया ना तो दिमाग की खिड़कियां खुल जाएगी स्पेसिफाइड फंड किसको बोलते हैं तो देखिए अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी थ्री जो आई में लोकेटेड है एंड इन्वेस्टमेंट डिवीजन ऑफ द ओबीयू इन द ओबीन आएफ एस बैंकिंग यूनिट फॉरन का बैंक का कोई इन्वेस्टमेंट डिवीजन है वो गांधीनगर गुजरात गिफ्ट सिटी में लोकेटेड है अब एक बात समझना स्पेसिफाइड फंड की कैसे आएगी, मैंने आपको दो चीजें बताई मैंने एक तो आपको गेन 10%, 10%, हुआ तो थर्टी परसेंट फिर मैं आपको लेके गया वहां पर सेक्शन नंबर टेन फोर डी में और टेन फोर डी में बोला चार इनकम है कौन कौन सी या तो ऐसी जो आई एफ एस सी लोकेटेड रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में जो कि फोर्टी सेवन नंबर सेवन ए बी में दे है वो बेचा तो दूसरा किसी और नॉन रेजिडेंट का सिक्योरिटी बेचा तो अदर देन इंडियन रेजिडेंट कंपनी का शेयर तीसरा मैंने बोला कि नॉन रेजिडेंट ने कोई सिक्योरिटी इशू किया था उस पे जो इनकम मिला वो एक्जेंट है एंड ट्रस्ट से अगर बिजनेस का इनकम मिलता है वो एक्जेंट है तो आप बोल रहे हो सर वहां कुछ एग्जेपन बता रहे हो यहां बोल रहे हो ये टैक्स रेट है टेन परसेंट टेन परसेंट एंड थर्टी परसेंट तो सर हमको समझ नहीं रहा है अभी आपको समझेगा इस चार्ट से ये चार्ट बहुत मेहनत करके बनाया है पहली चीज कि अगर कोई स्पेसिफाइड फंड है और स्पेसिफाइड फंड के यूनिट होल्डर कौन होने चाहिए मैंने बोला नॉन रेजिडेंट होने चाहिए बट दो को छोड़ के मैनेजर स्पॉन्सर तो देखो यूनिट ऑफ अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड हेल्ड बाय द रेजिडेंट मैनेजर और स्पॉन्सर और पी ऑफ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया तो एक बात बताइए यहां पे अगर जितना मैनेजर होल्ड करता है स्पॉन्सर होल्ड करता है कोई रेजिडेंट पर्सन होल्ड करता है तो उस पर्टिकुलर केस में जो स्पेसिफाइड फंड को इनकम हो रही है ना दैट विल नॉट बी टैक्सेबल एज पर स्पेसिफाइड रेट अंडर सेक्शन इट विल बी टैक्सेबल द नॉर्मल रेट सो ये तुम्हारे लिए इनकम टैक्सेबल हो जाएगा द नॉर्मल रेट लेकिन अगर कोई भी यूनिट जो नॉन रेजिडेंट होल्ड कर रहा है उसकी जो प्रपोशनेट इनकम होगी वो इनकम कैसे टैक्सेबल होगी सबसे पहले अगर कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी अगर स्पेसिफाइड फंड को कैपिटल गेन हुआ अब एक बात समझना कैपिटल गेन अगर उन्होंने वो सिक्योरिटी जो सेक्शन 47 सेवन क्लॉज नंबर सेवन ए बी में वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सेंज आई एफ एस सी में लोकेट है वो ट्रांसफर किया में मिला, तो वो तो हो जाता है उस टैक्स नहीं लगेगा लेकिन गाइज अगर मान लो किसी इंडियन रेजिडेंट कंपनी है उसके शेयर बेचे तो तो टैक्स लगेगा ना इंडियन रेजिडेंट कंपनी के शेयर बेचे तो टैक्स लगेगा और इंडियन रेजिडेंट कंपनी के शेयर बेचे तो टैक्स कौन सी रेट से लगेगा वही तो मैं बोल रहा था यहां पे आपको टेन टेन एंड थर्टी वाला तो बेटा एक बात बताओ अगर इंडियन रेजिडेंट कंपनी के शेयर बेचे तो टैक्स लगेगा अंडर सेक्शन बने वाला हुआ 15%, STCG हुआ 30%. लेकिन अगर कोई बेची, किसी नॉन रेजिडेंट ने की अदर सिक्योरिटी बेची तो उस पर जो भी कैपिटल गेन होगा अगर इनकम होती है इनकम का मतलब होता है इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलता है को, तो देखो इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलता है लेकिन वो इंटरेस्ट और डिविडेंड है वो किसी ऐसी सिक्योरिटी पे मिलता है जो नॉन रेजिडेंट ने इशू किया जैसे यूएसए की किसी कंपनी ने कोई डिवेंचर इश्यू किया था उस पर इंटरेस्ट मिला वो एक्जेप्ट हो जाएगा टेन फोर्टी में बट अगर मान लो किसी भी सिक्योरिटी इशू बाय रेजिडेंट पर्सन या नॉन रेजिडेंट का इंडिया में पी है उसने सिक्योरिटी इशू किया है तो उस पर जो भी इंटरेस्ट डिविडेंड मिलेगा दैट विल बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन एट द रेट एंड अगर कोई भी स्पेसिफाइड फंड को पीजीबीपी का इनकम होता है सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट से तो वो पूरा एक्ज हो जाएगा अंडर सेक्शन टेन फोर डी तो अब देखो टेन फोर डी का एंड वन वन फाइव एडी का आपका जब आप कंपेरेटिव एनालिसिस करते हो तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बैठ जाती है लेकिन सर एक बात बताओ ये कैसे पता चलेगा क्योंकि आप बोल रहे हो कि जितनी यूनिट नॉन रेजिडेंट ने होल्ड कर रखी है उसका प्रोपोर्शनेट इनकम है वो प्रोपोर्शन होगा अगर कोई रेजिडेंट ने होल्ड कर रखी है रखीएफ लाइक रेजिडेंट ने होल्ड कर रखी है रेजिडेंट मैनेजर तो उसका प्रोपोर्शनेट टैक्सेबल होगा तो ये कैसे पता चलेगा तो उसके लिए इन्होंने बोला एक अब ये देखकर याद हो तो ठीक है नहीं हो तो ठीक है अब जैसे कैपिटल गेन हुआ तो कैपिटल गेन में काम करो टोटल कैपिटल गेन कितना हुआ है मल्टीप्लाई करो जो अट अंडर मैनेजमेंट है एयूएम जिस दिन वो सिक्योरिटी खरीदी थी उस दिन से लेके और जिस दिन आपने सिक्योरिटी ट्रांसफर की उस दिन तक जितना आपका अंडर मैनेजमेंट है उसकी टोटल कर दो और वो टोटल करो कि नॉन रेजिडेंट का कितना एयूएम आपने होल्ड कर रखा है और डिवाइड कर दो कि आपका टोटल एयूएम कितना है तो यहां पे जो ये लाइन है ना ये लाइन बेसिकली यहां पे आनी चाहिए थी लाइन यहां पे आनी चाहिए थी समझना मैंने क्या बोला सबसे पहले अगर कैपिटल गेन है तो कैपिटल गेन केस में कैपिटल गेन लो अब नॉन रेसिडेंट का प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन कैसे निकालोगे तो आप एक काम करो कि जो भी स्पेसिफाइड फंड है उसका टोटल एयूएम है पहले काम करो जब वो कैपिटल गेन किस पे सिक्योरिटी पे हो रहा है तो वो जो असेट खरीदा था उस दिन से लेके जब आपने बेचा उसका टोटल एयूएम उसको प्लस करो और उसमें से नॉन रेजिडेंट ने कितना होल्ड किया था उसको प्लस करो तो जो भी कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाय नॉन रेजिडेंट ने होल्ड किया था उसका एग्रीगेट डिवाइड बाय टोटल एयूएम करके ठीक है तो आपको प्रपोशनेट है वो प्रपोशनेट आपको यहां पे मिल जाएगा अब एक बात समझना इनकम की अगर बात हुई जैसे डिविडेंड मिला इंटरेस्ट मिला या फिर पीजीबीपी जो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट का उसके केस में क्या होगा तो अब उन्होंने बोला कि जितना इनकम होता है वो ले लो मल्टीप्लाई कर दो के उस दिन को

या फिर इंडिया में कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए उसको पैसा मिलता है या फिर न्यूज़पेपर में अगर वो कोई भी आर्टिकल लिखता है और उसका कोई पैसा मिलता है या फिर नॉन रेजिडेंट एंटरटेनर है वो इंडिया में परफॉर्म करने आता है उसका कुछ पैसा मिलता है या नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन को इंडिया में कोई इवेंट हो रहा है उससे रिलेटेड उनको कोई गारंटी कमीशन वगैरह मिल रहा है तो दैट विल भी टैक्सेबल एट द रेट ट्वेंटी परसेंट वो ट्वेंटी परसेंट से टैक्सेबल होगा और आपको याद रहेगा तो टीडीएस भी काटना पड़ता है ट्वेंटी परसेंट से वन नाइन फोर ई मैंने बोला ऊला क्रिस गिल को पैसा मिलता है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा वो टीडी एस से घटेगा टैक्सेबल भी यहाँ पे ट्वेंटी से होगा एक और चीज समझना यहाँ पे नॉन रेजिडेंट

जैसे वो एक है ना शेफर्ड करके एक एंपायर सो जितने भी अंपायर होते हैं वो अगर मान लो आते हैं तो क्या वो स्पोर्ट्स पर्सन माने जाएंगे आंसर इज नो तो जो अंपायर होते हैं मैच रेफरी होते हैं वो सब आपके स्पोर्ट्स पर्सन नहीं माने जाएंगे तो उनको जो भी आप इनकम पे करोगे उस पे 194 ई में टीडीएस नहीं कटेगा 195 में टीडीएस काटना पड़ेगा अब एक और चीज समझना यहां पे जो जो मैंने आपको स्पेशल रेट वाली सेक्शन पढ़ाई वन वन से लेकर और वन वन तक पहली चीज वन वन फाइव ए दैट इज इंटरेस्ट रॉयल्टी एफटीएस वाला वन वन फाइव कौन सा था ओ वाला वन वन सी कौन सा था कि वो नॉन रेजिडेंट एफ सी भी फॉरन करेंसी वाला मैंने बोला फॉरेन करेंसी कन्वर्ट से बर्ड बॉल एंड वन वन फाइव कौन सा था वन वन फाइव जो था एफ वाला स्पेसिफाइड वन वाला एंड वन ये वाला अब एक बात समझता है ये जितने भी आपने इनकम पढ़ाई ना इस इनकम में कोई भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा आपकी ग्रॉस इनकम है वो टैक्सेबल हो जाएगी इन इनकम के सामने आपको डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स भी नहीं मिलेगा एटीएलए का मिलेगा अगर आई एफ एस सी में लोकेटेड है तो एटी एल ए वाला मिलेगा बाकी कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा एंड गाइस या अगर रॉयल्टी एफटीएस का इनकम है तो रॉयल्टी एफटीएस की इनकम के सामने अगर 115 ए में टैक्सेबल हो रहा है उसके सामने आपको डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स का बेनिफिट मिलेगा अदर स्पेशल रेट्स की इनकम के सामने कोई भी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से नहीं मिलता बट रॉयल्टी एफटीएस के सामने मिलेगा एक और चीज समझना 48 है, वो नहीं है। में कोई इंडेक्सेशन वगैरह नहीं होगा इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं होगा प्रोवाइजो एज वेल एज फर्स्ट प्रोवाइज था कन्वर्जन करते थे में और बाद में कैपिटल गेन निकालते थे वो वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा उसके बाद ये जितने भी प्रोविजन मैंने पढ़ा है ये सब मैंडेटरी है ये करनी ही इनके सामने आपको बेसिक एक्सामेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा और डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स के सामने डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स का बेनिफिट मिल जाएगा ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं अब एक बात समझता हूं यहां तक पहुंचे हैं तो एक और सेक्शन में आपको बता देता हूं एक सेक्शन होती है 285 ए आपको पता है मैंने अभी थोड़ी देर पहले वोडाफोन वाले केस का जिक्र किया था उसमें मैंने बताया था कि फॉरेन की कंपनी जो है वो सनी लिमिटेड थी इंडिया की कंपनी थी बीबी लिमिटेड

तो तो बेटा टू परसेंट ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू का पेनल्टी पे करना पड़ेगा इंडियन कंसर्न को इंडियन कंपनी को एंड गाइस अदरवाइज है वो फाइव लाख रुपए का पेनल्टी है वो लग जाएगा चलिए अब उसके बाद में मैं आपको एक और जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट बच जाता है दैट इज रिलेटेड टू द एन का टैक्सेशन आप आ जाइए सीधा एनआरआई वाले पार्ट पे एन आर एनआरआई तो एनआरआई एनआरआई का मतलब क्या होता है तो एनआरआई जो है वो आपका चैप्टर नंबर ट्वेल्व ए होता है एक बात बताऊं अभी जो मैंने स्पेशल रेट बताई थी ना वन वन फाइव ए वन वन फाइव ए बी वन वन फाइव ए सी वन वन फाइव ए डी वन वन फाइव बी बी ए वो चैप्टर नंबर ट्वेल्व है और जो एनआरआई वाला चैप्टर है वो चैप्टर नंबर ट्वेल्व ए है पहली चीज तो एनआरआई किसको बोलते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन एनआरआई का मतलब अगर कोई पर्सन ऐसा है जो नॉन रेजिडेंट है मीन इंडिया के बाहर रह रहा है सिक्स वन की कंडीशन दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा नॉन रेजिडेंट बट नॉन रेजिडेंट के साथ साथ वो या तो इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन है तो उसको NRI बोलेंगे। अब एक बात समझना NRI के लिए इन्होंने 115C से लेके and guys, यहां पे तक कुछ स्पेशल रेट दे रखी है कुछ स्पेशल प्रोविजन है एंड गाइस ये जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ना ये ऑप्शनल है मतलब एनआरआई को ये फॉलो करना है तो करे नहीं करे तो कोई बात लेकिन एग्जाम में अगर एनआरआई का क्वेश्चन आता है और आपको बोला जाएगा चैप्टर ट्वेल्व ए को फॉलो करना है तो आपको करना है करके ठीक है अब एक बात समझना टॉपिक क्या बोलता है कि अगर कोई नॉन 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 रेजिडेंट 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 एंड इंडियन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ ओरिजिन तो जो भी मैं आपको एनआरआई वाले प्रोविजन पढ़ा रहा हूं ये पहली चीज तो आपको इंडिविजुअल पे ही लगेंगे क्योंकि एक बात बताओ इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन वो तो इंडिविजुअली हो सकता है कोई कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म वगैरह तो हो नहीं सकती तो अगर कोई एनआरआई बनता है आपको दे रखा होगा एनआरआई एनआरआई है तो एनआरआई के, के केस में अगर उसके पास कोई फॉरेक्स एक्स असेट है फॉरेक्स असेट का मतलब क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूं फॉरेक्स फॉरक्स है तो उसके लिए स्पेशल टैक्स रेट लगेगा फॉरेक्स एक्स असेट पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ सिर्फ टेन परसेंट से टैक्स भरो फॉरेक्स असेट पे जो इन्वेस्टमेंट का इनकम है मीन इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह मिला उस पर आप ट्वेंटी परसेंट से टैक्स भरो एंड अदर इनकम जो भी रहेगी वो आपकी नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल होगी तो देखिए अगर कोई एनआरआई है तो एनआरआई के केस में अगर आपको फॉरेक्स असेट पे एलटीसीजी हुआ 115 e बोलती है आप टैक्स भरोन परसेंट एल टीसीजी टेन परसेंट इनकम हुआ तो 20 परसेंट डिविडेंट इंटरेस्ट मिला तो 20 परसेंट एलटीसीजी हुआ 10 परसेंट डिविडेंट इंटरेस्ट मिला 20 परसेंट स्पेशल रेट अब एक चीज समझना फॉरेक्स अट किसको बोलेंगे एनआरआई ने क्या किया वो फॉरेक्स असेट खरीदी है फॉरेक्स असेट का मतलब उसने पहली चीज तो फॉरेन करेंसी यूज किया है या तो इंडियन कंपनी का शेयर है इंडियन कंपनी का शेयर मतलब पब्लिक कंपनी हो प्राइवेट कंपनी हो कोई भी कंपनी हो इंडियन कंपनी का शेयर खरीदा या फिर डिबेंचर ऑफ इंडियन पब्लिक कंपनी इंडियन पब्लिक कंपनी के डिबेंचर खरीदे है या डिपोजिट विद द इंडियन पब्लिक कंपनी इंडियन पब्लिक कंपनी के साथ में डिपोजिट किया है या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई सिक्योरिटी खरीदा है या एनी अदर एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट तो आप ये समझिए

डिचर और डिपोजिट विद इंडियन पब्लिक कंपनी एंड तीसरा क्या है सिक्योरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गाइज इसको मैं forex asset उसने foreign currency में खरीदा था इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ ही कैन पे द टैक्स एट द रेट टेन परसेंट एंड गाइज अगर इन्वेस्टमेंट इनकम मीन उस पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा डिविडेंड मिलेगा दैट इज टैक्सेबल ओनली एट द रेट ट्वेंटी परसेंट लेकिन गाइज ये जो मैं बोल रहा हूं दो तरह की इनकम कि जो इन्वेस्टमेंट इनकम है उस पर टैक्स लगेगा ट्वेंटी परसेंट की रेट से लेकिन ध्यान रखना इन्वेस्टमेंट इनकम के सामने कोई भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा दिस इनकम इन्वेस्टमेंट इनकम द डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल ऑन द ग्रॉस बेसिस मतलब जितना इंटरेस्ट मिला जितना डिविडेंड मिला किस पे इंटरेस्ट डिविडेंड मिला शेयर ऑफ द इंडियन कंपनी और डिपोजिट और डिवेंचर ऑफ द लाइक इंडियन पब्लिक कंपनी और सिक्योरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट डिविडेंड मिला दैट इज टैक्सेबल एट द रेट ट्वेंटी परसेंट गाइज इसके सामने कोई भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा एज वेल एज द अंडर चैप्टर सिक्स ए का भी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा

वाला है तो उसमें तो फर्स्ट प्रोवाइजो भी नहीं लगता ना वो तो वहीं पे 112a में, में बोल रहा है तो वहां पे फिर फर्स्ट प्रोवाइजो भी नहीं लगेगा अदरवाइज अगर कोई होता है तो फर्स्ट प्रोवाइजो जो तो सेक्शन 48 है वो लग जाएगा तो देखिए मैंने क्या बोला एक बार वापस बोल रहा हूं अगर कोई एनआरआई है और एनआरआई के पास में फॉरेक्स एसेट है किया तो शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी या फिर डिपोजिट और डिबेंचर ऑफ द इंडियन पब्लिक कंपनी या सेंट्रल गवर्नमेंट का सिक्योरिटी अगर कैपिटल इनकम के सामने कोई भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा एलटीसी के, के केस में, 48 लगेगा, 48 नहीं लगेगा. उसके बाद में एक और चीज समझना अगर कोई एनआरआई ने ये एक फॉरेक्स एसेट बेचा और फॉरेक्स एसेट जैसे ही बेचा छह महीने के अंदर अंदर मिस ट्रांसफर की डेट से छह महीने के अंदर अंदर अगर उसने कोई दूसरा फॉरेक्स असेट खरीद लिया या कोई सेविंग सर्टिफिकेट खरीदे जो कि टेन फोर बी में रखा है आजकल ये सेविंग सर्टिफिकेट है नहीं बट एक क्वेश्चन में पूछा था इसके लिए तो देखो एनआरआई ने क्या किया कि अगर मान लो एक फॉरेक्स असेट बेचा उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ एंड सिक्स मंथ के अंदर अंदर उसने दूसरा फॉरेक्स असेट खरीद लिया या कोई सेविंग सर्टिफिकेट जो टेन फोर बी वाले है, वो खरीदे तो उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे एक्जेंशन मिल जाएगा बट एक्जेंशन मिलेगा जैसा हमने कैपिटल गेन में फिफ्टी एफ था ना प्रपोजनेट उसके जैसा कैसे कि भैया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ न्यू असेट रहे हो और एग्जेमशन ले रहे हो तो अगले तीन साल तक आपको वो नया फॉरेक्स एसेट बेचना नहीं है अगर आपने बेचा तो जितना पहले एग्जेम्शन लिया था वो वापस से जाके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा उस ईयर में जिस ईयर में आप वो नया वाला असेट है वो बेचते हैं अब एक और चीज समझना अगर कोई भी ऐसा एनआरआई है जिसको सिर्फ यहां पे जो इनकम हो रही है वही है या तो इन्वेस्टमेंट इनकम या एलटीसीजी एंड उसका अगर टीडीएस कट चुका है तो उसको इंडिया में अपना रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है अब एक और चीज समझना अगर कोई बंदा ऐसा है जो एनआरआई था पहले तो वो एनआरआई था और उसने कोई फॉरेक्स एसेट खरीद लिया था अब उस फॉरेक्स एसेट पे इन्वेस्टमेंट इनकम आ रहा है तो इन्वेस्टमेंट इनकम पे ट्वेंटी से टैक्स भरना पड़ता है लेकिन अब वो रेजिडेंट बन गया तो वो रेजिडेंट बन गया वो फॉरेक्स असेट अभी भी उसके पास है उस पर इन्वेस्टमेंट इनकम आ रहा है उस पर ट्वेंटी परसेंट से टैक्स लगता था क्या रेजिडेंट बनने के बाद भी वो प्रोविजन कंटिन्यू कर सकते हैं आंसर इज यस अगर आप रेजिडेंट बनते हैं और रेजिडेंट बनने के बाद भी आपको क्या करना पड़ता है आपको सिर्फ डिपार्टमेंट को यह बताना पड़ेगा कि आप यही 20 परसेंट से कंटिन्यू करना चाहते हैं टैक्स तो आप 20 परसेंट से टैक्स भर सकते हैं इवन यू बिकेम द रेजिडेंट रेजिडेंट इन इंडिया आप बन आप बन गए अब एनआरआई नहीं हो तो भी आप जो है वो ट्वेंटी इन्वेस्टमेंट इनकम पे टैक्स भर सकते हैं लेकिन गाइज जब तक वो फॉरेक्स एसेट आपके पास है जैसे ही वो फॉरेक्स एसेट आपने बेच दिया तो बेचने के बाद जो है अगर आपने वो फॉरेक्स एसेट को बेच दिया तो बेचने के बाद तो कैपिटल गेन हो जाएगा उसके बाद में कैपिटल गेन एंड उसके

पेपर नंबर उसके लिए ऑब्वियसली आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा इसके लिए मैंने यहां पे डाल के रखा है क्योंकि क्या होगा ना जब पेपर नंबर के लिए जब आप आप जाओगे तो तो के लिए भी तो क्या करना पड़ेगा आप ये बुक लेके जाओगे तो उसमें कहीं पे ऐसा कुछ पॉइंट आ गया तो यहां से आ सकता है बट आपके पेपर नंबर फोर के लिए यहां से क्योंकि आई वाला जो पॉइंट है ना वो अभी भी डेवलपिंग है अभी भी उतना पता नहीं और एग्जामिनर भी उससे रिलेटेड वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग के कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा करके ठीक है चलिए उसके बाद में ये बाकी वाली जो इजी इजी है इसमें से आपको मार्किंग करा के दे देता हूं एक तो ये पढ़ लेना और एक ये पढ़ लेना करके ठीक है ये दोनों आपको समझ आएगा एक ये भी पढ़ लेना और एक ये इंटरेस्ट भी पढ़ लेना ठीक है तो ये जो है ये चार पांच जो लास्ट वाली है वो आप पढ़ लेना इसके ऊपर वाली जो है वो एक बार आप रीड करके छोड़ देना करके ठीक है चलिए उसके बाद में एक और एग्जामेशन जो है ये टेन ट्वेंटी वाला अब ये टेन ट्वेंटी वाला जितना मैं बता रहा हूं उतना ही आपको पढ़ना है आपको पता है जो अबू धाबी का जो शेख था वो इंडिया आया था अबू धाबी का शेख इंडिया आया था मोदी जी से मिला था और मोदी जी ने बोला था कि आप है ना इंडिया में इन्वेस्ट करो ना आप इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करो तो उसको बोला उसने बोला कि हम आपके यहां इन्वेस्ट करेंगे लेकिन हमको फायदा क्या होगा तो अबू धाबी वाले को मोदी जी ने बोला कि तुम इंडिया में इन्वेस्ट करो उससे जो भी आपको इनकम मिलेगा मिस डिविडेंड मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा वो पूरा एग्जिट है देखो अबू धाबी वाला इंडिया आया उसको बोला क्या हबीबी आप इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करिए

एटलीस्ट तीन साल के लिए होल्ड करके रखना है ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती है तो वो नॉन रेजिडेंट को मिस अबुधाबी वाले को जो डिविडेंड मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा या एल आएगा वो पूरा एक्समट उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा इन्वेस्टमेंट टू से लेकर टिल थर्टी मार्च टू करना है और वो इन्वेस्टमेंट को एटलीस्ट थ्री ईयर्स के लिए होल्ड करना है अब आप मुझे बोलोगे इन्वेस्टमेंट करना कहाँ है देखो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे लगाए कहां इन्वेस्टमेंट करेंगे वो तो इन्होंने बोला कि आप या तो एक काम करिए बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट खरीद लीजिए जो आई एंड एटी इन्फ्रास्ट्रक्चर इन रियल स्टेट नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड वो वाले बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट खरीद लीजिए या फिर आप एक काम करिए किसी ऐसी एंटिटी में इन्वेस्ट करिए जो कि इंडिया में डेवलपिंग ऑपरेटिंग और मेंटेनिंग डेवलपिंग ऑपरेटिंग मेंटेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का काम करती है मैक्सिमम अंबानी अदानी की कंपनियां तो अंबानी अदानी की कंपनियां जितने भी एयरपोर्ट वगैरह है उसके डेवलपिंग का ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग का डेवलपिंग ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग का काम करती है उनके शेयर खरीदिए उसमें इन्वेस्ट करिए उसी एंटिटी में इन्वेस्ट करिए या फिर आप एक काम करिए कैटेगरी वन एंड कैटेगरी टू ऑफ द अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्ट करिए और वो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड क्या करेगा अपना एटलीस्ट फिफ्टी या उससे ज्यादा पैसा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया फिफ्टी परसेंट या उससे ज्यादा पैसा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएगा मिस वो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी वन और टू वाला क्या करेगा बिजनेस ट्रस्ट में पैसा लगाएगा या अंबानी अदानी वाली जो कंपनी है उनमें पैसा लगाएगा तीसरा क्या बोलता है चौथा क्या बोलता है या फिर एक काम करो अबू धाबी वाले को बोला कि आप एक काम करिए किसी डोमेस्टिक कंपनी में इन्वेस्ट करिए जो कि 2021 या उसके बाद में हुई है बी जो अंबानी फाइव परसेंट या फिर आप एक काम करिए किसी एनबीएफसी में इन्वेस्ट करिए और वो एनबीएफसी जो है वो रजिस्टर्ड अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है और उसने क्या किया है अपना 90 परसेंट लैंडिंग है वो इंफ्रा वाली कंपनियों को किया तो अल्टीमेटली पैसा आना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में तो मोदी जी ने उनको बोला अबुधाबी वालों को आप एक काम करो आपको जो भी डिविडेंड मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा या एल मिलेगा वो एग्जेक्ट है दो कंडीशन है पहली कंडीशन क्या है कि इन्वेस्टमेंट ये चार साल में होना चाहिए एंड दूसरा इन्वेस्टमेंट आपको एटलीस्ट थ्री इयर्स तक रखना पड़ेगा इन्वेस्ट कहां करें तो आप एक काम करो ना या तो बिजनेस ट्रस्ट में इन्वेस्ट कर लो आई में या फिर आप एक काम करो आप किसी भी ऐसी एंटिटी में इन्वेस्ट करो जो कि डेवलपिंग या फिर ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग डेवलपिंग ऑपरेटिंग मेंटेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का काम करती है एग्जांपल के लिए एक बार अंबानी अदानी की मैक्सिमम कंपनियां वो काम करती है ठीक है अब एक बात समझना या फिर आप एक काम करिए कैटेगरी वन और टू अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में आप इन्वेस्ट करिए और वो अपना मिनिमम वो फिर कंपनी में इन्वेस्ट करिए और डोमेस्टिक कंपनी में इन्वेस्ट, इन्वेस्ट करेगी या फिर आप एनबीएफसी में इन्वेस्ट करिए और एनबीएफसी अपना नाइन् परसेंट कंपनी को करेगा तो उससे इन्वेस्ट करोगे जो इनकम होगी वो पूरी एक्जेम है लेकिन एक चीज समझना अगर आगे जाकर कोई कंडीशन का वायलेशन कर दिया

उसके लिए कंडीशन क्या इट शुड बी रेजिडेंट ऑफ द यूएई एंड गाइस इट्स मेक्स इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आउट ऑफ द फंड ओन बाय द गवर्नमेंट ऑफ धाबी का पैसा है वो इन्वेस्ट कर रही है कौन अबुधाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी उसको ही एग्जामेशन मिलेगी दूसरे जो सोवरेन वेल्थ फंड होते हैं जो फॉरन के फॉरेन कंट्रीज में जो सोवरेन वेल्थ फंड होते हैं वो अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं या तीसरा जो फॉरेन के जो पेंशन फंड होते हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको इसमें कंडीशंस वगैरह इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं आप सिर्फ ती, तीन चीजें याद रखिए कि जो अबुधाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है वो इन्वेस्ट कर रही है या फिर मान लो सोवरेन वेल्थ फंड इन्वेस्ट कर रहा है या फिर पेंशन फंड है वो इन्वेस्ट कर रहा है चलिए उसके बाद में जो ये वाला पॉइंट है ना आपको चाहिए तो एक बार पढ़ लेना नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा कि क्या होता था कि बहुत सारे जो फॉरन के फंड है अब फॉरन के फंड को बोला कि हम आई चालू किया है आप अपने फंड को यहाँ पे रीलोकेट कर दो

मैं आपको बताऊं, लास्ट एक कॉन्सेप्ट आई थिंक बच जाता है section क्या बोलता है है है, कि अगर कोई भी foreign bank है, उसका ब्रांच इंडिया में एग्जाम्पल के लिए जैसे एक फॉरेन की बैंक है जिसका नाम है एच एस बी सी एच एस बी सी और एच एस बीसी की एक ब्रांच इंडिया में है जिसको मैं बोल देता हूं एच एसबीसी मुंबई ब्रांच अब एक बात समझो ये एच मुंबई ब्रांच है ये तो फॉरेन कंपनी का पी e. हो गया तो मुंबई ब्रांच जो भी इनकम कमाएगी उस पर टैक्स कितना लगेगा 40 की लगेगा की रेट से टैक्स फॉरेन कंपनी की टैक्स रेट क्योंकि फॉरेन कंपनी का पी e. है तो टैक्स रेट इज फोर्टीट अब एक बात समझना इन्होंने बोला क्या ये एच मुंबई की जो बैंकिंग की ब्रांच है इस ब्रांच को आप चाहो तो इंडियन सब्सिडरी कंपनी बना दो ना आप चाहो तो इसको इंडियन कंपनी बना दो और इंडियन कंपनी बनाओगे तो इंडियन कंपनी पे टैक्स रेट सिर्फ 25 परसेंट या 30 परसेंट की रेट से ही तो लगता है और आजकल तो 25 25 जो आ गया 115 की रेट से ओनली लगता है आप इंडियन कंपनी बना दो तो और ये इंडियन कंपनी जो रहेगी ये फिर सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी एच एस बी की जो आपका हेड ऑफिस है उसकी सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी इंडियन कंपनी तो ब्रांच को कन्वर्ट कर रहे हो आप अपनी सब्सिडरी कंपनी में जो कि इंडियन कंपनी है तो गाइज यहां पर हम आपको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे और आप जो असेट्स वगैरह इधर ट्रांसफर करोगे वो कैपिटल गेन वगैरह हम नहीं लगाएंगे अब एक बात समझना यहां पे कुछ कंडीशन है कंडीशन क्या है कि अगर कोई भी फॉरेन की बैंक है वो फॉरेन की बैंक क्या करती है अपनी ब्रांच को कन्वर्ट कर देती है इंडियन सब्सिडी कंपनी में तो कैपिटल गेन जो है वो कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं होगा बट कुछ कंडीशन है पहली कंडीशन क्या है है कि जो इंडियन ब्रांच वो अमलगमेट हो रही है इंडियन कंपनी के साथ में ये स्कीम जो अमलगमेशन था ये अप्रूव किया है शेयर होल्डर ऑफ द फॉरेन कंपनी एच एस बी सी के जो शेयर होल्डर उन्होंने उसको अप्रूव किया है एंड आरबीआई ने उस स्कीम को सेंक्शन किया है

देखिए यहां समझते हैं कोशिश करना यहां पे क्या बोला हुआ है करके ठीक है उस ईयर के एंड तक 100 परसेंट शेयर होने चाहिए एंड गाइस उस ईयर के एंड से आगे अगले पांच साल तक एटलीस्ट फिफ्टी वन परसेंट वोटिंग पावर है वो एच एस बी के पास होना चाहिए मिस फॉरेन कंपनी शुड होल्ड एटलीस्ट हंड्रेड परसेंट शेयर ऑफ इंडियन सब्सिडी कंपनी टिल द एंड ऑफ दैट ईयर ऑफ कन्वर्जन एंड गाइस नेक्स्ट फाइव ईयर के लिए आपको एटलीस्ट फिफ्टी वन परसेंट शेयर है वो रखने पड़ेंगे

कुछ ट्रांजिशन मैकेनिज्म दे रखा है ट्रांजिशन मैकेनिज्म दे रखा है ये मैकेनिज्म क्या है बड़ा सिंपल है पहली चीज सर एक बात बताइए करंट ईयर का डेप्रिशिएशन किसको मिलेगा जैसे इन बिटवीन द ईयर आपका अमलगमेशन हुआ तो क्या ये ब्रांच को मिलेगा या फिर इंडियन कंपनी को मिलेगा तो उन्होंने बोला एक काम करो पहले डेप्रिशिएशन ऐसे कैलकुलेट करो जैसे अमल हुआ ही नहीं और जितने नंबर ऑफ डेज बाय देम उस रेशियो में डेप्रीशन को डिवाइड कर दो अपन ऐसा ही तो पहले पढ़ा था सर एक बात बताइए सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉस एक बात बताइए जो ये ब्रांच के अपोर्चुनेट लॉसेज जो एच एस के रहेंगे लॉसेज क्या वो लॉसेज और अनएब्स ऑफ इंडियन कंपनी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कर सकती है आंसर इज यस कर सकती है

जो पुराने वाले ने खरीदी थी, थी वो डिप्रिशिएबल असेट नहीं है तो कॉस्ट टू तो प्रीवियस ओनर है वही कॉस्ट मच जाएगा अब एक और बात समझना पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेना है तो पीरियड ऑफ होल्डिंग जो प्रीवियस ओनर ने अट खरीदा था वहां से लेना है पीरियड ऑफ होल्डिंग वहां से लेना है और इंडेक्सेशन भी वहीं से होगा एज पर द जे शाह उसके बाद क्या मैट क्रेडिट मिल जाएगा क्योंकि एक बात बताओ Foreign company का मैट क्रेडिट था तो क्या मैट क्रेडिट मिल जाएगा यहां इंडियन कंपनी को आंसर इज यस जो के जो ब्रांच के अप्रोचनेट भी credit था वो इंडियन कंपनी को मिल जाएगा और यहां पे फ्रेश 15 इयर्स का टाइम मिलेगा उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए अब एक बात समझना जो VRS का एक्सपेंडिचर है उसका क्या होगा जैसे मान लो वीआरएस का खर्चा आपको पता है फाइव इक्वल इंस्टॉलमेंट में होता है तो भैया एक बात बताओ जितनी इंस्टॉलमेंट ले ली उसके बाद रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट है वो नई वाली इंडियन कंपनी को मिल जाएगा जैसे टू इंस्टॉलमेंट ले ली थी तो थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ है वो नए वाले को मिल जाएगा अब प्रोविजन फॉर बेडेट्स जैसे बैंक को प्रोविजन फॉर बेडेट्स अव होता है तो जो ओपनिंग प्रोविजन है वो ओपनिंग प्रोविजन का क्या होगा तो यहां पे एक बात बताइए जो भी प्रोविजन फॉर बेड डेट्स है वो फॉरेन बैंक जो थी एच एस बी उसकी ब्रांच थी तो एच एस बी के हाथ में जो भी प्रोविजन फॉर बेड डेट्स था वो एज इट इज इंडियन बैंक को मिल जाएगा एंड गाइस लास्ट इज यहां पे जब भी जो तुम्हारी फॉरेन की बैंक के एच एस बी को इस, इस इंडियन कंपनी के जो शेयर फ्री में मिलेंगे उस पर कोई भी फिफ्टी नहीं लगेगा फिफ्टी टू टेन है वो नहीं लगेगा अब आगे जाके कहीं पे भी अगर वायलेशन हो जाता है तो भैया जिस ईयर में आपने कंडीशन वायलेटेड की करके ठीक है जिस ईयर में कंडीशन आपने वायलेट की उस ईयर में वापस से जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्या होगा रेक्टिफिकेशन है वो रेक्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 154 हो जाएगा तो ये एक जनरल सा प्रोविजन है एग्जामिनेशन के लिए आई डोंट थिंक कितना आने के चांसेस है बट जस्ट मैंने आपको बताया जो कन्वर्जन वाला था तो चलिए यहाँ पे आपका नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है मैंने नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन में जो जो आपको पढ़ाया आपको जो ध्यान देना है और जो मुझे लगता है एग्जाम में आ सकता है एक तो देखो मुझे पता नहीं इस पर ऐसा क्यों लग रहा है रेसिडेंशियल स्टेटस आपको इंडिविजुअल का भी ध्यान देना चाहिए रेसिडेंशियल स्टेटस जो इंडिविजुअल है डीम्ड रेजिडेंट है वो भी आ सकता है दूसरा ध्यान तक देना रेसिडेंशियल स्टेटस में जो कंपनी वाला पोएम वाला कॉन्सेप्ट है वो आने का चांस मुझे लग रहा है करके ठीक है उसके बाद अगर मैं उससे आगे बढ़ता हूं तो उससे आगे बढ़ने के बाद मुझे पता चलता है कि आपके एग्जाम में एक वो वोडाफोन वाला जो केस लो है ना वो वोडाफोन वाला केस लो जो मैंने बताया था एग्जाम तो में, तो में, में आ जाए वोडाफोन के वाले केस लो से रिलेटेड क्वेश्चन उसके बाद अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो ध्यान देना आप जो इंटरेस्ट है प्लस रॉयल्टी है प्लस एफ है इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो देखो आता ही है हर बार बट इसको हमेशा आप वन वन फाइव ए के साथ में पढ़िए क्योंकि वन वन फाइव ए से कनेक्ट करके पढ़ोगे ना तो फटाफट वड़ हो जाएगा तो इंटरेस्ट रॉयल्टी एफ टी एस प्लस वन वन फाइव ए के साथ में पढ़िए और उसके बाद में लास्ट में जो है वो सेक्शन आपको इन्वेस्टमेंट इनकम है, तो आप है उस पर ट्वेंटी वो आपका तो ये अगर आपको मैं बोलू ना समराइज करना चाहूं तो अगर आप इतना ध्यान से दे दोगे ना तो आपके बारह तेरह मार्क्स जो भी आते हैं वो आ जाएंगे इस टॉपिक से टेन टू ट्वेल्व मार्क्स का टॉपिक है ऐसे ही जाने नहीं देना है आपको रेजिडेंट इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कंपनी का जो पोएम वाला कॉन्सेप्ट है वो आपको ढंग से पढ़ना है वोडाफोन वाला जो केसलॉ वाला जो अमेंडमेंट था वो फॉरेन कंपनी अपने शेयर की वैल्यू इंडियन असेट से डिराइव करती है तो वो डीम टू बी लोकेटेड इन इंडिया माना जाएगा वो वाला ढंग से पढ़ना है उसके बाद में इंटरेस्ट रॉयल्टी एफ एस के साथ में वन ए उसके साथ में ही कर दो वन वन एडी जो है वो एफ और स्पेसिफाइड फंड का टैक्स रेट एंड एनआरआई का टैक्स रेट है अगर आप इतना कर लेते हैं तो मेरे को लगता है इसके बाहर से क्वेश्चन आने का चांस इस टॉपिक से आपका नहीं बनता है गाइस तो ये एनआर का टैक्सेशन का रिवीजन मैंने आपको कराया जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैंने आपको कराया ये टॉपिक सच में इतना इजी नहीं है और रिवाइज कराने के लिए मेरे तो गले की बैंड बच गई और इतना सारा इतनी सारी चीजें हैं आप भी कम से कम दो चार बार इसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा एक चीज वापस बोल रहा हूँ कि हमने कंपाइलर जो इस बार बनाया था मे नवंबर 2024 वाला उस कंपाइलर में एनआर टेक्सेशन में जो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट थर्टी थर्टी वन थर्टी टू ये चार क्वेश्चन है उसमें रॉयल्टी एफ टी एस का रेट टेन परसेंट लिया है जो कि ट्वेंटी परसेंट लेना चाहिए ये एक मिस्टेक है मैंने यहाँ पे भी आपको बताया ट्वेंटी परसेंट मैंने अलग से आपको दो तीन बार बता चुका हूँ अब मैं वापस बोल रहा हूँ कि अगर आपके कंपाइलर में टेन परसेंट है तो मेक इट ट्वेंटी आप ट्वेंटी करके ठीक है चलिए दे देखो वी आर एक्सपेक्टिंग पोस्टपोन होगा यू आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग आई वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग बट एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ एग्जाम हो रहा है टाइम पे लेकिन एक बात बताऊं सबकी हालत ऐसी ही है। आपको लग रहा है ना कि आपका कम हुआ है कब पूरा होगा अरे सर हुआ ही नहीं जैसा चाहते थे वैसा नहीं हुआ मैं बताऊं सबकी हालत सेम है तो बिल्कुल स्ट्रेस मत लो जितना होता है उतना करो अगर मान लो एक ग्रुप हो जाता है एक ग्रुप करो बट मैं एक बात बता दूं इस बार का रिजल्ट सबसे अच्छा रहने वाला है ऐसा एक बार और हुआ था नवंबर 2020 में कोविड की वजह से पीपल वर फाइटिंग के एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए कोविड में कैसे एग्जाम लेंगे एंड ऑल एंड वहां पे बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया और बोला अपन बाद में दे देंगे जनवरी में बट नवंबर 2020 का रिजल्ट आप देखना सबसे अच्छा रिजल्ट रहा था उसमें बहुत सारे पुराने जो अटके हुए बच्चे थे वो पास हो गए थे बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था इस बार भी ऐसा होने वाला है इंस्टीट्यूट रिजल्ट अच्छा रखेगी डोंट स्किप द एग्जाम आप एग्जाम स्किप मत करिए आप अगर एक ग्रुप भी प्रिपेयर कर पाते हैं एक ग्रुप प्रिपेयर करके और आप एग्जाम दीजिए और रिजल्ट अच्छा रहने वाला है तो इसमें आप पास हो जाएंगे और कोई बात नहीं ना एक ग्रुप अभी दे, दे देंगे एक ग्रुप अगली बार दे देंगे क्या फर्क पड़ता है ऐसा जरूरी थोड़ी है दोनों ग्रुप साथ ही क्लियर करने हैं बट आप ढंग से पढ़ाई करिए ढंग से एग्जाम दीजिए आराम से पास हो जाएंगे एंड गाइस यहां तक अपना रिवीजन लेक्चर का सफर था जो मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपको रिवीजन लेक्चर के थ्रू दिए खासकर टीडीएस टीसीएस की अगर आप बात करोगे असेसमेंट प्रोसीजर की बात करोगे एनआर टैक्सेशन की बात करोगे ट्रांसफर प्राइसिंग की बात करोगे सब मैंने रिविजन लेक्चर है वो आपको मैंने दिए है उसको आप ढंग से करिए जो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रायोरिटी क्वेश्चन का लिस्ट दे रखा है वो आप करिए और ट्वेंटी फाइव केस लॉस का लिस्ट दे रखा है मैंने फाइव केस लॉस का दे रखा है वो 25 फाइव केस लॉस है वो आप ढंग से करिए जो आपको दे रखा है उसके हिसाब से और आप एम टी पी आर है इस साल का करिए ठीक है इस साल मतलब अभी जो एम टी पी आर टी है वो आपको करना है मैं एम में आपकी एक आर का वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं मैं टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर वाला एम में मैं आपकी हेल्प ये करूंगा कि एम में जो एम दे रखे अगर आपको कभी मैच नहीं हो रहा कि एम का आंसर कैसे निकाला तो मैं आज ही टेलीग्राम ग्रुप पे वो आपको शेयर कर दूंगा आपको मिल जाएगा कि एम के एम का सॉल्यूशन कैसे डिराइव किया गया है करके ठीक है मैं आपको सॉल्व करके और मैं आपको दे दूंगा ठीक है चलिए आज के लिए इतना बहुत है और गाइस अपन जब मिलने वाले अगली बार जब आप सी होंगे करके ठीक है तो आपके लिए ये प्रॉमिस रहा आपके लिए एक मोटिवेशन रहा जब भी सीए बनो मुंबई आओ मिलो बिकॉज हर कोई बोलता है कि जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे हम बोलते हैं हम मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे तो आप और हम लोग मिलते रहेंगे साथ में आगे जाएंगे बिकॉज एक अकेला इंसान है वो बहुत तेज़ भाग सकता है बहुत दूर तक नहीं जा सकता उसके लिए आपका साथ मुझे ज़रूरी है मेरा साथ आपको जरूरी है साथ में रहेंगे अच्छे से रहेंगे और बहुत आगे जाएंगे बहुत अच्छा करेंगे बहुत इंजॉय करेंगे बहुत मजे करेंगे और अभी थोड़े टाइम ही तो आपको पढ़ना है उसके बाद तो लाइफ सेट है और सच बता रहा वो सेट है पढ़ना नहीं पड़ेगा इस दुनिया का सबसे डिफिकल्ट टास्क है पढ़ना बाकी सब काम पढ़ाना एंड ऑल सब इजी है बट पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है तो बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो और ढंग से पढ़ लो और एक बार पढ़ लो फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा सीए बन जाएंगे पार्टी करेंगे मजे करेंगे थैंक्स अलॉट पीपल दैट्स एन ए फो फ्रॉम माई साइड आज के लिए इतना बहुत है